डायलॉग फ्लो CX को ज़रा ओपन कर लेते हैं और जो लास्ट हम चैटबॉट बना रहे थे उसको ज़रा ओपन कर लेते हैं हम। नॉट दिस वन। अच्छा तो ये हमने लास्ट जो है ना एक चैटबॉट बना लिया था। इसको क्या हो गया, एनए क्यों हो रहा है ये? अच्छा सही है, ये खुद ही ठीक हो गया। अच्छा तो लास्ट हमने ये चैटबॉट बना लिया था जिसके अंदर हमने एक इंटेंट बनाया था और उस एक इंटेंट में जो है वो फ़्लाइट बुकिंग से मुतालिक वो कुछ सवाल पूछता था और उसको वो रिकॉर्ड करता था। अच्छा अब हमने जो अगला स्टेप है ना हमारा, उसको करने से पहले मेरा ख़्याल है कि शायद इतना डेटा ना हम पहले सर्वर पे भिजवा देते हैं, है ना? अच्छा लेकिन हम एक काम करते हैं, इस पर नहीं करते, एक नया बना लेते हैं, एक नया बना लेते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं एक प्रॉपर होटल बुकिंग वाला, क्योंकि इसमें तो चीज़ें ज़रा लर्निंग कर रहे थे और हमने क्विक लैब को एज इट इज़ फॉलो किया था ना, तो ज़रा कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे लिए मेक सेंस भी नहीं थी, वो ज़रा मतलब किसी और हिसाब से ही बनी हुई थी। तो इसमें ज़रा मेक सेंस करके ना कुछ चीज़ें हम बना लेते हैं और हम ऐसे अटरेंसेस लिखते हैं कि जो हमारे मतलब के हों सारे के सारे, और फिर हम उसको अच्छी तरह फिर टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ये हुआ था अटरेंसेस जो क्विक लैब वालों ने लिख कर दिए थे उसमें कुछ अटरेंसेस ऐसे थे जो एक्चुअल में यूज़ भी नहीं हो रहे थे लेकिन वो लिखे हुए थे वहाँ पर। और वेल तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर आके एक नया एजेंट बना लेते हैं, क्रिएट एजेंट, और मैं कहता हूँ कि यार बिल्ड योर ओन बोलने के बाद मैं इसको कह देता हूँ कि यार होटल बुकिंग एजेंट, सही है। और इसका टाइम जोन मैं सेट कर देता हूँ +5। क्या है टाइम जोन को यार, इसमें इस लिस्ट में ग्लोबल नहीं देखा मैंने। ये जो लोकेशन है ना ये तो सर्वर की लोकेशन होती है जहाँ पे इसको ये डिप्लॉय करेगा, और इसमें अगर कोई ग्लोबल लिखा हुआ आ रहा है अगर, हाँ तो वो इसका इन रेस्ट US, डेटा एट रेस्ट इन US। असल में इस ग्लोबल का मतलब ये होता है कि दुनिया में इनके मुख्तलिफ डेटा सेंटर हैं ना जो, उन सब पे ये डिप्लॉय कर देगा और जहाँ से एक्सेस होगा ना उससे करीब तरीन वाले पे ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट जाती है, लेकिन वो कह रहा है कि डेटा रेस्ट करेगा US के अंदर, यानी अगर सारे बंद हो जाएंगे ना तो US वाला चल रहा होगा, तो इस तरह का कोई चक्कर है। स्टडी कर लेना इनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ होगा इन्होंने ये क्या बनाया है, समझ आ गई ये? अबे +5 किधर कर दिया इन्होंने, सीक्वेंस ही आगे पीछे किया हुआ है। अच्छा क्रिएट, सही है भाई। तो स्टार्ट के पेज के ऊपर सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, स्टार्ट के पेज के ऊपर एक तो डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट के अंदर कुछ पहले से हेलो हाय लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली ये राउट है और राउट के अंदर ये राउट ट्रिगर कैसे होगा वो बात लिखी हुई है कि जी इस इंटेंट के ज़रिए ट्रिगर होगा ये राउट, डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट। अच्छा अब इस डिफ़ॉल्ट वेलकम इंटेंट को एक दफ़ा प्रीव्यू कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। ये हेलो हाय और हेलो जो भी सब इसमें लिखा हुआ है इसमें से कोई भी बात की जाएगी तो ये वाला हिट हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा ये कंडीशन है ना, इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि यार अ कंडीशनल ट्रिगर, ये एक कंडीशनल ट्रिगर है, अगर ये मैच कर जाएगा ना तो इससे डिटरमाइन होता है कि हाउ द राउट विल अकर। मिसाल के तौर पे ये कंडीशन आपने लगाया हुआ है ना, जो ये लास्ट में जो ट्रांजिशन हुआ हुआ है ना, ये लास्ट में ये इस कंडीशन के ऊपर भी हो सकता है और ये वैसे भी फुलफिलमेंट पे पहुंच जाए तो हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला चक्कर है, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ कि भाई इफ़ ऑल पैरामीटर इक्वल टू अ सर्टेन वैल्यू और ऑल पैरामीटर हैव बीन फिल्ड, तो इस तरह की मैं कोई एक कंडीशन लगा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा एटलीस्ट वन
का मतलब ये है कि भाई इसमें जो भी कंडीशन लगाएंगे उसमें से कोई एक अगर मैच कर जाए तो वो आउट कर जाएगा फौरन। ठीक है, अब वो हम देखते हैं अभी हम किस तरह से लगा रहे होते हैं उसको। हाँ हाँ अच्छा, सेशन जो होता है वो ये होता है कि जी बंदा बात कर रहा है ना, और वो 5-6 मिनट अगर बात नहीं करेगा तो वो सेशन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा फिर सेशन की अभी हम सेशन हमने उसको वो नहीं किया, अभी फ्रंट एंड से कनेक्ट नहीं किया। जो डायलॉग फ्लो V2 था ना उसके अंदर तो इस तरह होता था कि जब हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजते थे ना तो हम एक सेशन आईडी खुद बनाते थे, हम कहते थे ये मेरी सेशन आईडी है, तो वो उस सेशन आईडी के अंदर ही मिलती है, वो किसी और पे नहीं मिलती वो। ठीक है, अब लेकिन ये पेज पैराम्स जो है ये क्या चीज़ है ये मुझे भी नहीं पता। ये अभी ज़रा इसको इसी तरह चलाते हैं, जब इसको हम फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे ना तो वहाँ पे हमें ये पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है। हाँ कुछ इसी तरह की शायद मुझे भी चीज़ अंडरस्टैंड हुई है, लेकिन यहाँ पे तो इसका ये मतलब है, लेकिन ओवरऑल इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि जो V2 के अंदर ना एक होते थे एक्शन पैरामीटर्स, और जिसको बाद में उन्होंने चेंज करके बोल दिया कि सेशन पैरामीटर है ये, और एक उसके अंदर और होता है एक और पैरामीटर की उसके अंदर टाइप होती थी। तो सेशन पैरामीटर तो ये होता था कि यार अगर आप 2-4 मिनट उससे बात नहीं करो ना तो सेशन ख़त्म हो जाता था, फिर वो पैरामीटर भी सारे ख़त्म हो जाते थे। और एक ये होता था कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर का ये होता था कि मैं कॉन्टेक्स्ट एक एक्टिवेट करता था। अब लेकिन वो अभी डिटेल उल्टी हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है ज़्यादा, मतलब V2 को भूलना पड़ेगा हमें एक्चुअली। ठीक है, V2 से बहुत डिफरेंट है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि ये V2 का नेक्स्ट वर्जन है, ये पैराडाइम शिफ्ट है, ये फ्रॉम स्क्रैच इन्होंने नया बनाया है। यही तो सवाल पूछ रहा है ये दोस्त आपका कि एक इंटेंट पैरामीटर्स हैं, एक सेशन पैरामीटर है, एक पेज पैरामीटर है। अभी हम वो देख लेते हैं, पहले हमने जितना ऑलरेडी कर लिया है ना उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम ये होटल बुकिंग वाला कंप्लीट करते हैं, और प्लस जो लास्ट हमने सिर्फ बना के छोड़ दिया था ना उसको सर्वर पे नहीं लेके गए थे, आज हम कोशिश करते हैं कि उसको हम सर्वर पे भी ले जाएं। ठीक है, फुलफिलमेंट के ज़रिए जो है ना उस पूरे के पूरे डेटा को उठा के हम सर्वर पे लेके जाएं और वहाँ से हम इसको एक जवाब देंगे, जी आपका ना होटल बुकिंग कंप्लीट हो गया। तो वंस डेटा मेरे पास सर्वर पे पहुँच जाएगा तो वहाँ से फिर डेटाबेस में भी सेव करवा सकता हूँ मैं, वहाँ से कंडीशनल कोई जवाब अगर मैं देना चाहूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, बुकिंग स्टेटस ऑब्वियसली जब बंदा चेक कर रहा होगा तो मुझे सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, क्योंकि डेटाबेस से ही देख के बताऊंगा ना मैं कि इस वक्त बुकिंग का स्टेटस क्या है, या अगर कोई कंप्लेन बंदा रजिस्टर करता है तो वो भी मैंने डेटाबेस में करवानी है। तो सर्वर पे भिजवाना है इस पूरी की पूरी रिक्वेस्ट को, ये बहुत अहम एक टॉपिक है जो इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आज कवर कर लें। अच्छा, तो ये जी हमारे पास जो पहला राउट है ये वाला, इस राउट पे मैंने कोई ट्रांजिशन नहीं करवानी है। ठीक है, इस राउट पे मैंने फुलफिलमेंट के अंदर जस्ट यहाँ पे एजेंट रिस्पॉन्स में ये लिखा हुआ है कि भाई हाय हाउ आर यू डूइंग ना, तो मैं इन रिस्पॉन्सेज को ज़रा रिमूव कर देता हूँ, और इन रिस्पॉन्सेज को रिमूव करके मैं बोल देता हूँ कि हाय आई एम होटल बुकिंग असिस्टेंट, हाउ मे आई हेल्प यू। यू कैन ask me for booking and booking and cancellation। अच्छा कंप्लेन करना, इस तरह हम नाम नहीं लेते। हाँ फीडबैक, फीडबैक कंप्लेन करना, हम इस तरह हम नाम नहीं लेते एक्चुअली। अगर तो बंदा बोलेगा ना कि फुल मतलब मेन मेन्यू टाइप की कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो उसमें हम लिख देते हैं, लेकिन जो ये मतलब आते ही बंदे को ना मैंने बोला यार हाय आई एम होटल बुकिंग असिस्टेंट यू कैन कंप्लेन, तो दिस इज़ नॉट। हाँ, वो बंदा भूलेगा यार ये कंप्लेन ही करता है यार कोई आगे जो ये शुरू में कंप्लेन का कह रहे हैं मुझे। अच्छा, या चेक स्टेटस मैं शायद यहाँ पे लगा दूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब रूम बुकिंग में क्या चेक स्टेटस कैसे कब होगा आई एम नॉट श्योर। वेल
अभी मैंने फ़िलहाल मेरे जुमला कोई नहीं सूझ रहा तो मैंने ये लगा दिया इसमें किसी एक ग्रीटिंग मैसेज ये मैंने बना दिया। अच्छा अब जब बंदा ये हिट करेगा ना ये वाला, इसको सेव दबाना ज़रूरी है वरना ये सेव नहीं होता, अगर बाहर क्लिक हुआ ना या उसको कट किया ना तो फिर सेव नहीं हो। सॉरी ऐड हो जाता है। अच्छा इसको अब हाई बोल के चेक कर लेते हैं, ठीक है ये आना शुरू हो गया। अच्छा ये हो गया जी। अब हमने क्या करना है इसके ऊपर टोटल जितने भी राउट्स हो सकते हैं ये वाली वेलकम इंटेंट पे, तो वो सारे राउट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो नंबर एक राउट तो ये होगा बुक रूम, सही है बुक रूम हो गया, इसका इंटेंट बना हुआ नहीं है तो बना लेते हैं। अच्छा जी इसका इंटेंट नहीं बना हुआ है, मैंने कहा न्यू इंटेंट। अच्छा अब की बार मैं इंटेंट यहीं से बना रहा हूँ इसी पेज से, लास्ट टाइम हमने क्या किया था तो जाके बनाया था, अब की बार मैं यहीं से बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जी बुक रूम बोल दिया मैंने, और बुक रूम बोलने के बाद जो ट्रेनिंग फ्रेजेज़ हैं इसके अंदर, तो ट्रेनिंग फ्रेजेज़ में मैं क्या बोल देता हूँ आके कि जी आई वॉन्ट टू बुक रूम, ठीक है बुक रूम, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा सकता नहीं, वो कहते हैं ना कि चार पांच आप लिख दो ना जुमले, वो ये कहते हैं, वो कहते हैं चार पांच जुमले लिख दो तो फिर हम उससे जो है ना बाकी देख लेते हैं। तो अब जो जो जिस जिस तरह से बंदा बोल सकता है ना उस तरह से मैं चार पांच लिख देता हूँ फिर बाकी वो खुद ही देख लेता है। अच्छा आई नीड अ रूम, सही है ये मैंने बात कह दी, केयर आई नीड अ रूम, और ये दो तीन लिखे हैं मैंने फ़िलहाल के लिए ना, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा अभी ना इसको आके मज़ीद मैं इस इंटेंट को मज़ीद चेंज करूँगा आके ना, अभी इस इंटेंट में जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना वो मैंने नहीं लिखी है। मिसाल के तौर पे अभी अगर कोई बंदा आके ये बोल देता है ना, इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, अभी अगर कोई बंदा आके बोल देता है ना शायद कि यार आई वॉन्ट टू बुक रूम फॉर टू पीपल, तो शायद इसको ये पिक ना करे, सही है उस टू को ये मिस कर देगा, बुक रूम तो शायद हिट हो जाएगा लेकिन उस टू को वो मिस कर देगा। तो उस टू के लिए जो यहाँ पे जो पैरामीटर्स बताए गए हैं ना तो वो मुझे यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, सही है। अच्छा अभी ये क्या करेगा, बंदा जो भी बोल दे टू पीपल बोल दे 10 पीपल बोल दे वो उसको मिस कर देगा, और उसको मिस करके वो क्या कर जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। अच्छा इसको मैं सेव का बटन दबाता हूँ तो मेरे पास ये एक बुक रूम का राउट बन के आ गया। अच्छा बुक रूम के राउट के अलावा मैं क्या कर देता हूँ प्लस करके एक और, जो जितने भी पॉसिबल राउट हैं इस पेज के ऊपर वो सारे एक दफ़ा बना देता हूँ मैं, फिर एक एक करके जो हम क्या करेंगे सबको कंप्लीट करेंगे, आगे की तरफ मूव करवाएंगे हम, ठीक है। कंप्लेन सही है, इसके अंदर भी एक इंटेंट हम नया बना लेते हैं। कहाँ चाहिए स्टेटस लिखा है, कंप्लेन ही लिखा है मैंने। नहीं कंप्लेन भी करे कर तो सकता है ना बंदा, अभी वो हम उसको बाद में बताएंगे कि कंप्लेन वो कैसे कर सकता है, वो उस इनिशियल मैसेज में उसको नहीं बताया लेकिन वो एक्चुअली कर सकता है कंप्लेन, सही है आई हैव अ कंप्लेन, ठीक है। या इसमें हम कुछ इस तरह की भी बातें लिख सकते हैं कि यार जो बंदा मतलब गालियाँ वालियाँ देता है ना वो सारी ट्रेनिंग फ्रेजेस में हम लिख देंगे कि अगर बंदा मतलब कोई, अच्छा उसके लिए भी बाय द वे ना एक आप अलग बनाते हैं उसके, अभी हम उसको उसके लिए भी बनाते हैं, अभी तो सिंपल सिंपल लिखते हैं मैं आई हैव अ कंप्लेन। अच्छा आई हैव अ कंप्लेन मैंने लिख दिया, और इसमें मतलब श्योरिटी के साथ जब बंदा बोल रहा है ना कि आई हैव कंप्लेन, तो इसको हम और किस तरह से बोल सकते हैं, एक तो वो है ना कि कुछ गाली वाली दे रहा है कुछ इस तरह की बात कर रहा है। नहीं मेरा ख्याल है कि इसमें ना अच्छा रजिस्टर अ कंप्लेन,
कंप्लेन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है क्या? COMPLAIN सही है, कंप्लेन और कंप्लेंट भी बोलते हैं कुछ बंदे, सही है। और नोट माई कंप्लेन, अच्छा अब जो बंदा कह रहा है ना कि आई हैव इशूज आई हैव समथिंग, तो उसको मैं बोलूँगा कि यार इफ यू हैव कंप्लेन प्लीज से यू हैव अ कंप्लेन, सही है। तो ये तो मैंने एक बना दिया इंटेंट, लेकिन इस इंटेंट में ना बंदा ऑब्वियसली जब बोलेगा ना कि यार हाँ यार मुझे कंप्लेन है तो जब, लेकिन अगर बंदा वैसे ही कह रहा है ना कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड या इस तरह की कोई बात कह रहा है अगर, तो उसका मतलब ये नहीं कि कंप्लेन है। तो उसके जवाब में मैं उसको क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई अगर आपकी कोई कंप्लेन है वाकई में और आप उसको रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप इस तरह से बोलें कि यार आई हैव अ कंप्लेन, इस तरह से बोलें आप, ठीक है। तो क्योंकि कंप्लेन गलती से भी रजिस्टर नहीं होनी चाहिए, कंप्लेन जब सामने से वो विलिंग होगा जब ही रजिस्टर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो कुछ बोले और गलती से कंप्लेन रजिस्टर हो जाए, ठीक है। अच्छा हम नोट दोनों को करते हैं, नोट दोनों को हम अलहदा अलहदा करते हैं डेटाबेस में, कि किसी बंदे ने बोला ये कि जस्ट आई एम नॉट सेटिस्फाइड और सामने से उसको जवाब मिला कि यार आप कंप्लेन है तो करवा दो, लेकिन उसने कंप्लेन करवाई नहीं, जस्ट उसने ये बोला कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और अगर फिर वो कंप्लेन करवा देता है यानी पूरा पक्का कर देता है वो, तो उसको फिर हम अलग नोट करते हैं कि यार मिसाल के तौर पर टोटल 50 लोगों ने ये बोला सम हाउ कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड, और उनमें से 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा कंप्लेन रजिस्टर करवाई, बाकियों ने बस वहीं पे छोड़ दिया उसको, वहाँ से आगे नहीं गए वो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि किसी के मुँह से कोई ऐसी बात निकली तो वो क्यों निकली, ठीक है। हम क्या करते हैं उसका वो देख लेते हैं ज़रा कन्वर्जेशन बाद में जाके, एक रियल ह्यूमन सम टाइम बिठाया हुआ होता है तो वो देख लेता है यार कि क्या कन्वर्जेशन कर रहा था ये बंदा, ठीक है। जब बहुत बड़ी तादाद में होता है तो फिर हम वो नहीं कर पाते, अब उसके लिए बड़ा अच्छा आ गया ये LLM वगैरह आ गए हैं उसके लिए, तो वो पूरा हम क्या करते हैं ऑटोमेटिकली उठा के भेजते हैं पूरी उसकी कन्वर्जेशन हिस्ट्री LLM को, तो वो मुझे बता देता है कि यार इसके अंदर क्या बात हुई भी है, ठीक है, और वो एक जुमला कंस्ट्रक्ट कर लेता है पूरा। वेल तो आई हैव अ कंप्लेन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, सही है आई हैव अ कंप्लेन, अच्छा इसका भी मैं जवाब नहीं लिख रहा हूँ अभी, मैं जस्ट ये राउट्स बना रहा हूँ, इसका भी मैंने जवाब नहीं लिखा क्योंकि इसके जवाब में एक्चुअली क्या होगा, ये राउट हो जाएगा किसी दूसरे पेज के ऊपर राउट हो जाएगा। अच्छा और स्टेटस हो सकता है एक मेरा प्लस बुकिंग स्टेटस, सही है। बुकिंग स्टेटस लिख दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने बोला कि भाई व्हाट्स द स्टेटस ऑफ माय बुकिंग, सही है। डू आई हैव बुकिंग, और किस तरह से पूछा जा सकता है कि मेरे नाम से रूम बुक है या नहीं है, डू आई हैव अ रूम ऑन माई नेम, ये बोल सकते हैं हम। हाँ वो तो अभी पैरामीटर्स लेंगे ना, अभी पैरामीटर्स लेंगे हम, जाहिर है जब तक उसको मैं कुछ बताऊंगा नहीं, या तो बुकिंग ऑर्डर नंबर या उसको अपना नाम या इस तरह की कोई चीज़ जब तक मैं बताऊंगा नहीं, जब तक तो वो जाहिर है बता नहीं पाएगा मुझे कि बुकिंग है या नहीं है, क्योंकि इससे तो बहुत सारे लोग हज़ारों लोग बात कर रहे होंगे इस चैटबॉट से। हाँ हाँ नहीं वो स्टेटस में ही बता दे कि यार आपका जो रूम है ना वो मिसाल के तौर पे कि 11 अक्टूबर के लिए बुक है, सही है, और 11 अक्टूबर को आपने सुबह 10 बजे से चेकिंग कर सकते हैं आप, सुबह 10 बजे से लेके आप रात किसी भी वक्त तक चेकिंग कर सकते हैं। अच्छा ये हो गया जी, इसको सेव का बटन दबा देते हैं। तो हमारे पास टोटल क्या बन गया, ये 3 राउट्स बन गए, एक बुक रूम, हाँ कैंसिल भी बना लेते हैं चलो एक अदद, कैंसिल बुकिंग, कैंसिल बुकिंग कर दी हमने,
कैंसिल माई बुकिंग, ठीक है, आई वॉन्ट टू कैंसिल माई बुकिंग, कैंसिल के अलावा भी कोई वर्ड यूज होता है क्या अगर मैंने कैंसिल करना ऑर्डर को? नहीं, अभी इसमें सिर्फ कैंसिल है, चेंज बुकिंग चेंज, फिर वो उसके पैरामीटर्स अलग होंगे। इसमें जस्ट पूछेगा कि यार अपना आप वो बताओ, बुकिंग का नंबर बताओ, ऑर्डर नंबर, और उसको वो बोलेगा हाँ यार कैंसिल हो गया ये। फिर कैंसिल करते हुए मैं उससे बोलूँगा कि यार आर यू श्योर कि आप कैंसिल करोगे तो हम सिर्फ 60% रिफंड करते हैं, इस तरह की जो भी बात होगी ना, तो वो मैं पैराग्राफ में लिख के दूंगा। मैं कहूँगा भाई ये मसले होंगे, आप कैंसिल करोगे तो उसको आप दोबारा पकड़ नहीं सकते, हो सकता है ये रूम चला जाए आपके हाथ से। फिर मतलब अगर आपने कैंसिल कर दिया तो अगर कोई दूसरा बंदा मांगेगा तो हम ये उसको दे देंगे रूम, तो अगर आप इसी रूम के लिए दोबारा मांगोगे ना या आप दोबारा बुकिंग करोगे तो हो सकता है ये रूम अवेलेबल ना हो। तो इस तरह की दो चार बातें जो हो सकती हैं वो मैं लिखूँगा, मैं बोलूँगा भाई आर यू श्योर, वो बोलेगा हाँ यार आई एम श्योर, तो उसको कैंसिल कर देंगे। चेंज बुकिंग फिर एक अलग इंटेंट हो सकता है। हाँ, चेंज बुकिंग वैसे भी हमने रखा हुआ ही नहीं है, तो चेंज ऑफ माइंड जो है वो एक्चुअली कैंसिल है इस वक्त मेरे केस में। आई हैव चेंज्ड माई माइंड, नहीं मेरे केस में अभी तो सिर्फ अभी चेंज करने का ऑप्शन है ही नहीं, अभी सिर्फ कैंसिल करने का ऑप्शन है मेरे चैट बॉट में। तो चेंज ऑफ माइंड में मैं उसको बोलूँगा कि यार हाँ या ना, उसको पूरा एक पैराग्राफ दूंगा मैं बोलूँगा कि यार भाई ये देख लो ये सीन है और कैंसिल करना है क्या, आर यू श्योर? जी, कैंसिल माई रिजर्वेशन भी हो सकता है, यस। आ जाओ, ये भी लिख देते हैं, कैंसिल हाँ बताओ और बताओ, इंक्वायरी अच्छा चलो यार ये इतना हो गया अभी हमारा ना। अच्छा तो अब सबसे पहले वाले में आ जाते हैं, बुक रूम। अब बुक रूम का जो इंटेंट है, जैसे ही मुझे ये बात पता लग जाए कि यार बंदे ने क्या बोल दिया, बुक रूम बोल दिया बंदे ने, तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको एजेंट रिस्पॉन्स के अंदर क्या मुझे कुछ बात लिखनी चाहिए? नहीं नहीं वेलकम इंटेंट नहीं है, ये इंटेंट है मेरा बुक रूम। अच्छा अब मैंने उसको दूसरे पेज पे लेके जाना है जहाँ पे उसको पैरामीटर्स मैं उससे कलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो लिखने की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ कुछ ना कुछ यहाँ पे ना। ओके, आई अंडरस्टैंड यू वॉन्ट टू बुक अ रूम, अ बुक रूम एक्चुअली, आ रूम नहीं बुक रूम, ठीक है, क्योंकि अभी तक उसने ये नहीं बोला कि एक या दो रूम, उसने ये नहीं बोले कि एक या दो, तो इसलिए बुक आ रूम नहीं लिखा मैंने, आई वॉन्ट टू यू वॉन्ट टू बुक रूम, ठीक है। यहाँ पे ये बात इसने बोल दिया और ये इस पेज से अब निकल जाएगा ये बात बोल के। ऑप्शन है, असल में पॉसिबिलिटीज़ भी तो हमें डिस्कवर करनी है ना, इस केस में ज़रूरत नहीं है शायद यहाँ पे लिखने की, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पॉसिबिलिटीज सारी पता लग जाए। अच्छा अब ये हो गया जी, अब उसके बाद मैं बोलता हूँ कि यार एक दूसरा पेज बनाओ जिसके ऊपर क्या कर दो, न्यू पेज, एंड दैट न्यू पेज इज़ कॉल्ड बुकिंग डिटेल्स, कलेक्ट बुकिंग डिटेल्स मैं इसका नाम रखता हूँ, सही है, जो कि शायद मेरे ख्याल में ज़्यादा मेक सेंस है। सही है, तो ये इस स्टार्ट पेज के ऊपर ना एक राउट मेरा आ गया, ये कलेक्ट बुकिंग डिटेल, सही है। और कलेक्ट बुकिंग डिटेल के अंदर आके मैं इससे क्या क्या बातें पूछ लूँ, सबसे पहले तो कलेक्ट बुकिंग डिटेल के ऊपर आता हूँ मैं, तो एंट्री फुलफिलमेंट,
इंट्री फुलफिलमेंट पे ना, जैसे ही इस पेज में दाखिल होता है तो यहाँ पे कोई बात मैं कह सकता हूँ, ठीक है? मैं कोई बात हैं नहीं, यहाँ पे भी इंट्री फुलफिलमेंट है ना, इंट्री फुलफिलमेंट पे कोई बात कह देते हैं ना यहाँ पे। नहीं, वेलकम तो नहीं होगा एक्चुअली, वो तो हमें पता है ना कि ये पेज चेंज हुआ है, यूज़र को थोड़ी पता होगा, यूज़र को वेलकम। सही है, नाउ आई विल आस्क यू few questions to complete your room booking. सही है। अब इसने बोला कि यार अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा आपके रूम बुकिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। तो इस पेज पे दाखिल होते ही ना सबसे पहले ये वाली बात कहेगा। अच्छा, अब मैं पैरामीटर बता देता हूँ जी, ठीक है? ये पैरामीटर पे अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ ना तो ये साइड में ऑप्शन खुल जाता है, या मैं डायरेक्ट यहाँ से प्लस भी दबा सकता हूँ, ठीक है? तो मैं प्लस नहीं दबाता, मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया इस जगह पर, और यहाँ पर साइड में ये जितने भी पैरामीटर थे ना वो लिस्ट उसकी खुल जाएगी। तो मैं यहाँ से ऐड पैरामीटर का बटन दबाता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला पैरामीटर क्या होगा जी, कि रूम कितने बंदों के लिए आपको चाहिए। सही है, सबसे पहला पैरामीटर ये होगा। तो ठीक है, इस पैरामीटर का मैं नाम रख देता हूँ कि जी नंबर ऑफ गेस्ट्स, ठीक है? नंबर ऑफ गेस्ट्स मैंने इसका नाम रख दिया। अच्छा, एंटिटी टाइप में क्या रख देता हूँ, इसका नंबर रख देता हूँ। अब नंबर में हमारे पास ना दो तीन तरह के हैं, एक है जी सिर्फ नंबर, एक है नंबर इंटीजर। नंबर में शायद पॉइंट वाला नंबर भी ये गेट करेगा, इंटीजर में ये पॉइंट वाला गेट नहीं करेगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ गेस्ट क्या होगा मेरा, इंटीजर होगा। सही है, इंटीजर का मतलब है कि 1, 2, 3, 4। सही है, इसमें 1.1 नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा। तो मैंने नंबर इंटीजर को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब कुछ जगहों पर मुझे पॉइंट वाला नंबर चाहिए हो सकता है, तो वहाँ पर फिर मैं इंटीजर सेलेक्ट नहीं करूँगा, वहाँ पर फिर मैं नॉर्मल वाला नंबर है वो सेलेक्ट करूँगा। वो तो NLP का फिर इशू है ना, कि NLP उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, ठीक है? वो उसने जिस तरह से लिखना है वो देख लेंगे हम बाद में फिर। अच्छा जी, रिक्वायर्ड पैरामीटर है ये आया के, या ये लिस्ट है? अच्छा, लिस्ट में क्या होता है बाय द वे, कि हम ना जैसे अब बंदा फ्लावर ऑर्डर कर रहा है उससे हम कलर पूछ रहे हैं अगर, तो अब वो कलर में ये भी बोल सकता है कि यार रेड कलर के फ्लावर चाहिए, या वो ये भी बोल सकता है कि रेड, येलो और ग्रीन चाहिए मुझे, तीन फ्लावर चाहिए, तीन कलर चाहिए मुझे। तो वो तीनों को एरे की सूरत में कलेक्ट कर रहा होता है, लेकिन मुझे अभी इस केस में क्या चाहिए, एक सिंगल पैरामीटर चाहिए, तो मैं लिस्ट के ऊपर चेक नहीं लगाऊंगा, ठीक है? रिडेक्ट एंड लॉग का मतलब ये होता है कि जब लॉग में मेंटेन किया जाए ना तो इस पैरामीटर को उसमें प्रिंट ना किया जाए। तो अगर ये कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो मैं उसको चेक लगा दूंगा कि ये प्रिंट कहीं पर भी ना किया जाए। सही है। अच्छा, कवर फोनिक अल्फ़ाबेट, ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है कोई, ये नहीं पता मुझे कि क्या है। अच्छा, इफ़ इनेबल डायलॉग फ्लो मे परफॉर्म फोनिक अल्फ़ाबेट कन्वर्जेशन फॉर द एंड यूज़र इनपुट, दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल फीचर। ये फोनिक क्या चीज़ होती है, फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स? ये तो वो डिक्शनरी में जो प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई होती है उस तरह की कोई चीज़ है ये। कन्वर्ट फोनेटिक अल्फाबेट्स चार्ली। ये मैं समझ गया क्या है, ये आ बा चार डाय, हाँ ये वो माल है। किसी खास तो सिखाने के लिए होती होगी लैंग्वेज।
नहीं, इंग्लिश अभी तो चलती इसी के ऊपर है, अब जो नई वाली इंग्लिश है ना वो चलती ही इसी पे। इसके मुझे दो पॉसिबल समझ आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। नंबर एक तो ये कि जब कोई मैं कोड वगैरह एंटर करूँ ना, तो मैं उसको इसके अंदर एंटर करूँ, है ना। मिसाल के तौर पे मुझे देना है ना, अगर ए सी डी एफ, अगर ये मुझे कोड देना है, ए सी डी एफ एंटर करना है, तो मैं लिखूँगा कि अल्फ़ा चार्ली डेल्टा फॉक्स ट्रॉट। असल में ये जो है ना, इसका चक्कर, ये जो अल्फ़ा ब्रावो है ना, इसका चक्कर पता है क्या है? नहीं, फे वाली लैंग्वेज नहीं है ये भाई, फे वाली लैंग्वेज नहीं है ये। मिसाल के तौर पे आप किसी लोकेशन पे हो, ये असल में ये आर्मी वाले ने शायद शुरू किया था इसको यूज़ करना। हाँ नहीं, तो अब जैसे आप किसी लोकेशन पे हो ना, अब आपने बताना है कि यार मैं इस लोकेशन पे हूँ, या उसके कोई कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपने, सही है, या इस तरह की कोई भी बात करनी है, या आपने कोई अल्फ़ाबेट्स बताने हैं अगर ओवर द वायरलेस या ओवर द फ़ोन कॉल, तो उसमें अगर आप बोलोगे ना कि यार वी एम ओ, अगर आप बोलोगे तो वो बंदा बोलेगा अच्छा बी एम ओ, बी एम ओ बोल रहे हो, बी एम ओ। वो कहेगा नहीं, वी एम ओ बोल रहा हूँ, उसको समझ ही नहीं आ रही है। तो वो बोलेगा ये वाला कि विक्टर। हाँ, बताना पड़ता है ना, वो तो बोलेगा कि यार वी एम ओ विक्टर, और ये क्या है, माइक और ऑस्कर, विक्टर माइक ऑस्कर, वो ये बोलेगा विक्टर माइक। नहीं, वो तो पता है ना इनको, ये याद है, वो विक्टर से मिलता है। असल में ये बनाया इसी तरह है कि विक्टर से मिलता जुलता कोई और वर्ड नहीं है इसमें, विक्टर से किसी और से आप कंफ्यूज नहीं कर सकते इसको। विक्टर, विक्टर और विस्की बिल्कुल डिफरेंट है, दो इसके लिए मतलब मुंह की जो मूवमेंट है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है आपकी, तो विस्की और विक्टर जो है इसको कंफ्यूज नहीं कर सकते आप। तो ओवर द वायरलेस ना ये बड़ा सही रहता है, मतलब इस तरह से कम्युनिकेट करना ना। या जैसे अब जैसे अगर बैटल फील्ड के बहुत सारे और भी कोड होते हैं इनके ना, मिसाल के तौर पे अगर हाँ गोली अगर ख़त्म हो गई ना, तो वो क्या बोलेंगे, आई एम आउट, ये बोलते हैं ना वो, आई एम आउट ऑफ एमओ, या आई नीड अ मैग, इस तरह बोलते हैं ना उसको। या अगर मिसाल के तौर पे कोई बंदा बंदा ज़ख्मी है और हेड क्वार्टर रिपोर्ट करना है, जो भी रिपोर्ट करना है, तो क्या बोलते हैं उसको, ये हैं नहीं, वो तो मर गया बंदा, मैन डाउन तो ये कि गया, अब नहीं, उसके लिए बोलते हैं कि मेडिवैक, कि यार हमें यहाँ से निकालो, अब हम मजीद नहीं लड़ सकते, अब हमारे बंदे ज़ख्मी हैं, तो उसको बोलते हैं कि मेडिवैक, कि मुझे इवैक्यूएट करो और मेडिकल सपोर्ट साथ होनी चाहिए। या अगर बंदे डाउन नहीं है, अगर मिशन कंप्लीट हो गया है, जो भी हुआ है, सिर्फ इवैक्यूएशन है अगर, तो वो उसको बोलते हैं ईवैक। तो अब ई वैक को आप किसी और चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं कर सकते, उन्होंने ये सोच समझ के बड़ा बनाया हुआ है, ठीक है। या आ, आ, जैसे बोलते हैं ना कि यार जैसे मैन डाउन उसको बोलेंगे, तो मैन डाउन का मतलब है कि भाई एक गए हम, जैसे अब 10 लोगों की टीम थी तो उनको पता हो गया यार अब एक गया, ठीक है। तो हाँ हाँ अबॉर्ड भी करना पड़ता है कभी, ठीक है, लेकिन अबॉर्ड तो उस सूरत में करेंगे ना जब भागने की जगह होगी, अदरवाइज़ तो इवैक्यूएशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और चुप करके बैठे रहते हैं अगर जगह नहीं है तो। अगर तो जगह है भागने की, तो वो फिर उसको रीट्रीट कर सकते हैं, पीछे हट सकते हैं अगर जगह है तो, अदरवाइज़ तो बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है कि पीछे हटने की जगह होती है। तो वेल, उन्होंने ना वो बैटल फील्ड के लिए इस तरह के ना बहुत सारे आप समझ लें कि प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं, बहुत सारे इस तरह के ना कोड ऑफ, क्या उसको बोलेंगे, कोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये एक तरह का। तो इसके लिए मतलब अच्छा, फिर वो ये सिर्फ इसमें अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स में नहीं है, बहुत सारे इशारे भी होते हैं इनके, बहुत सारे इशारे भी होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर दो स्नाइपर आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, तो उनकी पूरे इशारे की लैंग्वेज होती है। अगर दो स्नाइपर बैठे हुए हैं ना, मतलब एक इधर बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ है 2 किलोमीटर दूर, अब जो ये इधर बैठा हुआ है ना, इसका जो विजन है, इसके विजन में एक सर्टेन एरिया कवर हो रहा है, ठीक है, बाकी चीज़ों का विजन उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन सामने वाला जो है उसका विजन ज़रा दूसरे एरिया के अंदर है। अब इन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है ना कि यार इस तरफ से बंदे आ रहे हैं, अब रेडी हो जाओ, ये तुम्हारे विजन के अंदर होने वाले हैं दाखिल। क्या उसको अच्छा बड़ा नाम लेते हैं जो विजन होता है ना, विजुअल, जैसे बोलते हैं ना डू यू हैव विजुअल, तो वो अगर एक बंदे के विजुअल है, दूसरे के नहीं है अगर, तो उसको बताना पड़ता है इसको,
तो उसके लिए पूरे इशारे की लैंग्वेज होती है। या इसी तरीके से अगर ये मिसाल के तौर पे क्लोज कॉम्बैट जब करते हैं तो ये एक दूसरे के पीछे चल रहे होते हैं ना, कैसे किसी मतलब हॉलवे में से गुजर रहे हैं या किसी जगह पे गलियों वलियों के अंदर कोई मामला चल रहा है, तो उसमें क्योंकि एक दूसरे के पीछे चलते हैं या साथ चलते हैं तो वो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चलते हैं, तो वो कंधे पे टैप करके बहुत सारी कम्युनिकेशन होती है। फिर जो फ्रंट पे बंदा होता है वो भी वो बोलता है यूँ तो मतलब रुक जाओ, इस तरह पता नहीं ऐसे हो जाओ, तीन हो जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, वो सारे इशारे होते हैं हाथ के इनके कि जिससे ये कम्युनिकेट करते हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा मतलब ये बनाया हुआ है ना, तो और अक्सर मूवीज़ में ये देखने को मिल जाता है। अभी मैं रिसेंटली एक पता नहीं कौन सी देख रहा था, बड़ी पुरानी, सेविंग प्राइवेट रायन। वो सेविंग प्राइवेट रायन के अंदर ना उसको बिठाते हैं टावर पे ऊपर स्नाइपर को, तो वो ऊपर से ना पूरा देख रहा होता है दूर से। वो बताता है कि यार वो ऐसे करके बोलता है कि ये पता नहीं टैंक आ रहे हैं, फिर ऐसे करके बोलता है कि ट्रक आ रहे हैं, फिर बोलते हैं कि यार चार हैं पता नहीं, चार 40 बंदे हैं पता नहीं, इस तरह वो सारे इशारे करके बताता है। तो वो ऊपर से यूं यूं कर रहा होता है, ये नीचे ट्रांसलेट कर रहा होता है अपनी टीम के लिए जो कमांडर होता है। तो वेल अब ये इस तरह की कोई चीज़ है, इसको डॉक्यूमेंट्स में देख लेंगे तो शायद ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ पे तो बहुत ही इन्होंने शॉर्ट सा लिखा है। अच्छा तो यहाँ पे अब मैं इसको क्या बोलने लगा हूँ, नंबर ऑफ़ गेस्ट का एक पैरामीटर मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है। अच्छा नंबर ऑफ़ गेस्ट रिक्वायर्ड है और इनिशियल जो प्रॉम्प्ट है, इनिशियल प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है कि एक तो पेज में एंटर होते ही ये फुलफिलमेंट एंट्री फुलफिलमेंट आ जाएगा उस पेज का, लेकिन जब एंट्री फुलफिलमेंट आ गया ना तो क्योंकि ये पहला पैरामीटर है और ये रिक्वायर्ड है, तो अगर तो ज़ाहिर है इसके लिए सवाल पूछना पड़ेगा कोई ना कोई, तो ये वो सवाल है। ठीक है इनिशियल प्रॉम्प्ट फुलफिलमेंट, ठीक है तो एजेंट सेज के अंदर जाके मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार प्लीज़ टेल मी हाउ मैनी गेस्ट यू आर, ठीक है या हाउ मैनी पीपल यू आर, या इसको शायद मैं और सिंपल कर लूँ फॉर हाउ मैनी पीपल। यार असल में इसको अगर मैं जूम करता हूँ ना तो ये यूआई ज़रा आगे पीछे कर देता है पूरी, मैं यहाँ से जूम कर सकता हूँ इसको। फॉर हाउ मैनी पीपल वुड यू लाइक टू बुक, सही है सही है, या जस्ट हाउ मैनी गेस्ट आर यू, मे बी रूम फॉर हाउ मैनी, सही है सब में क्वेश्चन मार्क होगा और सेव। अच्छा ये इनिशियल प्रॉम्प्ट आ गया हमारा, इनिशियल प्रॉम्प्ट के बाद, सही है इनिशियल प्रॉम्प्ट, यार ये क्या हुआ, अच्छा इनिशियल प्रॉम्प्ट तो मैंने कर लिया। अच्छा री प्रॉम्प्ट इवेंट हैंडलर, अब री प्रॉम्प्ट पे क्या करना है, अगर मैं ऐड इवेंट हैंडलर इसमें करता हूँ अच्छा ये तो इवेंट बनाना शुरू हो गया, ठीक है अभी इवेंट से हम थोड़ा सा दूर रहते हैं, सही है अभी जस्ट ये इनिशियल प्रॉम्प्ट तक हम रहते हैं। अच्छा तो ये इनिशियल प्रॉम्प्ट इसने कर दिया, रीप्रॉम्प्ट इवेंट हैंडलर आर यूज्ड टू व्हेन द एजेंट नीड टू रीप्रॉम्प्ट टू द एंड यूजर टू फुलफिल द पैरामीटर आफ्टर अ फेल्ड अटेम्प्ट और इफ नो रीप्रॉम्प्ट इवेंट हैंडलर आर डिफाइंड द एजेंट विल रीप्रॉम्प्ट द इनिशियल प्रॉम्प्ट। अच्छा देखो अब ये इन्होंने यहाँ पे बहुत क्लियरली इस चीज़ को बता दिया है, यार ये V2 के अंदर ना ये इतना बड़ा सर का दर्द था ना ये काम करना कि जिस मैं बता ही नहीं सकता कुछ। मिसाल के तौर पे क्या होता है कि जैसे एक मैंने लिख दिया ना इनिशियल प्रॉम्प्ट, अब इनिशियल प्रॉम्प्ट उसने पूछ लिया, बंदे ने जवाब दे दिया, अब मसला ये है कि बंदे ने जो जवाब दिया ना वो सही नहीं था, वो गलत था जवाब, सही है समहाउ वो जवाब गलत था, अब मुझे उससे दोबारा पूछना है। अब वो क्या होता था कि उसमें इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं यही वाला प्रॉम्प्ट उसको दोबारा भेजूं जो वो ऑलरेडी मैं उसको बता चुका था ना पहले, मिसाल के तौर पे फॉर हाउ मैनी पीपल वुड यू लाइक टू बुक अ रूम, है ना, ये मुझे उसको दोबारा बोलना पड़ता था। ठीक है अच्छा
या इसमें तीन चार मैंने वेरिएशन जैसे अभी बनाया इस तरह, मैं तीन चार वेरिएशन बना लेता था और उन्हीं वेरिएशन में से मैं उसको पूछता था, उन्हीं वेरिएशन में से बदल बदल के देता था। उसका नतीजा ये निकलता था कि कुछ अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाता था। अच्छा रिजल्ट इसलिए प्रोड्यूस नहीं हो पाता था कि बंदे ने, अगर मैं बंदे से कोई सवाल पहली दफ़ा पूछ रहा हूँ, सही है, पहली दफ़ा पूछ रहा हूँ, तो उसका टोन एक अलग होता है, उसके जो वर्ड्स होते हैं वो एक अलग वर्ड्स होते हैं। लेकिन अगर उसने गलत जवाब दे दिया एक दफ़ा और मैं वही बात उससे दोबारा पूछ रहा हूँ, तो शायद मुझे अपने क्वेश्चन को मज़ीद डिटेल्ड बनाना चाहिए, और पहली दफ़ा ज़रा आपको ना तकल्लुफ रखना पड़ता है अपने जुमले के अंदर, सवाल के अंदर। लेकिन जब आप सेकंड टाइम वही चीज़ पूछ रहे होते हैं ना, तो उस तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं होती। अगर तकल्लुफ ना हो जुमले में, तो बंदा माइंड नहीं करता है कि यार आपने तकल्लुफ से नहीं पूछा, ठीक है ना, तो बंदा माइंड नहीं करता। तो उसको क्लियर कट क्वेश्चन होना चाहिए सेकंड टाइम, क्योंकि पहली दफ़ा में जो उसने गलत जवाब दिया, उसका मोस्ट प्रॉब्ली रीज़न ये था कि उसको सवाल समझ नहीं आया। तो सवाल को डिटेल में और क्लियर कट सवाल, उसके अंदर कोई तकल्लुफ शामिल ना हो। तो इस तरह का अगर मैं काम करना चाहता था ना V2 के अंदर, तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। उसके लिए हम करते ये थे, फिर हम डेटाबेस सेटअप मारते थे उसके लिए जुगाड़ के तौर पर, कि जी एक दफ़ा बंदे से अगर पूछा ना मैंने, तो पूछते वक्त मैं डेटाबेस में एक एंट्री मारता था, जिससे ओवरऑल पूरा प्रोसेस स्लो हो जाता था। एक डेटाबेस में एंट्री मारता था कि ये सवाल मैं इससे एक दफ़ा पूछ चुका हूँ और अभी पूछा है मैंने 1 मिनट पहले, वो टाइम भी साथ नोट करता था, ठीक है, अगर मजबूरी पड़ जाए तो। आमतौर पर नहीं करते थे हम, छोड़ देते थे, हम कहते थे यार खैर है, बस एक ही है, यही पलट पलट के आता रहेगा। तो हम सम टाइम जब बिल्कुल ही ज़रूरत पड़ जाती थी ना, तो फिर हम क्या करते थे, डेटाबेस में अगर वो सवाल पूछा है ना हमने, तो हम उसको डेटाबेस में एंट्री मारते थे कि भाई ये सवाल हमने पूछ लिया इस बंदे से, ठीक है। और शायद उसका हम सम टाइम, अगर सेशन यूनिक है हर दफ़ा का, तो सेशन आईडी भी साथ रख लेते थे कि इस सेशन के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है एक दफ़ा, तो नेक्स्ट टाइम हम ज़रा वहाँ से देख के सम टाइम कर लेते थे। तो इस तरह की जुगाड़ें मारनी पड़ती थी। इसके अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा काम ये किया है कि रीप्रॉम्प्ट इवेंट हैंडलर यहाँ पे ना लगा दिया है, कि मिसाल के तौर पर एक दफ़ा अगर पूछ लिया इनिशियल प्रॉम्प्ट और बंदे ने जवाब गलत दिया अगर, तो जवाब गलत देने की सूरत में ऑटोमेटिकली वो रीप्रॉम्प्ट के ऊपर मूव कर देगा, अब वो इनिशियल प्रॉम्प्ट पे नहीं जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी इस केस में मैं रीप्रॉम्प्ट सेटअप नहीं कर रहा हूँ, तो रीप्रॉम्प्ट सेटअप ना करने की सूरत में इसका बिहेवियर वही होगा जो V1 V2 में होता था। नहीं, इसमें ये इवेंट बनाना पड़ेगा, अभी इवेंट को अभी हम रहने देते हैं, सही है, क्योंकि इवेंट अभी हमारे क्विक लैब के अंदर मौजूद नहीं था। अभी एक दूसरी मैंने क्विक लैब निकाली हुई है, उसके अंदर ज़रा और डिटेल्ड क्विक लैब है वो, ठीक है। तो पहले जितना क्विक लैब हमने कर लिया ना, इसको इस्तेमाल करते हुए हम ज़रा होटल बुकिंग वाले को आज ना आज निपटा लेते हैं। अच्छा, तो रीप्रॉम्प्ट में सेटअप अभी नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैंने कर लिया जी, एक नंबर ऑफ गेस्ट। अब मुझे और क्या पैरामीटर ले लेना चाहिए? चेक इन डेट नहीं, सबसे पहले तो मुझे रूम की टाइप पूछ लेनी चाहिए। रूम टाइप है ना, रूम टाइप तो मुझे ऐड करना चाहिए ना यहाँ पे। अच्छा, रूम टाइप के लिए मुझे एक कस्टम एंटिटी चाहिए होगी, सही है, रूम टाइप के लिए मुझे कस्टम एंटिटी चाहिए। अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, अभी मैं इसको नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल, लेकिन मैं इसको चेंज कर दूंगा आगे, सही है। नंबर सेलेक्ट करके उसको मैं सेव कर रहा हूँ रूम टाइप को, और मैं वापस कहाँ जाता हूँ, मैं कस्टम एंटिटीज़ के ऊपर जाता हूँ। अभी तो मुझे डॉक्यूमेंट में ले गया, मैनेज में जाता हूँ, एंटिटी टाइप कस्टम, क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू में बोलूँगा कि रूम टाइप, और रूम टाइप के अंदर मैंने कहा कि यार VIP रूम, क्या उसको बोलते हैं हम, तीन स्टैंडर्ड रूम और बिजनेस, सही है, और इकोनॉमी, सही है, ये तीन मैंने लगा दिया। अच्छा, बिजनेस वाले रूम को मैं बोल सकता हूँ कि यार VIP रूम भी बोल सकता हूँ मैं, और इकोनॉमी को मैं बोल सकता हूँ चीप, स्टैंडर्ड तो अलग है मेरे पास, सही है, इकोनॉमी रूम को मैं बोल सकता हूँ कि यार, अच्छा ये सिंगल रूम की बात नहीं हो रही है, इकोनॉमी के अंदर जो है ना सिंगल डबल दोनों हो सकते हैं मेरे ख्याल में शायद, तो इकोनॉमी ये सिंगल रूम की बात नहीं हो रही,
अच्छा रूम के वैसे ना ये तीन टाइप नहीं होते, रूम के पांच छह सात टाइप होते हैं होटल के अंदर असल में ना। तो जो सबसे टॉप जो कैटेगरी होती है उनकी शायद उसको वो प्रेजिडेंशियल सुइट कहते हैं। तो प्रेजिडेंशियल सुइट ना बड़े बड़े होटल के अंदर भी ना एक ही होता है, एक या दो होते हैं, तो वो बड़े लग्जरी किस्म के रूम होते हैं। तो यूट्यूब पे देख लेना कि किस तरह के होते हैं वो ये ना बोला कि यार हमें पता नहीं था प्रेजिडेंशियल सुइट कैसा होता था। ठीक है भाई, मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा है उसको। ठीक है, होटल में ना जो 3 स्टार 4 स्टार होटल होते हैं ना, तो उसके अंदर वो बना हुआ होता है कि प्रेजिडेंशियल सुइट दिस वे। तो मैंने कहा यार एक दिन ज़रा हम करीब से तो गुजरने की सआदत तो हासिल करें तो वो पता नहीं किस फ्लोर पे था, वो चौथे या पांचवें फ्लोर पे था। तो वो जिस फ्लोर पे था ना वो, वहाँ तक तो लिफ्ट चली गई। उसके बाद जब उस मतलब वहाँ जाके वो रुक गई। अब वो टॉप दबाए वो जाए ना, तो वो कार्ड लग के ऊपर जा रहा था। तो फिर ना अब हम खड़े हुए थे, दो बंदे थे हम भाई। अब एक बंदा आया, एंटर हुआ और उसने कार्ड लगाया, ऊपर दबाया, चला गया। अब ऊपर जाके गेट खुल गया। अब हमने बोला यार अब इसके अंदर जाएं या वापस चलें यहाँ से, मतलब क्योंकि वो सिक्योर उन्होंने किया हुआ है। तो फिर हम इसलिए हम प्रोसीड नहीं किया, हमने हमने कहा यार वापस चलते हैं। हाँ नहीं, वो रूम में भी सारे वो कार्ड वाले ही होते हैं, यानी हमारा कार्ड जो था ना, हमारे रूम का जो कार्ड था वो लिफ्ट को उससे ऊपर ले जा नहीं रहा था। वो उसमें शायद एक्सेस का कोई सेटिंग उन्होंने की हुई थी। तो और कार्ड तो हमारे पास भी था रूम का हमारे, लेकिन वो तो लगा दिया उसने कार्ड, वो चला गया ऊपर। उसके जाने के बाद ना फिर हम दोबारा नीचे लेके गए उसको, और हमने कहा अब हमारे हम कार्ड, क्योंकि हमें तो नहीं पता था कि वो कार्ड लगेगा इसके अंदर। वो वैसे तो वहाँ पर बना हुआ था लोगों, लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि ये, क्योंकि हम तो बगैर कार्ड के उसको ऊपर नीचे कर रहे थे। सेकंड या थर्ड फ्लोर पे हम थे और वो चौथे पांचवें पे था शायद। तो हम सेकंड फ्लोर तक तो हम दबा के आ जाते थे। अब हमें ये आइडिया नहीं था कि अच्छा ये सर्टन फ्लोर तक जाएगा, उसके बाद ये बगैर कार्ड के आगे नहीं जाएगा। तो वो चौथे फ्लोर तक बगैर कार्ड के मूव करती थी वो लिफ्ट। तो हमने जब कार्ड लगाया ना अपना, हमारा कार्ड नहीं चला उसके ऊपर हमने कहा यार इन्होंने सिक्योर किया हुआ है, तो मुनासिब नहीं है इसके अंदर क्या कहते हैं इन्वेड करना। तो सस्पिशियस एक्टिविटी हो जाती है ना बिला वजह। फिर किसी दूसरे मुल्क में आप हो और फिर इस तरह की कोई हरकत करो आप, तो बंदे बोलेंगे यार ये ऐसे ही हैं सारे बंदे ना। वेल बाय द वे, क्यों बंदे बहुत सारे क्यूरियस भी होते हैं, वो जानबूझ के भी करते हैं ये हरकतें। तो आई एम वन ऑफ दोज पीपल ना, कि मेरे को शौक होता है कि यार मैं सारी जगह एक्सप्लोर करूँ इसकी। एक बाय द वे यूट्यूब पे एक बंदा है, वो उसकी हरकतें पता ही क्या है। वो चला जाता है पता नहीं रशिया वशिया घूमने चला जाता है वो ऐसी, हाँ बगैर पैसों के। वो चलती भी पता नहीं ट्रेन में कूद जाता है, उसमें घूम रहा होता है वो। फिर गार्ड वार्ड उसको पकड़ लेते हैं, फिर उनसे माफिया मांगता है फिर बोलता है यार मेरे को तो पता नहीं था, है ना। अबे वो पता नहीं किसी न्यूक्लियर प्लांट में चला गया, वो ऊपर उसके मीनार पे चढ़ गया जाके गार्डों से बच के। अब वो नीचे से पता नहीं गार्ड ने उसको देखा, सीटी वीटी मार रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि यार ये कैसे चढ़ गया है। उनको लग रहा है पता नहीं कूद जाएगा वहाँ से ये, और ये ऊपर ना मज़े से लेटा हुआ है गोप्रो लगा लेता है, तीन तीन चार चार घंटे की कंटिन्यूस वीडियोस होती हैं इसकी। नाम मुझे नहीं पता इसका क्या है। एक दफ़ा पता नहीं वो जो वो नहीं होता जो सैटेलाइट का जो बड़ा वाला डिश होता है, एक दिन उस पर चढ़ गया जाके ये मतलब बंदे हैं इस तरह के मार्केट में ना, जो ये ऐसी उल्टी हरकतें कर रहे होते हैं। अच्छा भाई ओके, इसको सेव कर दिया मैंने। सही है, रूम टाइप में भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है, उसको हम मज़ीद अभी रिफ़ाइन कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। वापस आ जाता हूँ मैं बुकिंग कलेक्ट बुकिंग डिटेल पे आके। मैंने उसको बोला कि यार अब की बार मेरे पास अपनी एंटिटी बन के आ चुकी है, दैट इज़ रूम टाइप। सही है जी, रूम टाइप हो गया, रिक्वायर्ड हो गया। अच्छा जी, इनिशियल प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने उसको बोला कि एजेंट सेज वी हैव व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक टू बुक। सही है, व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक टू बुक। वी हैव बिजनेस
स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमी रूम, ये पहले राउट के अंदर अभी हम आ चुके हैं ना, उसकी डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं पहले राउट की। पहले राउट के अंदर अभी हम आए हैं, तो इससे हम चले गए हैं बुकिंग डिटेल वाले के ऊपर। सही, मैंने ये कह दिया कि भाई मेरे पास ये तीन रूम्स हैं, अब कौन सा रूम आपने बुक करना है। अच्छा, अब इसकी मुझे क्या बनानी है, दो तीन वेरिएशंस बनानी है अलग अलग, दो तीन वेरिएशन बनानी है ना इसकी मुझे अलग अलग। तो क्यों ना एक जादू किया जाए। सही है, क्यों ना इसको यहाँ से कट कर दिया जाए, और कट करके हम ओपन एआई से बोलें कि यार इसकी मुझे तीन वेरिएशन बना के दे दो। कर रहे हैं जनरेटर से इससे, गुड यार। नहीं नहीं अरे अभी तो इधर दूसरा ओपन एआई लगा हुआ है, ये गूगल वालों का बनाया हुआ है। अच्छा तो हम देखो, अब लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि हमारे पास जो ये प्रॉम्प्ट है ना, ये रीप्रॉम्प्ट को भी मैं बंद कर देता हूँ। मेरे पास अभी ना ये इनिशियल प्रॉम्प्ट वाला पार्ट खोलता हूँ मैं। अब प्रॉम्प्ट करने के जो तरीके हैं, ये किसी भी पेज के ऊपर जब रिस्पॉन्ड का जो ऑप्शन आ रहा था ना, उसमें हमेशा ये तीन चार ऑप्शन आ रहे थे, एजेंट प्रीसेट, जनरेटर, एजेंट रिस्पॉन्स, वेबहुक। अच्छा, अब ये वेबहुक जो है, और एडवांस कुछ चीज़ें आ रही हैं, वो अभी उसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा, तो एक तो एजेंट रिस्पॉन्स है, इसमें तो मैं हाथ से लिख देता हूँ कि जी ये रिस्पॉन्स कर दो, दैट्स इट। एक है वेबहुक, वेबहुक में क्या करते हैं, हम ये सर्वर पर भेज देते हैं रिक्वेस्ट पूरी की पूरी, और सर्वर से एक रिस्पॉन्स मंगवा लेते हैं। सही है। अच्छा, एक है इसमें जनरेटर। अब जनरेटर क्या बोला है, जनरेटर ये बोला है कि यार जनरेटर अलाउ यू टू यूज़ जनरेटिव एआई टू जनरेट डायनेमिक रिस्पॉन्सेज। सही है। अब मुझे क्या चाहिए, हर दफ़ा अलग अलग तरीके से खुद पूछिए, मुझे नहीं बोलना पड़े। सही है। और टेक्स्ट दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग फुलफिलमेंट। तो मैं यहाँ पे आके ना एक जनरेटर ऐड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये जनरेटर लगाओ और इससे खुद ही जनरेट कर करके देते रहना। सही है। अब कह रहा है कि ये सेलेक्ट अ जनरेटर। सही है। अब सेलेक्ट अ जनरेटर के अंदर कोई जनरेटर इस वक्त बना हुआ नहीं है, तो इसलिए न्यू पे क्लिक करके मैं बना लेता हूँ। अच्छा, न्यू पे क्लिक करके जो है ना, जैसे ही मैं बनाने के लिए ओपन करता हूँ, तो देखो ये पूरा खुल गया। मैंने कहा कि यार क्या लिख दो इसका नाम, इसका नाम लिख दो कि रूम टाइप क्वेश्चन। सही है, कि रूम टाइप पूछने के लिए ना वो क्वेश्चन बना दिए। सही है, रूम टाइप क्वेश्चन। अब इसमें भी देखो नेमिंग कन्वेंशन जो उसने क्विक लैब में बताया था ना कि नेमिंग कन्वेंशन होगी, तो वो मुझे फॉलो करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल मेरे पास क्योंकि बहुत ही कम राउट्स हैं, तो इसलिए मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन होपफुली अगर देखो बहुत सारे राउट्स होंगे ना जब, तो फिर मुझे नेमिंग कन्वेंशन लगानी पड़ेगी। क्यों, कि जनरेटर भी जो है ना वो क्या है, रीयूजेबल चीज़ है। जनरेटर भी क्या होगा, रीयूज़ किया जा सकता है। दूसरे अभी दूसरे पेजेस पे जाऊंगा, वहाँ पे भी अवेलेबल आ रहा होगा। वंस मैंने बना दिया, वो हर जगह अवेलेबल आ रहा होगा। जैसे इंटेंट जो मैंने जितने भी बनाए हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, हर जगह अवेलेबल आ रहे हैं, तो मैं किसी कहीं और रीयूज़ भी कर सकता हूँ उसको। तो अगर मैं नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करूँ तो वो सही है शायद। तो मैं शुरू में इसके नाम के ना जनरेट लगा देता हूँ, फिलहाल के लिए मैं ये कर देता हूँ कि जनरेट रूम टाइप क्वेश्चन कर देता हूँ। सही है, क्योंकि मैं इससे जो काम ले रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, ठीक है, टेक्स्ट में एक अदद प्रॉम्प्ट मैं इसको देता हूँ। ज़ाहिर है ओपन एआई इस तरह के जो एलएलएम है वो इसी तरह चलते हैं कि आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं और उसके बदले में आपको वो जवाब देता है। तो मैंने प्रॉम्प्ट में ना ये दे दिया, जो भी क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लिखा था ना उधर, मैंने वो दे दिया। अच्छा, और नीचे क्या चीज़ें, अभी इसको मैं चेंज करता हूँ प्रॉम्प्ट को ना, और नीचे क्या चीज़ें मेरे पास, इनके मॉडल्स हैं कुछ, ठीक है। मॉडल में लेटेस्ट लिखा हुआ रहा है टेक्स्ट बाइसन जो है ना, वो लेटेस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और कोड बाइसन भी है इसमें, बस ये चार ही मॉडल हैं एक्चुअली। तो बस जो लेटेस्ट वाला आई थिंक वही सबसे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि कोड वाला तो मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे तो टेक्स्ट जनरेट करवाना है। अच्छा, तो टेक्स्ट बाइसन हो गया। टेम्परेचर जो है वो 0.5 है। टेम्परेचर आप सब लोगों को पता है क्या होता है, ओपन एआई में डिस्कस किया होगा कभी ना कभी मैंने। वेल, तो टेम्परेचर ये होता है कि कितना जवाब वेरिएशन कितना करे, यानी एक ही सवाल पूछने पे जो जवाब को कितना वो चेंज करे। अगर मैं 1 कर दूंगा ना तो हर दफ़ा एक बिल्कुल ही नया जवाब लाएगा वो, और अगर मैं उसको 0 कर दूंगा ना तो वो फिक्स जवाब लाएगा, हर दफ़ा एक ही जवाब लाएगा। एक सवाल पूछने पे एक ही जवाब लाएगा अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो।
और अगर मैं उसको वन कर देता हूँ तो एक सवाल बार बार पूछूंगा मैं, तो हर दफ़ा नया जवाब देगा वो। और 50 ये दरमियान ने, जो कहीं दरमियाना हिसाब किताब है कि इसको दरमियान में रखा हुआ है। ठीक है जी, टोकन लिमिट 128 की टोकन लिमिट बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, टोकन का इसके में वही मतलब है। अच्छा, फिर ये टॉप की और टॉप पी जो है वो क्या चीज़ है उसको अभी हम छोड़ देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे ये काम करवाना है कि ये इस तरह का जुमला जो है ना इससे मैंने बनवाना है। ठीक है, इस तरह का जुमला बनवाने के लिए मैं इसको क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि यार पहले तो ये टाइप्स की ना लिस्ट बना दूँगा मैं ऊपर। ठीक है, मैं बोलूँगा कि यार रूम टाइप्स सही है, रूम टाइप्स हो गई। अबव इज द लिस्ट ऑफ रूम टाइप्स, जनरेट अ क्वेश्चन आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ रूम यूजर वांट टू बुक। सही है, यूज़र नहीं शायद लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि वो जवाब में शायद यूज़र फिर लिख दे कहीं ना कहीं। हाँ, इस तरह कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अबव इज़ द लिस्ट ऑफ रूम टाइप्स, जनरेट अ क्वेश्चन आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ रूम यू वांट टू बुक। अभी शायद यू मुझे अभी भी खुटक रहा है भारल कि यू पता नहीं सही काम करेगा या नहीं। इसमें कुछ अप्रोप्रिएट अभी मुझे कोई सूझ रहा नहीं है इसके अलावा। अच्छा, तो ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। सही है। अच्छा, अब ये प्रॉम्प्ट मैंने बना के दे दिया इसको, और इसको मैंने कर दिया सेव, सेव कर दिया इसको मैंने। सही है, तो अब क्या होगा, अभी जनरेटर को मैंने जस्ट अभी आपको ग्लिम्स दिया है कि जनरेटर क्या चीज़ होती है। ठीक है, अभी ये प्रॉपर इसके अंदर और भी स्टोरी है लंबी, उसको अभी हम छोड़ दे देंगे वो क्या बोला है। अच्छा, अब यहाँ पे ना देखें, आप नोट करें, ये कह रहा है कि यार जनरेटर का जो रिक्वेस्ट है ना, वो तो रिक्वेस्ट ये आ गया टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। अब इसका जो रिस्पॉन्स होगा जो, वो किस में चला जाएगा, वो रिक्वेस्ट डॉट जनरेटिव के अंदर ना। इसका मैं फुल स्टॉप हटा देता हूँ, ये फुल स्टॉप कभी कभी मस्ती करता है तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। सही है, तो ये इसके अंदर ना इसका क्या आ जाएगा, रिस्पांस आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं कुछ और भी लगा सकता हूँ, मैं जनरेटिव लिखा हुआ है ना, मैं कुछ और भी लगा सकता हूँ इसको। ठीक है, तो अच्छा, अगर इस मिसाल के तौर पे ये वाला जो पैरामीटर है, अगर इसमें पहले से कोई चीज़ होगी मौजूद, तो जब ये रिस्पॉन्स आएगा तो वो पुरानी वाली रिप्लेस हो जाएगी। सही है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई पुराना वाला अगर पड़ा है या इस तरह की कोई चीज़ है ना, तो वो मसला नहीं है। हाँ, लेकिन कोई ऐसा रिस्पॉन्स है जिसको आपने लॉन्ग टर्म स्टोर करना है, यानी थ्रू आउट द चैटबॉट उसको आप अगर उस रिस्पॉन्स को आप यूज़ करने वाले हैं अगर, तो आप ये नहीं चाहते कि वो रिप्लेस हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है इसका नाम मुझे कोई ऐसा रखना पड़ेगा जो मैं किसी और का ना रखूँ, तो वो इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसको मैंने सेव किया यहाँ पे इतने को। अच्छा, तो ये जनरेटर वाला जो पार्ट था ना, ये वाला, ये क्या हो गया, ये जनरेटर वाला पार्ट कम्प्लीट हो गया। अब जनरेटर ने जो रिस्पॉन्स दिया था ना, वो मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे एजेंट रिस्पॉन्स में लगा दूंगा। क्या था रिक्वेस्ट, देख लेते हैं यार वहां से। सही है, मैंने आगे इधर लिख दिया ये। अच्छा, इसके आगे मैं कुछ लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके आगे मैं फ़िलहाल कुछ नहीं लिख रहा हूँ, और इसको मैं ऐसे ही सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पूछा है ना, ये ज़रा जनरेटिव AI यूज़ कर ली इसके अंदर मैंने। अच्छा, टेस्ट, हाँ ये उसका रिस्पॉन्स है ना। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा ना, मैं यहाँ पे हाथ से कुछ बात लिख दूँ, तो वो जनरेटर चलेगा, जवाब आएगा, और उसको मैं यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन चलता रहेगा, पीछे जवाब आता रहेगा, लेकिन स्क्रीन पे सामने कुछ नज़र नहीं आएगा। सही है जी, तो मैं इससे बोलता हूँ अभी इतने को चलाते हैं ज़रा हम। ठीक है, हाय, और बुक रूम। अब देखो, ये तीन रिस्पॉन्सेज आए हैं, ये तो पेज से निकलते वेलकम वाले पेज पे ये बोल दिया था मैंने निकलते हुए। ठीक है,
ठीक है, नाउ आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, ये पेज पे एंटर होते हुए ये बात बोली है इसने, और ये वाला जो सवाल है ये पैरामीटर का इनिशियल प्रॉम्प्ट आया है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास ना दो बंदे हैं, हाउ मैनी गेस्ट आर यू, तो मैंने कहा भाई दो, तो दो बोलते ही इसको क्या पकड़ में आ गया कि ये नंबर ऑफ गेस्ट दो आ गया। अच्छा, जैसे ही दो मैंने बोला तो पहला पैरामीटर मिल गया उसको, अब दूसरे पैरामीटर का इनिशियल प्रॉम्प्ट आएगा, तो दूसरे पैरामीटर का जो इनिशियल प्रॉम्प्ट था वो मैंने क्या लगाया हुआ था, वो मैंने जनरेटिव AI लगाया हुआ था। तो देखो रिक्वेस्ट डॉट जनरेटिव के अंदर ना ये एक बात आ गई इतनी बड़ी, ठीक है। अच्छा, आ जाओ देख लेते हैं कि क्या इसने जवाब दिया। इसने बोला कि भाई विच टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक टू बुक, ये तीन इसने सामने ऐसे करके बता दिया, 1 2 3, सही है। तो अब इस तरह करके जो है ना ये क्या करेगा, अब अगर मैं कोई इसको ऐसा प्रॉम्प्ट देता हूँ जो मतलब कोई ऐसी बात बोलता हूँ जो गलत जवाब है इसका, यानी मैं कोई इस तरह की कोई ऐसी बात बोल देता हूँ ताकि ये दोबारा पूछे मुझसे, तो मैं देखता हूँ कि वो दोबारा क्या करता है, उसको दोबारा से सही तरह जनरेट करता है कि नहीं करता। सही है यार, इसने फिक्स ही किया है, पता नहीं चेंज तो नहीं किया। सही है, फिक्स ही किया है इसने। नहीं, वो तो फिर पैरामीटर मिल जाएगा ना उसको, नहीं वन, अच्छा वन पे भी पैरामीटर नहीं मिलेगा, पैरामीटर तो बिजनेस स्टैंडर्ड है ना ये, ठीक है। वन पे भी इसको नहीं मिलेगा, वन पे क्यों मिलेगा, मैंने इसको नंबर थोड़ी रखा हुआ है यार। पता नहीं प्रॉम्प्ट मैंने कुछ ऐसा लिख दिया कि ये चेंज नहीं हो रहा, ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। असल में उसको ये नहीं पता होता ना कि पहली दफ़ा चला है या दूसरी दफ़ा चला है, तो उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। भाई देखो ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है ना, ये टेक्स्ट प्रॉम्प्ट है ना, अब ये रूम जो है वो ये जो प्रॉम्प्ट है ये मैं किसी LLM को देता हूँ ना, तो उस LLM को ये नहीं पता होता कि ये मेरे पास प्रॉम्प्ट पहली दफ़ा आया है या ये दूसरी दफ़ा आया है, उसकी मेमोरी तो नहीं है। या तो मैं कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ डाल के भेजूँ पूरी, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट में डाल के भेजने का भी ऑप्शन है, चलो एडिट करते हैं उसको, एडिट करते हैं। अच्छा नोट करो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगर द टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दैट सेंट टू द जनरेटिव मॉडल। अब ये प्रॉम्प्ट ना कहाँ जाएगा, ये जनरेटिव मॉडल के ऊपर जाएगा। ये मार्क वर्ड्स एज प्लेस होल्डर बाई प्रीपेंडिंग डॉलर, कह रहे हैं कि यार आप ना डॉलर लगा सकते हो इसके साथ। अच्छा, अब डॉलर लगा के ना मैं एक ऐसा प्रॉम्प्ट अब बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर पिछली कुछ बातें मैं ऐड करूँगा। सही है, पिछली कुछ बातें मैं ऐड करूँगा। मिसाल के तौर पे एक पैरामीटर वो बता चुका है नंबर ऑफ पीपल, तो मैं वो इसमें ऐड कर दूँगा कि भाई अब ये दो बंदे की बात हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, साथ में जी प्लेस होल्डर आर एसोसिएटेड विद द सेशन पैरामीटर इन फुलफिलमेंट एंड रिप्लेस्ड बाई सेशन पैरामीटर वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज़ द बिल्ट इन प्लेस होल्डर कन्वर्जेशन एंड लास्ट यूजर एड्रेंस। यूज़र ने लास्ट जो भी एक मैसेज किया है ना, एक मैसेज वो भी आप इसमें डाल सकते हो, और पूरी की पूरी कन्वर्जेशन भी डाल सकते हो। अच्छा, पूरी की पूरी कन्वर्जेशन डालना शायद मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो टोकन एक तो ज़्यादा खाएगा, फिर दूसरा ये कि मुझे अपने प्रॉम्प्ट को इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ पूरी की पूरी कन्वर्जेशन, तो क्या होगा कि फिर उसके नीचे जो बात लिखी हुई है ना वो फिर मुझे इस हिसाब से लिखनी पड़ेगी कि ऊपर पूरी हिस्ट्री है कन्वर्जेशन की, ठीक है। टोकन यूज़ करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, ये बार्ड है ना, ये बार्ड का मंजन है, OpenAI और बार्ड एक्चुअल तो एक ही चीज़ है उसमें। इवन देखो ना नाम भी सेम है, वो जिसको टेम्परेचर उसमें कहते हैं उसको टेम्परेचर इसमें भी कह रहे हैं, तो सारी चीज़ें सेम है एक्चुअली। LLM जितने भी हैं ना सारा वो एक ही वाइट पेपर है जिसको ये सब फॉलो करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है लेकिन एक्चुअल में वो एक ही चीज़ है। अब मिसाल के तौर पर जब बार्ड वाले बोलते हैं ना कि भाई हमारे पास लाइव इंटरनेट का एक्सेस है, अब वो क्या चक्कर है लाइव इंटरनेट का, पता है तुम्हें, वो क्या करते हैं हर एक घंटे पे अपना मॉडल दोबारा ट्रेन करते हैं करंट डेटा के साथ, तो लिहाजा आप उससे टाइम पूछोगे ना तो वो एक घंटे पहले का टाइम बताता है, वो बोलता है एक घंटे पहले का टाइम है अभी ये हो रहा है टाइम। अच्छा, और साथ में ये भी बोलता है कि यार दिस टाइम माइट बी ओल्ड, वो बोलता है कि हो सकता है ये मतलब 15-20 मिनट या आधे घंटे पहले का टाइम हो क्योंकि मेरा मॉडल जो है ना वो थोड़ी देर में ट्रेन होता है। अब OpenAI में और उसमें क्या फ़र्क हुआ, कोई फ़र्क नहीं हुआ,
बस उन्होंने ये किया हुआ है कि हर थोड़ी देर पे ना 1 घंटे पे वो दोबारा ट्रेन करते हैं, और वो बस लेटेस्ट होता है वो मॉडल उनका। तो ये तो कोई अप्रोच नहीं हुई ना यार लाइव इंटरनेट उसको देने की। तो बस कुछ अच्छा वो बेस मॉडल तो सेम ही रखते होंगे एक्चुअली, जो बेस मॉडल है वो तो सेम ही रखते होंगे। वो कुछ उनका डेटा होगा जो इंटरनेट से ना सरफेस लेवल का डेटा, कि जी अभी वेदर क्या है और कोई जो जदीद क्या जो भी मतलब जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं इस वक्त, जैसे न्यूज़ जो है पूरी दुनिया की जो न्यूज़ है, पूरी दुनिया के जो न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल्स हैं वो शायद उसको वो दे देते होंगे ताकि वो करंट अफेयर बात कर सके। ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें उसको देते हैं वो शायद, लेकिन पूरा इंटरनेट तो दोबारा नहीं देंगे ना यार, क्योंकि अगर वो पूरे पता नहीं कितने 70 बिलियन पैरामीटर है ना उसके, पता नहीं कितने हैं, तो अगर उतने पैरामीटर्स और फिर नंबर ऑफ डेटा जो है वो भी अगर ज़्यादा होगा तो फिर तो उसको ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगेगा उसके। तो ये तो बड़ा मसला है बार बार उसको ट्रेन करना। तो पता नहीं उन्होंने किस तरह से हैंडल किया हुआ है, शायद उन्होंने बहुत बड़ी मशीनें उसके ऊपर लगाई हुई हैं, लेकिन क्यों लगाएंगे यार इतनी बड़ी मशीनें, क्योंकि बार्ट जो है वो असल में देखा जाए तो ओपन एआई से ज़रा चीप भी है, रेट्स उसके ना ओपन एआई से ज़रा कम है बार्ट के। वही तो मैं कह रहा हूँ, लेटेस्ट डेटा है किस तरह, वो इस तरह है कि वो हर थोड़ी देर बाद ट्रेन करते हैं उसको। हाँ, उसके बाद अपडेट नहीं किया ना उन्होंने, ये बिल्कुल लेटेस्ट पर ट्रेन करते हैं हर दफ़ा ये। तो वो दोनों में ही है, दोनों में जो फ्री वाला है उसमें भी आप उससे बोलोगे ना कि अभी टाइम क्या हो रहा है तो वो बता देगा टाइम आपको। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो करता कैसे है, लेकिन वो करता ऐसे है वो हर थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग करता है उसकी। तो ये तो कोई अप्रोच तो नहीं हुई ना यार। तो पॉइंट मेरा ये था कि यार ये जितने भी सर एलएलएम जो है ना ये सारे एक्चुअली अंदर से एक ही हैं, सही है, अलग अलग कंपनीज़ ने एक ही माल तैयार किया हुआ है सबने। अच्छा तो वेल हम आगे बात कर रहे थे अब कि कन्वर्जेशन इसकी ना, तो मैं इसको फ़िलहाल क्या देता हूँ, कन्वर्जेशन देता हूँ। अच्छा कन्वर्जेशन कुछ इस तरह की होगी, किस तरह की होगी यार कन्वर्जेशन, कुछ इस तरह की होगी कि यार यूज़र ने ये बात की, सही है ना, यूज़र ने ये बात की और उसके बाद ना एजेंट ने ये बात की, कुछ इस तरह की होगी ना कन्वर्जेशन। एक्चुअली कन्वर्जेशन तो इसी तरह की होती है, बैक एंड फोर्थ। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि यार इसका सिंटैक्स यही है या कुछ और सिंटैक्स है, लेकिन है यही मोर और लेस बात यही है कि एक एजेंट होगा वो एक बात कह रहा होगा, दूसरा एजेंट होगा वो दूसरी बात कह रहा होगा, तो सवाल जवाब का एक लिस्ट होगी। तो हम एक्चुअली कंसिडर कर रहे हैं कि कन्वर्जेशन मेरे पास क्या हो गई, यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको कह सकता हूँ कि यार डिफरेंटली पूछो हर दफ़ा। ठीक है, अबव इज़ द लिस्ट भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अबव इज़ द लिस्ट में बोलूँगा तो अबव तो कन्वर्जेशन है पूरा, उसके बाद एक लिस्ट है। ठीक है, तो अब मुझे इसमें ना है? अब मुझे इसमें डेलीमीटर्स लगाना होगा, क्या उसको बोलते हैं, डेलीमीटर्स बोलते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अब बोलूँगा कि बिटवीन दिस, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें ये चीज़ें सारी हम कवर करेंगे। अबव नहीं बोलूँगा मैं, अब बोलूँगा मैं बिटवीन बिटवीन ट्रिपल बैक टिक इज़ द लिस्ट ऑफ रोम टाइप्स। ठीक है, जनरेट अ क्वेश्चन आस्किंग वट टाइप ऑफ रोम दे वॉन्ट टू बुक। अब इसको मैं ये बात कैसे बीच में ऐड करूँगी अलग अलग तरह से, क्योंकि कन्वर्जेशन तो मैंने दे दी है, हिस्ट्री आ गई है इसके पास। ठीक है, हिस्ट्री तो आ गई है। अच्छा पहले इतने पर ही ट्राई करते हैं, क्योंकि अब कन्वर्जेशन आ गई ना, इसको पता है कि एक तरह से मैं पूछ चुका हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद उससे डिफरेंट तरीके से खुद ही पूछ ले। ठीक है, ये भी कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके भी देखनी पड़ती हैं हमें जनरेटिव एआई के अंदर ना। अच्छा इसको मैं क्या कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ पूरे को। ठीक है, और मैं इसको बोल देता हूँ हाय, और हाय बोल के मैं बोल देता हूँ कि यार बुक रूम, सही है, टू नहीं भाई ये तो फिक्स ही ला रहा है। अब इसको हम बता देते हैं कि यार दूसरे तरह से ज़रा करो। हाँ कन्वर्जेशन क्यों लाएगा, वो तो मैंने उसको प्रॉम्प्ट में दिया है, वो तो जवाब मिल रहा है ना मुझे, तो ये तो जवाब मिल रहा है मुझे, ये इतना पार्ट जो मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे, ये मेरा जवाब है। प्रॉम्प्ट क्या किया है वो भी मैं देख सकता हूँ, पीछे यहाँ पे आ रहा होता है ओरिजिनल रिस्पॉन्स देखेंगे ना, नहीं एक्चुअली रिक्वेस्ट देखेंगे। हाँ ये रहा, देखो एलएलएम को इनपुट किया ये,
ठीक है, देखो जनरेट रूम टाइप क्वेश्चन यूज़र सेज इस तरह से किया है, और उसके बाद एजेंट सेज इस तरह से किया है ना, यही सिंटैक्स है ना इसका। अगर इस पूरे को मैं उठा के ले आऊँ ना इधर, तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास डेटा आया हुआ है। वीएस कोड नहीं खुला हुआ मेरे पास अभी, इसके अंदर मैं एक जस्ट एक सिंपल सी क्या कर लेता हूँ, rough.js की फाइल बना लेता हूँ एक बार। तो ये मेरे पास ना इस तरह से कुछ आ रहा है, एक्चुअली js नहीं है तो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा, जहाँ जहाँ पे ये बैक स्लैश एन लगा हुआ है ना, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड लाइन ब्रेक। तो मैं क्या करता हूँ, ये कंट्रोल डी करके ये सारे लाइन ब्रेक्स को सेलेक्ट करता हूँ और बैक स्पेस करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो एक्चुअली कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट गया है मेरे LLM के पास, कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट गया है, और उसका जो जवाब मुझे मिला है ना, वो मुझे स्क्रीन पे दिखता है, क्योंकि वो जवाब मैं किधर रखवाता हूँ, एक पैरामीटर के अंदर उसको सेव करवाता हूँ और वो मुझे स्क्रीन पे दिख जाता है। सही है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरह से अभी भेजा है प्रॉम्प्ट को। सही है। अच्छा, अब मैं इसको अगर सेकंड टाइम पूछता हूँ, ये तो फर्स्ट टाइम की बात हुई है ना, अभी ये तो फर्स्ट टाइम इसने बताया है, ठीक है, अभी इस फर्स्ट टाइम इसने बताया है। अब मैं इसको अगर इस तरह से कुछ लिख दूँ, ये फिक्स जवाब दे रहा है अभी भी ये। अभी अटक क्यों गया भाई? नहीं, अभी नहीं हुआ चेंज, नहीं हुआ। इकोनॉमी रूम्स, हाँ, अब क्योंकि मैंने उसको हिस्ट्री दी हुई है ना, तो उसको थोड़ा सा समझ आ रहा है शायद, पिछले दो दफ़ा में तो उसने बिल्कुल एक ही जैसा पूछा है। अब मैं इसको ज़रा प्रॉम्प्ट में मज़ीद चेंजेस की ज़रूरत है आई थिंक। अब वो ये वही वाला दे रहा है, लेकिन जनरेट अ क्वेश्चन मैं बोलता हूँ ना, जनरेट अ क्वेश्चन क्या मुझे यहाँ लिखना चाहिए यार, डिफरेंट, तो डिफरेंट का मतलब तो कुछ और क्वेश्चन हो जाएगा ना। आस्क क्वेश्चन डिफरेंटली एवरी टाइम, ठीक है। अच्छा, अब स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कि आस्क क्वेश्चन डिफरेंटली एवरी टाइम, बट आई थिंक ये काम तो करेगा, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जो है ना सीन, वो सीन कुछ इस तरह का है भाई कि टोकन भी बचाना होता है। अब मुझे आइडियली होना ये चाहिए था कि मुझे इस जुमले में ही कुछ ऐसा लिखना चाहिए था कि जिससे ये बात समझ जाए, तो उससे होता क्या है कि 1 2 3 4 5 वर्ड मैंने एक्स्ट्रा जो लिखे हैं ना, 5 टोकन एक्स्ट्रा जो मैंने लिखे हैं, ये बच जाते हैं मेरे। लेकिन अभी मुझे इस जुमले के अंदर ये बात मैं कैसे फीड कर दूं, ये मेरे समझ नहीं आ रहा। शायद मे बी मैं एक दूसरे LLM से ही इसकी हेल्प ले सकता हूँ। मैं बोलूँगा कि यार ये मेरा प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट को शॉर्ट कर दो आप। सही है, इस प्रॉम्प्ट को आप शॉर्ट कर दो। मैं जाता हूँ ना, बल्कि ChatGPT से अभी पूछता हूँ, उसको बोलता हूँ यार इस प्रॉम्प्ट को ज़रा शॉर्ट कर दो, ठीक है। नहीं, बार्ड तो अभी हम यूज़ नहीं करते ना, वैसे तो डेली बेसिस पे हम ये यूज़ कर रहे होते हैं, वो तो उन्होंने उसमें बिल्ट इन फिट कर दिया, तो चलो हम चला लेते हैं। सही है। मैं कहता हूँ कि यार अबव इज़ अ प्रॉम्प्ट मेक इट शॉर्टर। सही है, मेक इट शॉर्टर हो गया। हाँ देखो ना, जनरेट अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन जनरेट अ वेराइटी में तो फिर वो बोलेगा कि यार के नहीं, पहले वाले से शॉर्ट तो है ये नहीं। यार सही कह रहे हो, बड़ा ही।
असल में इसने बात कुछ और कर दी है ना, इसने बोला है जनरेट अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मतलब है एक ही वक्त में एक से ज़्यादा क्वेश्चन जनरेट कर दो। टू आस्क अबाउट द प्रेफर्ड रूम, जनरेट क्वेश्चन टू आस्क अबाउट द प्रेफर्ड रूम टाइप फॉर बुकिंग ईच फ्रेज डिफरेंटली विद इन अ लिस्ट इन क्लोज दिस दिस दिस। हाँ हाँ डिफरेंट करना चाहिए, लेकिन अभी LLM में फ़र्क है ना, चैट GPT होता तो बाद। अच्छा एक काम मैं और भी कर सकता हूँ कि मैं उसके टेम्परेचर बढ़ा दूँ, आगे टेम्परेचर बढ़ा दूँ मैं, कि आस्क क्वेश्चन डिफरेंटली, मैं ना लिखूँ और मैं इसका क्या बढ़ा दूँ, टेम्परेचर बढ़ा दूँ। ठीक है सेव, ओ सेव कर दिया मैंने। टेम्परेचर इसका मैं बढ़ा देता हूँ ना, 1 कर देता हूँ, ताकि वो हर दफ़ा डिफरेंट ही लाए। नहीं भाई टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ भी नहीं इसको फर्क पड़ रहा। आस्क डिफरेंटली एवरी टाइम लिखा मैंने। ठीक है बुक रूम फॉर 2 पीपल मैंने लिखा, अभी इसको नहीं पकड़ेगा एक्चुअली। ठीक है हाउ मेनी गेस्ट यू आर, इसमें दोबारा बोल दिया। अभी इसको मैं कवर करने के लिए मुझे एक्चुअल इंटेंट में जाके वो लिखना पड़ेगा पूरा। अबे क्या हो गया भाई, ये तो इतना टाइम लगा रहा है। अच्छा ये देखो एक और मसला भी सामने आ गया कि जनरेटिव AI जब मैं यूज़ करता हूँ ना तो सम टाइम वो बहुत टाइम लगा देता है। ये क्या कर दिया इसने भाई ये क्या कर दिया इसने भाई, एक्चुअली वो फेल हो गया शायद, एक्चुअली वो क्या हो गया, वो फेल हो गया है, वो फेल हुआ है ना, तो फेल होने की सूरत में उसने वो ऐसे ही प्रिंट कर दिया उसको। अगर मैं इसको दोबारा से कुछ इस तरह बोलूं, ये देख लो अभी व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक टू बुक आ गया। अरे क्या बना दिया ये भाई, क्या बना दिया ये। हाँ अब चेंज कर करके तो ला रहा है, चेंज तो करके ला रहा है ये। अब दोबारा फिक्स हो गया ये। अच्छा मुझे लग रहा है शायद ये हर दफ़ा रिक्वेस्ट भेज भी नहीं रहा ना उसके ऊपर, ये हर दफ़ा रिक्वेस्ट भेज भी नहीं रहा, ये हर दफ़ा रिक्वेस्ट ही नहीं भेज रहा। तो वेल तो ये जी मेरा जनरेटर था, सही है, जनरेटर को अभी हम हटा देते हैं ठीक है, चुप करके यहाँ पे ना हम सीधा सीधा रिस्पांस लिख देते हैं जो हम लिखना था ना। व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक टू बुक, वी हैव द स्टैंडर्ड बिजनेस एंड इकॉनमी। क्योंकि यार जितनी वेरिएशन मुझे वहाँ से मिल रही है उतनी वेरिएशन तो मैं खुद से ये सोच के ही बता सकता हूँ यहाँ पे, है कि नहीं। मतलब मैं एक ही दफ़ा कर लूँ ना, बिला वजह मैं टोकन भी अपना ज़ाया कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। तो मैं इसको मिसाल के तौर पर न्यू चैट बोलता हूँ और मैं बोलता हूँ कि यार मेक वेरिएशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है अभी मुझे वेरिएशंस बना देगा, ये 3-4 वेरिएशन बना दी इसने। अभी फ़िलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट इन केस कि मैं यहाँ पे से क्या कर सकता हूँ, शुरू में ही 3-4 वेरिएशन बना के ना इसको, और मैं यहाँ लगा दूँ इसको। ठीक है विच रूम कैटेगरी आर यू लुकिंग टू रिजर्व, स्टैंडर्ड बिजनेस और इकॉनमी। तो इस तरह मैं अगर 2-4 वेरिएशन 5 वेरिएशन लगा दूँ ना शुरू में ही जनरेट करके, तो आई थिंक मुझे फिर जनरेटर की ज़रूरत नहीं है। हाँ लेकिन कुछ और ऐसे स्पेसिफिक केसेस आएंगे जिसमें मुझे जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कौन से केसेस होंगे जहाँ पे मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं होगा,
जहाँ पे मिसाल के तौर पे ऑर्डर स्टेटस चेक करना है। अब ऑर्डर स्टेटस चेक करना है, अब ऑर्डर का ऑब्जेक्ट तो आ गया मेरे पास, अब उस ऑब्जेक्ट का मैं करूँ क्या, उसको जुमले में कैसे कन्वर्ट करूँ। आज से पहले हम ये करते थे कि हम उसके लिए पूरा फॉर का लूप लगाते थे कि भाई अब मेरे पास अगर ऑर्डर का ऑब्जेक्ट है अगर, तो उसमें दो ऑर्डर हैं, तीन ऑर्डर हैं, उस पर आइट्रेट करो, फिर हर ऑर्डर पे जाके देखो कि कितने कितने क्या हैं, फिर उस हिसाब से जुमला कंस्ट्रक्ट करो। तो आप मेरा अगर वो पिछला वाला देखोगे ना, V2 वाला, तो उसके अंदर मतलब 200-200 लाइन का कोड तो इसी चीज़ पर लिखा हुआ है कि ये ऑर्डर का ऑब्जेक्ट आया है और इसको अब जुमले में कन्वर्ट करना है। तो ज़िंदगी आधी हो जाती थी उसके अंदर। तो अब उसके ऊपर ना शायद मैं 200 लाइन का कोड ना लिखूँ, अब मैं ये प्रॉम्प्ट भेज दूँ इसको, मैं बोलूँ यार ये पकड़ो ऑब्जेक्ट, जाओ आप लेके आओ इसका है ना जवाब कि जी इसको जुमले में कैसे बोलेंगे। सही है, तो मिसाल के तौर पे इसको एक्सपेरिमेंट भी करके देख लेते हैं। मैं इसको आगे बोलता हूँ कि यार ऑर्डर ऑब्जेक्ट MongoDB, सही है, सैम्पल ऑर्डर ऑब्जेक्ट ना, इसके सैम्पल एक मैं बता रहा हूँ कि यार किस तरह का होगा, एक ऑर्डर अगर प्लेस होगा तो वो डेटाबेस में किस तरह का दिख रहा होगा। अरे यार क्या बकवास है ये, इसी से पूछ लेते हैं, इसी से पूछ लेते हैं हम। सही है, सही है, मैंने कहा एक सैंपल ऑर्डर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस तरह का होता है वो बता दो आप मुझे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होता है। सही है, अरे फूड ऑर्डर बोलना था ना, आई एम टॉकिंग अबाउट फूड ऑर्डर। सही है, मैंने कहा फूड ऑर्डर बना दो यार ज़रा, ताकि समझ में भी तो आए। पिज़्ज़ा बर्गर कर दिया इसने और ये सोडा कर दिया। सही है, अभी तो कोई पूरा ऑब्जेक्ट बन गया ये। सही है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको चैट को ख़त्म कर देता हूँ। अब चैट ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। बंदा बोलता है यार चेक माई ऑर्डर स्टेटस, ये बोलता है बंदा, और जो है ना मुझे उसको स्टेटस बताना है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, अब या तो मैं इसको जावास्क्रिप्ट पूरा लिख के उसको मैं जुमले में कन्वर्ट करूँ, जो कि पहले करना पड़ता था और ज़िंदगी आधी हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, उसके बावजूद भी क्या होता है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे ऑर्डर 4, 5, 6 आइटम आ गए उसके अंदर, तो उसमें कभी कभी वो ऐसा जुमला जनरेट कर देता है ना कि पता लग जाता है कि ये रोबोटिकली जनरेट हुआ है। ठीक है, मज़ेदार जुमला जनरेट नहीं होता था। अच्छा, अब मैं क्या बोलता हूँ कि मैं ट्रिपल बैकटिक लगा देता हूँ मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, डेलिमिनेटर्स पता नहीं जो भी है इसका नाम। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि यूज़र क्वेश्चन, ठीक है, यूज़र क्वेश्चन के भाई मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर। ठीक है, ये यूज़र क्वेश्चन हो गया। सही है, और मैं इससे बोलता क्या हूँ, मैं इससे बोलता हूँ कि यार आंसर यूज़र क्वेश्चन बाय लुकिंग एट ऑर्डर ऑब्जेक्ट बिटवीन ट्रिपल बैकटिक। सही है, और यूज़र क्वेश्चन मैंने नीचे लिख दिया। अब मैं जब इसको मैं इसको हिट करूँगा ना जब, तो ये एक सिंगल जुमला लाएगा, योर ऑर्डर इज़ इन प्रोग्रेस। ठीक है, अच्छा, अब मैं यही वाला पूरा कॉपी करता हूँ अगेन, मतलब कॉपी नहीं करता हूँ, इसी को एडिट कर रहा हूँ मैं, बंदे का क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ मैं कि भाई नहीं, वो तो बात दूसरी हो जाएगी ना फिर, असल में वो तो कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा मेरा, तो मैं जो एक रिक्वेस्ट भेजूंगा उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, मैं इसलिए इसको एडिट कर रहा हूँ, मैं इसलिए असल में इसको एडिट कर रहा हूँ। एडिट करूँगा ना तो ये जुमला नीचे से चेंज हो जाएगा, ये जो पहले ऑलरेडी जवाब दे चुका है ना, मैं उसी सवाल को एडिट कर रहा हूँ, तो ये जवाब भी एडिट हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं जाएगा, ये याद रखना। कॉन्टेक्स्ट जब अभी नीचे पूछूंगा तो कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा उसके अंदर, कॉन्टेक्स्ट में पिछला भी जुमला आ रहा होगा, ये वाला भी आ रहा होगा। अच्छा, मैं जुमला चेंज कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार व्हाट इज़ द टोटल ऑफ माई ऑर्डर। ठीक है, अब टोटल देखो कितना एक रैंडम जुमला है कि व्हाट इज़ द टोटल ऑफ माई ऑर्डर ना, और सबमिट करता हूँ मैं तो उसको जवाब दे देना चाहिए। टोटल प्राइस 36.96 बता दिया इसने। ठीक है, तो नहीं जैसे अब देखो मैं नीचे पूछूंगा ना यहाँ पे,
तो अब ये ऊपर वाले दोनों जुमले साथ लेके जाएगा ना ये, तो ये चीज़ नहीं होगी मेरे केस में। मेरे केस में एक सिंगल रिक्वेस्ट होगी जिसमें कोई आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो मैं इसी रिक्वेस्ट के अंदर डाल के भेजूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो मैंने पूछा कि यार व्हाट इज़ द टोटल, तो टोटल इसने बता दिया भाई 3696 है, ठीक है। ऑर्डर टोटल ये देखो बता रहा है कि भाई 3696, तो टोटल यहाँ से देख के बता दिया। अगर मैं टोटल रिमूव भी कर दूँ तो ये यहाँ से गिन के बता देगा, जैसे क्वांटिटी 2 है और प्राइस ये है ना, क्वांटिटी 2 है और प्राइस इतनी है, तो इसका मतलब है कि ये $24 का हो गया ऑलमोस्ट, या 25 का हो गया, सही है। तो मैं अगर अपने इस दोबारा इसको एडिट करता हूँ मैं, और टोटल को रिमूव कर देता हूँ ऑर्डर में से, ये तो ना टोटल मैंने चलो सेव किया भाई शुरू में ही, अब टोटल मैंने रखा ही नहीं है इसके अंदर, टोटल मैंने रखा ही नहीं है। अब बंदा पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज़ द टोटल ऑफ माई ऑर्डर, तो अभी भी ये जवाब दे देगा 36.96, ये दे देना चाहिए इसको, ठीक है। अबे पूरा जुमला बना दिया इसने अब की बार। अच्छा अब मैं प्रॉम्प्ट में ये चीज़ डाल सकता हूँ कि यार मुझे वन लाइनर चाहिए प्रॉम्प्ट में। ये देखो इस तरह ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है ना, कि प्रॉम्प्ट को मैं ऐसे डिज़ाइन करूँ कि आंसर यूज़र क्वेश्चन इन वन लाइन, वन लाइन, सही है, सेव। तो वन लाइन में भी आंसर देगा, द टोटल ऑर्डर इज 41.95। अब ये असल में सैम्पल जो इसने जनरेट किया ना, वो इसने शायद उसमें हलूसिनेट किया है कि वो जितना बन रहा था वो एक्चुअली टोटल में उसने वो नहीं लिखा था, पता नहीं कुछ और। पहले तो टोटल को देख के ला रहा था भाई दबे। अब हम इसको कैलकुलेट मार लेते हैं ना कि इसने ये सही निकाला है कि नहीं निकाला। सही है, सबसे पहला आइटम है मेरा क्वांटिटी 2 है और 1299 है, सही है। 1299 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2598 हो गया, सही है। 2598 हो गया, आ जाओ ना इधर लिख लेते हैं, 2598 हो गया पहले ऑर्डर का मेरे, सही है। दूसरा 899 हो गया, 899 हो गया, सही है। और तीसरा हो गया ये 199 के 3 हो गए, 199 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 597 हो गया, 597 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को, तीनों को हम जब जमा करते हैं, 36.96 प्लस प्लस इक्वल्स, अभी क्या है, 40.94 हो रहा है इसका जो एक्चुअल टोटल है, 40.94 हो रहा है। अभी 41.95 बोला है इसने, हाँ हाँ, तो ये इसके अंदर कैलकुलेशन में ही परफेक्ट नहीं है। कैलकुलेशन इसकी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये मैं समझ आ गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं ऑर्डर का ऑब्जेक्ट ऐसा दूं उसको, या ऑर्डर का ऑब्जेक्ट देते हुए इसको खुद से टोटल कर दूं। टोटल करना तो आसान है जावास्क्रिप्ट के अंदर, टोटल करना तो इतना इशू नहीं है, टोटल तो मैं कर सकता हूँ उसको ना, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि मुझे जुमले में जो कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे बंदे का अगर सवाल ये होगा कि भाई टेल मी व्हाट डू आई हैव इन माय ऑर्डर, ठीक है, व्हाट डू आई हैव इन माय ऑर्डर, अगर ये बंदा बोल दे हाँ व्हाट आइटम्स डू आई हैव, अरे क्या स्क्रॉल क्यों हो जाता है भाई, एंड व्हाट आर देयर प्राइसेस, ठीक है। मैंने एक लंबा जुमला लिख दिया कि व्हाट आइटम्स डू आई हैव इन माय ऑर्डर एंड व्हाट आर देयर प्राइसेस। अब इस जुमले का जो जवाब बनता है ना, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, लंबा कोड होगा इसका। अब देखो इसने पूरा बता दिया कि भाई योर ऑर्डर इंक्लूड ये पिज़्ज़ा इतना, बर्गर इतना इतना और सोडा इतना इतना, प्राइसेस के साथ बता दिया, सही है। तो ये इस तरह का भाई जुमला जनरेट तो हो सकता है जावास्क्रिप्ट के साथ भी, कंडीशनल कंडीशन लगा लगा के, लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर ना मुझे फिर जनरेटिव AI कहीं ना कहीं चाहिए होगा, ठीक है। ये जनरेटिव AI मुझे इस सिचुएशन में चाहिए होगा फिर, लेकिन फ़िलहाल मैंने क्या कर दिया, फ़िलहाल मैंने उसको हटा दिया जनरेटिव AI को ना।
सही है। और मैंने बोल दिया कि भाई व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक टू बुक, और बंदा जवाब दे देगा इसको, ये पकड़ लेगा जवाब को, ठीक हो गया जी। और वापस हम आ जाते हैं पैरामीटर्स के ऊपर। अच्छा, मुझे नंबर ऑफ गेस्ट पता लग गया, रूम टाइप पता लग गया, अब मैं तीसरा पैरामीटर क्या, एक और पैरामीटर ले लेते हैं, इनफ होगा। यस, व्हाट इज़ योर नेम? यार आई थिंक नेम तो मुझे सबसे फर्स्ट पे लेना चाहिए था ना, गेस्ट नेम। सही है, गेस्ट नेम को मैं कैमल केस में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी गिवन नेम ना, अबे नहीं, नेम इसमें आता है ना, इंग्लिश नेम चाहिए ना मुझे, मुझे इंग्लिश नेम चाहिए इस वक्त। इसमें नेम किस नाम से था यार? अबे नहीं, नहीं नेम था, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये आ गया ना। ओह, अच्छा, पर्सन के नाम से कर दिया ना अभी उन्होंने, सिस्टम डॉट पर्सन। सही है, सिस्टम डॉट पर्सन के नाम से कर दिया। सिस्टम डॉट पर्सन में एक्चुअली वो एक ऑब्जेक्ट पकड़ता है जिसमें वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों ही पकड़ लेता है एक्चुअली। नहीं, उर्दू नेम नहीं उठाएगा, उर्दू वो कुछ उठा लेगा कुछ, क्योंकि अहमद जो है ना इंग्लिश, देखो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों में होता है, जैसे मलिक है दोनों में होता है, ठीक है, इसी तरह अहमद जो है ना वो दोनों में होता है, जैसे रायान है, ठीक है, वो दोनों में होता है, लेकिन स्पेलिंग शायद चेंज है दोनों में, ठीक है, उसमें होता है RYAN और हमारे पास जो होता है ना शायद वो RAYAN होता है, रायान होता है, वो बोलते हैं रायन। सही है, जैसे इसी तरह जो एडम है, हाँ एडम जो दोनों में होता है, तो हाँ आदम हम बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग है लेकिन वो एक ही चीज़ है एक्चुअली, ठीक है। जैसे इसी तरह वो, जैसे गैब्रियल, गैब्रियल एक नेम है, अब हम उसको उर्दू में, हम प्रोनाउंसिएशन हमारी है जिब्राइल, लेकिन वो इंग्लिश में उसको गैब्रियल बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली एक ही चीज़ है, वो स्पेलिंग एक ही है उसकी। तो इस तरह बहुत सारे नाम हैं जो उनके और हमारे एक ही हैं, ठीक है। तो हाँ, जैसे यूसुफ़ है, यूसुफ़ को वो जोसेफ बोलते हैं लेकिन यूसुफ भी बोलते हैं, यूसुफ भी पकड़ लेता है शायद वो, तो कुछ नाम पकड़ लेते हैं, लेकिन इस पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। अगर हमारे डायनेमिक्स उर्दू वाली है तो मैं ये करूँगा कि जाऊँगा मैं इंटरनेट पे, उर्दू नामों की एक लिस्ट उठाऊँगा मैं, और वो ला के मैं इधर चिपका दूँगा, उसमें मुझे डेटा की क्लीनिंग की भी शायद ज़रूरत पड़े, मतलब क्लीनिंग नहीं एक्चुअली एनोटेशन की ज़रूरत पड़े। क्लीनिंग तो ये होता है ना कि प्रोग्रामेटिकली मैं उसको क्लीन मार दूँ, लेकिन नामों को मुझे एक एक करके देखना पड़ेगा कि हाँ यार इसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं है, फिर उसके ऑल पॉसिबल जो सिनोनियम्स हो सकते हैं वो मुझे देखने पड़ेंगे, है ना। मिसाल के तौर पे जैसे रेहान है, नहीं, अबे भाई NLP ये कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम तो असल में उस लेवल की इंग्लिश भी नहीं जानते ना, या उस लेवल की इंग्लिश आमतौर पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। लेकिन इंग्लिश में भी अगर बंदा मुंह, क्योंकि हमारे यहाँ हम जो इंग्लिश बोलते हैं ना यहाँ पे, या जो मूवीज़ में हम इंग्लिश सुनते हैं, वो तो बड़ी क्लीन और साफ़ सुथरी इंग्लिश होती है। ये इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, लंदन में जो बंदे इंग्लिश बोलते हैं ना, वो समझ ही नहीं आती भाई। तो हाँ, वो पता नहीं मुँह अड़ा ऐसे बोलते हैं, हो गया। हाँ, अब वो बंदा उससे कुछ मांगेगा, वो सामने से उसको दे भी देगा, आप खड़े भी हो गए, आप बोलोगे यार इसने क्या बोला था, ये इसको समझ कैसे आया, लेकिन वो समझ जाते हैं आपस में, समझ रहे हो, ऐसे बोलेगा, हो गया, उसको समझ में भी आ गया, उसने जवाब भी दे दिया, अब हमें पता भी नहीं लगता। नहीं, अमेरिकन भी बहुत अच्छे हैं, अमेरिकन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, यानी असल में, या यूं कह लो कि शायद हमें अमेरिकन को सुनने की आदत है, हमें शायद उनको सुनने की आदत है, हम मूवीज़ वगैरह में ज़्यादा अमेरिकन को सुनते हैं, तो हमें शायद उनकी इंग्लिश सही लगती है, क्योंकि हमें वो सुनने की आदत है और हमें समझ आती है वो। अब ये जो दूसरे वाले ना, ये जो लंदन वंदन वाले हैं जो, या फ्रेंच वाले, तो खैर वो बोलते ही फ्रेंच हैं, फिर वो इंग्लिश बोलते भी नहीं हैं। या हाँ, जैसे ये है ना आपका गॉड फादर, देखोगे ना गॉड फादर, उसमें जो वो इंग्लिश बोलते हैं ये लोग, वो ज़रा मुख्तलिफ है, वो नहीं समझ आती पहली दफ़ा में, वो ज़रा गौर करना पड़ता है, उसमें सब टाइटल लगाना पड़ता है सम टाइम, तो वो नहीं समझ आती कभी। तो असल में जैसे ये ऑस्ट्रेलिया, अब हम हमारे वालों में तो शायद एक आम तासुर ये पाया जाता है ना कि भाई सारे गोरे हैं और सारे अंग्रेज़ हैं,
लेकिन असल में ऐसा भी नहीं है। अब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ना, अगर कनाडा की अगर आप बात करो तो कनाडा और अमेरिका बिल्कुल अलग है भाई। उनके बोलने का अंदाज़, हर चीज़ बिल्कुल अलग है। जैसे हम होते हैं ना, हमारे यहाँ जैसे अभी चार बंदे घूम रहे हैं तो हम पहचान जाते हैं यार ये सिंधी है, ये पठान है। हालांकि बोल सारे उर्दू रहे हैं, लेकिन हम पहचान जाते हैं कि यार ये पठान है। कैसे? तो उसके बोलने के अंदाज़ से। तो वो इसी तरह पहचान जाते हैं कि यूएसए के अंदर ना वो बोलते हैं, अरे अच्छा तू ह्यूस्टन से है, तेरी बातों से मुझे लगा ह्यूस्टन से तू, सही है। या बोलते हैं भाई साहब तू टेक्सस से है, तो टेक्सस वाले बंदे बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं, पठान होते हैं टेक्सस वाले। तो मतलब गन गोलियों वाले होते हैं वो सारे, क्योंकि वो जंगल वंगल है वहाँ पे, जंगली जानवर इतने होते हैं। गवर्नमेंट बोलती है भाई खुद रखो असला, खुद संभालो, हमारा मसला नहीं है। क्योंकि अब जंगली जानवर इतने, अब हर घर में पुलिस तो नहीं जाएगी ना, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई खुद वेपन रखो, खुद संभालो, आके खा गया कोई रीच वीच तो हमारा मसला नहीं है, वो अब अपना देख लो खुद ही। तो मतलब वहाँ ऐसे मामला होते हैं कि गन तकिए के नीचे रख के सोनी पड़ती है, या सीने पे सम टाइम गन रख के सोनी पड़ती है, क्योंकि रीच वीच होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, वो कभी खिड़की वड़की तोड़ ताड़ के अंदर आ जाते हैं। जब भूखा होगा ना, उसको दिख रहा होगा सामने खाना पड़ा हुआ है तो वो तोड़ ताड़ के अंदर आ जाता है। तो इतना मौका नहीं मिलता आपको कि जो है ना आप कहीं ढूंढो ढूंढो, तो आपको तकिए के नीचे से निकालना होता है यूँ। सम टाइम ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं टैक्सेस के अंदर कि जो है ना रीच आ गया अंदर, और आ के ना यूँ सोए हुए बंदे के ऊपर आ गया, यूँ दोनों पैर उसके सीने पर रख दिया उसने आगे, और उसने भाई यूँ तकिए के नीचे से निकाल के उसको मारा है। और मारने के बाद वो इतना भारी था उसके नीचे, वो दबा रहा है पूरी रात। अगले दिन सुबह आके बंदों ने उसको खींच के बाहर निकाला है, वो इतना भारी रीछ था ना उसके ऊपर ही गिर गया, वो मर गए। ऐसे वाकयात होते हैं वहाँ पे। तो ज़रा वो फिर और लोग हैं, जंगलों में वाले लोग हैं वो, तो वो उनका ज़रा अपना एक स्टाइल है। एक है बच्चे न्यूयॉर्क के, वो कैप पे वो NY लिखी हुई कैप पहनते हैं, टी शर्ट और स्केटबोर्ड पे शू निकलते हैं वो, ज़रा फिर अलग है, बड़ा डिफरेंस है। हर 5 किलोमीटर पे ना जुबान चेंज हो जाती है, पता है आपको? हर 5 किलोमीटर पे जुबान, जो कपड़े और जो क्या बोलते हैं रिवाज वगैरह, जो ना क्या उसको बोलते हैं, सकाफत, सकाफत ये चेंज हो जाती है हर 5 किलोमीटर पे लिटरली। यानी इवन कराची में रहने वाला बंदा ना बंदे पहचान जाते हैं, अरे ये तो करंगी का है अभी वो बेचारी है, कौन लड़की है, बड़ी स्टाइल स्टाइल मार रही होती है यार वो। नहीं, वो अच्छा वो भी करंगी के हैं। अच्छा नहीं यार, एक और बंदी है नहीं यार, वो लड़की तो अच्छी है लेकिन है कि नहीं है? नहीं, यार वो एक पता नहीं सॉफ्टवेयर हाउस है कोई, वो एक अंकल सा है, वो पहले पता नहीं दाढ़ी वाड़ी रखी हुई थी, अंकल बना हुआ था वो, मलंग बना हुआ था। अब वो ज़रा पप्पू बच्चा हो गया, उसने सारा क्लीन शेव हो गया अभी वो, और साथ में उसकी एक उसकी वाइफ है असल में तो वो, हाँ दंकश। नहीं, यार अभी वो बीच में अली मुगल के पास भी आए हुए थे वो लोग, ज़रा वो क्यूबेक्स, यस क्या नाम है उसका, उसका नाम है वो सलमान लखानी। सलमान लखानी जो है ना, उसकी जो वाइफ है अभी, वो कितनी फैंसी बंदी है यार। अच्छा मैंने तो उसको कभी बोलते बोलते भी नहीं सुना, मैंने फोटो वोटो में ही देखा है यहाँ पे। अपने किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ था, मैं कह रहा था यार बंदा तो ये सही है। अब वो मॉडल वॉडल कुछ है पता नहीं, टिकटॉकर है वो लड़की है। हाँ नहीं तो मैंने बोला यार ये बंदा सही है यार, उसको इतनी फैंसी बंदी मिली है, उसको भी सीधा कर दिया इसने, वरना पहले मलंग था भाई वो पूरा, ये बड़े बड़े बाल है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, पता नहीं फकीरों वाला हुलिया था उसका पूरा। मैंने कहा यार इस बंदे को भी इसने सेट कर दिया है, और खुद भी सेट है, अभी रोज़ वो टिकटॉके बना रहा होता है उसके साथ इमार में रहते हैं वो, इमार में फोटो डाल रहे होते हैं रोज़। मैंने कहा भाई फुल इसकी ज़िंदगी में रोमांस भर गया है इसकी आने की वजह से। तो भाई वो सामने से लड़का कह रहा है अबे चल वे कोरंगी की यही है अबे अबे मैंने कहा कोरंगी की तो क्या हुआ, कह रहा इसको आपने बोलते हुए नहीं सुना ना अभी, ये दांत इसके ना गुटके वाले अबे मैंने कहा यार, कह रहा है अच्छा मैंने वाकई कभी नहीं देखा, ना बोलते हुए सुना है ना कभी देखा है मैंने, क्यों? अच्छा भाई बंदा मेरे को दोस्त कह रहा है भाई वो तो कोरंगी की है। तो वेल मेरा पॉइंट ये है कि इवन हम पाकिस्तान के अंदर भी रहते हुए भी ना, हम अगर दो चार लोग होते हैं ना तो हम बता देते हैं कि यार ये 10 नंबर वाला है, ये कोरंगी वाला है, ये न्यू कराची वाला है, ये लियारी वाला है ना, और डिफेंस वाला भी पता लग ही जाता है। तो
तो ये कितना बड़ा यार कराची, 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा का तो नहीं है। अब इसमें देखो चार पांच अलग अलग कल्चर हैं, चार पांच अलग अलग ज़ुबानें हैं। बाकायदा कोरंगी के अंदर जो ज़ुबान बोली जाती है ना, वो है तो उर्दू, लेकिन वो एक उर्दू का एक वेरियंट है एक्चुअली। सही है ना? तो क्योंकि मेरे भी एक दो दोस्त हैं वहाँ के, तो वो शुरू शुरू में जब मेरी उनसे दोस्ती हुई, मुझे उनकी बात समझ नहीं आती थी। अब वो मैं वर्ड नेम यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे, वो क्या बोलते हैं, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आता था। मैंने कहा यार ये क्या बोलते हो तुम? उसने कहा अच्छा मैं ये बोलता हूँ। तो तो भाई इंग्लिश भी बड़ी कॉम्प्लेक्स ज़ुबान है। NLU करना ना इंग्लिश में कोई, इट वॉज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट वॉज़ नॉट एन ईजी टास्क। मिसाल के तौर पर इंग्लिश के अंदर अगर बंदा बोल रहा है टू, या बोल रहा है TOO, या बोल रहा है TO2, अब ये तीन टू हैं, तीनों के मतलब अलग हैं, तो इट वॉज़ नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, उर्दू में तो शायद फिर भी आसान था। नहीं, इसको कहते हैं ये वर्ल्ड लेवल कॉन्फिडेंस, इसको ये कहते हैं वर्ल्ड लेवल कॉन्फिडेंस, कि अगर एक वर्ड बंदे ने बोला है वो वर्ड क्या है। ठीक है, वो टू है, TOO है, या TO2 है, या टू नुमेरिक वाला TWO2 है, तो इन तीनों टू में से कौन सा है, तो उसको कहते हैं ये वर्ल्ड लेवल कॉन्फिडेंस। तो ये बोलते तो हैं कि इंग्लिश में हमें वर्ल्ड लेवल कॉन्फिडेंस है, लेकिन असल में है नहीं, क्योंकि सिंगल वर्ड में अब उसको नहीं पता लगता कि ये क्या बात बोली है बंदा ने। अच्छा खैर, तो हमने यार इससे ना पर्सन ले लिया। ये पर्सन बाय द वे मुझे सबसे फर्स्ट पे लेना चाहिए था कि अच्छा एजेंट रिस्पॉन्स में मैं इससे बोल देता हूँ इनिशियल प्रॉम्प्ट में कि व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, प्लीज़ टेल मी, हाँ उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्लीज़ टेल मी योर नेम, कैन आई हैव योर गुड नेम। इतनी फैंसी बंदी है, मतलब भुलाई नहीं भूलती है। उड़ गया ना। असल में करना पड़ता है यार क्लास को जगाने के लिए कुछ ना कुछ ना। अच्छा, कैन आई हैव योर गुड नेम, और कैसे पूछ सकता हूँ, बस काफी है आई थिंक, इतने तीन वेरिएशन दे दिए मैंने इस क्वेश्चन के, काफी है। अच्छा तो यार मैं इस पर नेम वाले पैरामीटर को ना मैं शायद सबसे फर्स्ट पे कर देता हूँ, नेम वाले पैरामीटर को मैंने फर्स्ट पे कर दिया। ठीक है, और जो नेम, अच्छा इसको हाई बोलते हैं, ज़रा नेम में क्या मिलता है देखते हैं। नेम में जिस हिसाब से मिलेगा ना, उस हिसाब से हम क्या कर देंगे। मैंने कहा कि यार बुक रूम, और कैन आई हैव योर गुड नेम, मैंने कहा कि भाई आई एम जॉन। हाँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों मुझे चाहिए एक्चुअली ना। एंड्रयू क्लार्क, सही है, CLARK, सही है, क्लार्क। मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों लिखा है ना। अच्छा, ओरिजिनल करके ये मुझे दे रहा है। ठीक है, तो ये मुझे गेस्ट करके दे रहा है, ये गेस्ट नेम में मुझे ओरिजिनल करके दे रहा है, सही है। अच्छा, इसको मैं बोलता हूँ नो आई एम जॉन, तो इसको क्या चेंज कर देगा ये? V2 में तो कर देता था। ओ एक्चुअली वो पैरामीटर तो ख़त्म हो गया। नहीं, अगर मैं इसको फिर भी बोलूँ आई एम जॉन तो नहीं चेंज किया इसने। हाँ नहीं, वो नहीं पकड़ेगा क्योंकि वो पैरामीटर ही कलेक्ट हो गया ना, अब तो आगे बढ़ गया उससे वो, लेकिन V2 में ही हो जाता था। V2 में बोले ना नो आई एम कुछ और, वो पकड़ लेते। असल में उसमें होता ये था कि वो इंटेंट ही सब कुछ होता था, इसमें तो इंटेंट एक छोटा पार्ट कर दिया उन्होंने, इंटेंट को अलग कर दिया। हाँ अच्छा, तो मैं अब मुझे जो अगला है ना, जो नंबर ऑफ गेस्ट है, जो उसमें ये मैंने पूछना है कि यार एंड्रयू हाउ मेनी गेस्ट आर यू, मैंने इसका नाम लेके उससे अब अगली बात करनी है ना। हाँ, तो मैं अब इसमें जो नंबर ऑफ गेस्ट में आऊँगा मैं, और मैं बोलूँगा कि डॉट ओरिजिनल, मैं इसके इनिशियल प्रॉम्प्ट में आके ना मैं बोलूँगा कि यार डॉलर, और मैं बोलूँगा गेस्ट नेम डॉट ओरिजिनल। अच्छा नहीं, गेस्ट नेम सिर्फ नहीं होगा। हाँ ये तो पहले मुझे सेशन डॉट भी लगाना पड़ेगा। अबे ये क्यों नहीं सजेशन दे रहा मुझे, डॉलर लगाते ही इसको आ जाना चाहिए। देता है यार, देना चाहिए इसको यार।
अच्छा नहीं वो एक्चुअली इसमें नहीं देता, हाँ वो कंडीशन में दे रहा होता है। नहीं वो कम से कम उतना ही तो दे चार। अभी मैं इसमें क्या क्या लिखना था, सेशन डॉट पैराम्स डॉट गेस्ट नेम ना, डॉट गेस्ट नेम डॉट ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। और यही मुझे तीनों में लगा देता हूँ मैं कहीं ना कहीं, सही है तीनों में क्या मुझे लगाना चाहिए, हाँ तीनों में लगा देता हूँ मैं। एंड्रयू क्लार्क हाउ मैनी गेस्ट आर यू, एंड्रयू क्लार्क इस एक तो इससे देखो एक्नॉलेजमेंट भी हो रही है ना कि भाई उसने पहले नाम बताया था, अब मुझे नाम पता लग गया, हाँ बंदे ने बोला ना कैन आई हैव योर नेम, तो उसने बोला भाई एंड्रयू क्लार्क, तो मैंने बोला भाई एंड्रयू क्लार्क रूम फॉर हाउ मैनी, सही है। या इसको मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ, श्योर एंड्रयू क्लार्क रूम फॉर हाउ मैनी, इस तरह भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा अच्छा सेकंड वाले को भी थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं, एंड्रयू क्लार्क हाउ मैनी गेस्ट आर यू, सही है ये बिल्कुल। अच्छा सेव, अच्छा ये मैं वापस आ गया इधर, अच्छा अभी मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, हाय बोलता हूँ, बुक रूम बोलता हूँ, मैं एक जुमले में भी सारा निपटाऊंगा लेकिन वो हम करते हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता। एंड्रयू क्लार्क, माय नेम इज एंड्रयू क्लार्क, अबे ये क्या बकवास है, सेशन डॉट पर आराम नहीं होता भाई, कुछ और होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना आगे पैराम्स 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 पैराम्स, पैरामीटर्स, वो स्पेलिंग में शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। इंटेंट डॉट पैराम्स डॉट पैरामीटर आई डी डॉट ओरिजिनल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे ये मिल तो जाए ना, डिस्प्ले नेम पेज डॉट फ्रॉम पैरामीटर डिस्प्ले नेम, अच्छा मुझे पेज डॉट पैराम करके भी तो मिलेगा ना, ये मुझे सेशन डॉट मिलता है तो क्या हुआ, पेज पे भी तो मैं खड़ा हूँ, इस पेज का भी तो ये एक्चुअली पैरामीटर ही है। पी ए आर ए एम एस, अच्छा गेस्ट, यहाँ पे इसने स्मॉल लिया हुआ है, और मैंने क्या लिया, मैंने कैपिटल लिया हुआ है, मैंने कैपिटल लिया हुआ है, मैंने कैपिटल लिया हुआ है, सही है, यही मसला है, यही मसला है, यही मसला है। ये गेस्ट नेम ना ये एक्चुअली कैमल केस में मैंने रखा है, तो ये कैमल केस में ही होगा। यार यहाँ इसको कैमल केस में दिखाना चाहिए था ना, पता नहीं ये स्मॉल क्यों दिखाया इसने, और अबे भाई नहीं पकड़ रहा ये तो। नेम इसने पकड़ने से इनकार कर दिया, हालांकि ये पेज पैरामीटर
अच्छा पेज पैरामीटर है ये ऊपर जो दिख रहा है ना मुझे, एक्चुअली ये पेज पैरामीटर्स हैं। देखो पेज है, पेज का नाम और पेज के पैरामीटर्स, तो ये पेज पैरामीटर लिख लेता हूँ फिलहाल मैं, आई थिंक ठीक है, टू कीप इट सिंपल मैं इसको पेज पैरामीटर्स लिख लेता हूँ। हाँ ये पेज डॉट पैराम्स डॉट पैरामीटर डॉट स्टेटस, और बस इसी तरह है, इसी तरह है। नहीं भाई इसने तो सीधा मना किया हुआ है। GUEST गेस्ट नेम, चलो मैं स्मॉल करके देख लेता हूँ नेम को फिलहाल। आई एम नॉट श्योर कि वो कैमल केस पता नहीं सपोर्टेड ही ना हो इस वाले में, क्या नहीं लिखेंगे? अच्छा ओरिजिनल हटा देता हूँ मैं, ये लो। नहीं वो तो क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना वो, तो वरना ऑब्जेक्ट पूरा प्रिंट कर देगा। अच्छा वो हटाने से भी नहीं हुआ। हाँ स्पेस, अरे यार स्पेस कहाँ से आ गया ये, अभी तो नहीं था ये स्पेस। नहीं नहीं ऐसे भी चेंज आ रहा है इसमें, रीसेट किए बगैर भी चेंज आ रहा है। असल में तो मैंने कैमल केस लिखा तो होगा तो कैमल केस ही यहाँ पे। ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने, अरे आ गया सेशन करके आ गया, पेज करके नहीं आ गया, ये क्या चक्कर है यार। सेशन करके आ रहा है और हमें वो भी देना पड़ रहा है डॉट, वो भी नहीं देना पड़ रहा है डॉट ओरिजिनल। अच्छा अगर मैं डॉट ओरिजिनल यहाँ पे लगा दूँ तो, नहीं वो तो हिट एंड ट्राई था ना, अभी ज़रा कंफर्म भी तो कर लेना हम इसको। नहीं भाई डॉट ओरिजिनल नहीं लगा सकते यार, ये तो मेरे लिए एक नई बात है कि ये ऑब्जेक्ट पकड़ रहा है और वो बगैर उसके वो लेके आ रहा है। माई नेम इज सैम। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखते चलो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब हम स्टार्ट, यहाँ पे जब स्टार्ट कर रहे होते हैं ना हम इसकी टेस्टिंग को, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ स्टार्ट पेज लिखा हुआ रहा था, मैं स्टार्ट पेज पे नहीं जाना चाह रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कलेक्ट बुकिंग पे भी जा सकता हूँ ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ माई नेम इज सैम, तो बस श्योर सैम रूम फॉर हाउ मैनी। अब मैं जो पेज चेक कर रहा हूँ मैं बार बार शुरू से तो नहीं आना चाहूँगा ना, तो मैं बार बार शुरू से नहीं आता, मैं यहाँ से आ जाता हूँ। अच्छा भाई अब ये तीसरा पैरामीटर रह गया मेरा लास्ट रूम, बल्कि नहीं सही है तीन पैरामीटर हो गए ना, तीसरा कहाँ रह गया। अब तीन पैरामीटर मैंने पूरे कर लिए अपने, सही है ये तीनों पैरामीटर हो गए। अच्छा अब ये तीनों पैरामीटर होने के बाद, ये तीनों पैरामीटर होने के बाद अब मैंने काम क्या करना है, अब मैंने काम ये करना है कि राउट लगाना है यहाँ पर। राउट मैंने ऐड करना है, उसका नाम क्या होगा उस राउट का, के बुकिंग कंफर्मेशन, सही है बुकिंग कंफर्मेशन मैंने कर दिया। और इसके लिए मैंने एक इंटेंट बना दिया, मैंने कहा कंफर्मेशन डॉट यस, सही है न्यू इंटेंट कंफर्मेशन डॉट यस,
और इसमें ट्रेनिंग फ्रेजेस में मैं कह देता हूँ कि यार श्योर, डन, यस, ओके ओके, या सही, ये सारे मैंने कुछ ओके यस के लिख दिए हैं सारे मामला। हाँ नहीं, कंप्लीटेड तो डिफरेंट चीज़ है, कन्फर्मेशन डॉट यस बना दिया मैंने, ये सही है। तो मैंने कहा भाई इंटेंट अगर यस बोलता है बंदा तो आप सॉरी, ये मैंने क्या किया, ये मैंने राउट तो बनाया लेकिन ये इंटेंट से तो हिट नहीं होगा एक्चुअली, ये मैंने गलत किया, इंटेंट से हिट नहीं होगा ये। ओ इंटेंट से हिट, चलो इंटेंट बन गया है वो ठीक है, इंटेंट से हिट नहीं होगा। अरे हाँ ये भी तो हमें करना है, हाँ 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 ये तो हमें करना है अभी फ़िलहाल, सही है सही है। इसमें इंटेंट यस आएगा, कन्फर्मेशन डॉट यस तो आएगा इसके अंदर, सही कर रहा था मैं, कन्फ्यूज़ हो गया था। अच्छा इसका जो इनिशियल प्रॉम्प्ट होगा, अब हमारे पास इसका जो इनिशियल प्रॉम्प्ट होगा हमारे पास अच्छा वो किधर, हम कंडीशन जो हम लगाते थे वो किधर लगाते थे, हाँ ये एंट्री फुलफिलमेंट जहाँ पे आ रहा है ना यहाँ पे हमें शायद लगाना होता है ना वो एजेंट रिस्पॉन्स, अबे नहीं वो कंडीशन वाला कहाँ चला गया, वो जो हम लगाते थे इसमें अच्छा वो राउट में ही शायद लगाते थे, वो राउट में ही लगाते थे कि ये राउट किस तरह से हिट हो जाए, अ कंडीशनल ट्रिगर डिटरमाइंस हाउ राउट विल अकर, अच्छा सही है ना। तो इंटेंट से इसको मैं हिट नहीं करूँगा, यहाँ इंटेंट नहीं लगेगा एक्चुअली, इंटेंट लगेगा इसके अगले पेज के ऊपर, ये सही तो मैं कर रहा था, तुमने बोला नहीं सही कर रहे हैं सर आप, इस इंटेंट से नहीं हिट होगा ये होगा कंडीशन से हिट होगा सही है ये बुकिंग कन्फर्मेशन, अच्छा इसका यस भी नहीं होगा, कन्फर्मेशन डॉट यस भी नहीं होगा, ये एक राउट है जिससे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, कन्फर्मेशन पेज भी लेके जा रहा हूँ, तो इसका नाम एक्चुअली क्या होगा, कन्फर्मेशन पेज इसका नाम होगा, हाँ कन्फर्मेशन पेज इसका नाम होगा एक्चुअली ना, कन्फर्मेशन पेज पे इसको मैं लेके जा रहा हूँ। अबे भैया क्या चक्कर है, ये क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द इंटेंट कंडीशन राउट, अच्छा वो कह रहा है कि यार कम से कम या तो एक इंटेंट बता दो या तो मुझे नीचे कंडीशन बता दो कि क्या करूँ मैं, तो कंडीशन पे मैं क्या लिखूँगा कि भाई पेज पे आराम्स जो हैं वो क्या हो जाएं, इक्वल्स टू डॉट क्या था, स्टेटस, यार इसमें ये सजेशन में तो ये तीन ही आ रहे हैं, डॉट स्टेटस इक्वल्स टू डॉट स्टेटस इक्वल्स टू फाइनल, बस उन्होंने डॉक्यूमेंट में बताया हुआ कि यार इस तरह से ही है, दैट्स इट अब ये सेव हो गया। अच्छा इस राउट का कलर देखो थोड़ा डिफरेंट है, ये कलर डिफरेंट होने का रीज़न यही है, देखो यहाँ पे जो राउट थे इनका कलर क्या था, डिफरेंट था, ये इंटेंट से हिट होने वाले राउट हैं, और ये जो दूसरा, ये दूसरे तरह का राउट जो आया ना, ठीक है ये दूसरे तरह का, अबे क्या कर रहा हूँ मैं, ये इसका ये बटन दबाने से भाई दबे इसका रीसेट हो जाता है ये, और प्लस करके थोड़ा इसको मैं यहाँ भी ला सकता हूँ। अच्छा ये एक दूसरे तरह का राउट है, अब देखो ये मैं एक पेज पे खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, ये बात यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो हम पेज पे खड़े हैं ना इस वक्त, जैसे ही ये इस पेज पे एंटर होगा तो ये पैरामीटर्स कलेक्ट करना शुरू कर देगा, पैरामीटर्स कलेक्ट करना शुरू कर देगा ये, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ राउट्स मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर एक राउट मैंने लिख दिया यहाँ पर कि आई वॉन्ट आइसक्रीम, मिसाल के तौर पर सही है, तो अब ये इस पेज पर दाखिल हुआ था, इसने एंट्री होते ही बोला कि नाउ आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस टू कंप्लीट योर बुकिंग, फिर उसने बोला कि यार कैन आई हैव योर गुड नेम, अब कैन आई हैव योर गुड नेम बोला इसने, मैंने कहा भाई माय नेम इज़ मलिक, इसको पता लग गया, अब ये दूसरा सवाल पूछेगा नंबर ऑफ गेस्ट, केयर हाउ मेनी गेस्ट यू आर, अब इसका जवाब जो है ना मैं नहीं देता हूँ, कुछ और एक्स वाई जेड कुछ भी लिखता हूँ, वो दोबारा पूछेगा मुझसे कि हाउ मेनी गेस्ट यू आर, अब मैं उसको बोलता हूँ कि यार आई वॉन्ट आइसक्रीम इसी पॉइंट पर, तो अगर मेरे पास इस पेज के ऊपर कोई ऐसा राउट है
जो आई वॉन्ट आइसक्रीम से ट्रिगर होता है तो ये पेज मूव कर जाएगा उधर, सही है। अच्छा, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई राउट नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस पेज से इधर उधर जाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, इस पेज से इधर उधर जाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर, सही है। मे भी यहाँ पे मैं एक राउट बना सकता हूँ कि यार गो बैक टू मेन मेन्यू, मैं ये राउट बना सकता हूँ, ठीक है। तो सवाल जवाब के दरमियान में किसी जगह पे अगर बंदे ने बोला कि गो टू मेन मेन्यू, तो मैं उससे उसको दोबारा स्टार्ट पेज पे भिजवा दूँ, और स्टार्ट पेज पे ना सिर्फ भिजवा दूँ बल्कि मैं सारे उसके पैरामीटर भी जीरो करवा के भिजवा दूँ, ठीक है, गो टू मेन मेन्यू करके। तो इस तरह से अब देखो, मैं जिस पेज पर आया हूँ इस पेज के ऊपर राउट्स हो सकते हैं। एक राउट कौन सा हो सकता है कि जी जो जो ऑटो हिट हो जाए, जब ये सारे पैरामीटर कलेक्ट हो जाएँ तो ऑटो हिट हो जाए। एक राउट वो हो सकता है कि मैं सवाल जवाब के दरमियान कोई ऐसी बात कर दूं कि वो हिट हो जाए, तो वो पेज से मूव कर जाएगा, पेज से मुझे घुमा के ले जाएगा। हाँ भाई, इन सब का फॉलबैक मतलब नहीं, तो वो तो रीप्रॉम्प्ट है ना, नहीं नहीं यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे जो इनिशियल प्रॉम्प्ट अलग आ रहा है और यहाँ पे जो है ना रीप्रॉम्प्ट इवेंट हैंडलर अलग आ रहा है, जिसको हमने अभी डिस्कस नहीं किया, इस वाले को डिस्कस आप अलग से देख सकते हैं, लेकिन अभी हमने डिस्कस नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट मेरा ये था कि मैं जिस पेज पे खड़ा हुआ ना, इस पेज पे खड़े हुए मैं क्या कर सकता हूँ, इस पेज पे खड़े खड़े मैं कुछ इधर उधर भी मूव करवा सकता हूँ इसको अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि यार ये राउट अकर हो जाएगा। अच्छा, ये राउट कब अकर होगा, जब सारे पैरामीटर कलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये पेज करेगा क्या, ये पेज मूव करा देगा आपको कहाँ पे, एक दूसरे पेज पे मूव करवा देगा जो कि हमारा कन्फर्मेशन पेज हो सकता है, ठीक है। कन्फर्मेशन पेज अभी बना हुआ नहीं है, तो मैं इसको न्यू पेज बोलता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि भाई बुकिंग कन्फर्मेशन पेज, सही है, बुकिंग कन्फर्मेशन पेज मैंने कह दिया, और इसको मैं जैसे ही सेव करवाऊँगा तो ये नीचे एक राउट बना हुआ, वो नीचे एक राउट ये बना हुआ आ गया, बुकिंग कन्फर्मेशन पेज, सही है। और ये ऑटो हिट होगा ये तीनों पैरामीटर के कलेक्ट होने पे। अच्छा, अब बुकिंग कन्फर्मेशन पेज के ऊपर जाके मैं क्या बोलता हूँ, इनिशियल जो प्रॉम्प्ट है इसका, इनिशियल फुलफिलमेंट जो है, मतलब जैसे ही एंटर होगा तो इनिशियली जो भी ये बात बोलेगा उसके अंदर मैं क्या बोल देता हूँ, एजेंट सेज करके ये मैं बात बोल देता हूँ इसको कि यार आर यू श्योर टू बुक, ठीक है, डॉलर सेशन डॉट पैराम्स डॉट, क्या नाम रखा था मैंने इसका, क्या मैंने नाम रखा था इसका, वो पता कैसे लगेगा, चलो यहाँ एजेंट में टेस्ट मार लेते हैं ना, सही है, क्योंकि मैं उधर क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म बंद हो जाएगा, ठीक है। गेस्ट नेम, अच्छा ये गेस्ट नेम कैसे चला था, कैमल केस में चला था बगैर कैमल केस के, कैमल केस में चला था ना, तो यहाँ भी कैमल केस में लिखना पड़ेगा। आर यू श्योर टू बुक पैराम्स डॉट गेस्ट नेम, हाँ मैं यही इसको शुरू में गेस्ट नेम लिखूंगा, डियर मलिक आर यू श्योर टू बुक। अब अगली बात क्या थी जी, कि मैंने कहा टू नंबर ऑफ गेस्ट, बुक रूम, बुक रूम फॉर नंबर ऑफ गेस्ट्स, नंबर ऑफ गेस्ट बुक डैश रूम ना, बुक वीआईपी रूम एक्चुअली, ठीक है, बुक पैराम्स डॉट, और मैंने कहा कि यार वीआईपी रूम, सही है, वीआईपी रूम, रूम टाइप, सही है। तो कुछ इस तरह का मैंने यहाँ पे जवाब लिख दिया, मैंने कहा कि भाई डियर मलिक आर यू श्योर टू बुक, हाँ कैमल केस कर देते हैं अभी इसको, आर यू श्योर टू बुक वीआईपी रूम फॉर टू
पर्सन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और नहीं एक मिनट मैं उसको अभी चेक करना चाह रहा हूँ, कुछ इसको मैं रीसेट मार दूँ, बगैर कैमल केस के भी ये शायद चल जाएगा क्योंकि ये उसको कैमल केस नहीं समझ रहा है इसको। ये बुकिंग कंफर्मेशन पे जाता हूँ मैं, कहता हूँ भाई माय नेम इज सैम है, नहीं अभी यहाँ तक आ तो जाए पहले ये, सॉरी हाँ कलेक्ट डिटेल वाले पे था ना, माय नेम इज सैम, अब यहाँ से ज़रा आगे जाए ना, सैम हाउ मेनी पीपल वांट टू बुक टू, और मैंने कहा कि यार वीआईपी, अब ये वीआईपी पे ये इनिशियल प्रॉम्प्ट अगर मुझे दे दे, ठीक है इनिशियल प्रॉम्प्ट अगर मुझे ये दे दे, ठीक है भाई पकड़ में आ रहा है, डियर सैम आर यू श्योर टू बुक बिजनेस रूम फॉर टू पर्सन, तो इसमें अभी हमें पता क्या चला कि इसमें कैमल केस वेस का कोई चक्कर नहीं है, ये केस सेंसिटिव है ही नहीं, हालांकि ये गलत है, केस सेंसिटिव होना चाहिए था, आई एम नॉट श्योर इन्होंने क्यों ख़त्म कर दिया केस सेंसिटिविटी, वी टू में तो केस सेंसिटिव होता था भाई ये, अगर आगे पीछे हो जाए ना, अगर स्मॉल कैपिटल हो जाए तो मसला करता था, लेकिन इसमें ये स्मॉल कैपिटल है उन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा तो ये इनिशियल प्रॉम्प्ट तो जी मेरे बच्चे यहाँ पे इसने ना दे दिया, इसने ना बुकिंग कन्फर्मेशन पेज पर इनिशियल प्रॉम्प्ट यहाँ पर आ गया, अब इस इनिशियल प्रॉम्प्ट के ऊपर मुझे दो राउट्स चाहिए, ठीक है, नंबर एक राउट मुझे चाहिए जो यस बोले और वो, हाँ यस बोले और वो उसको उड़ा के मैं सबको ले जाऊँ सर्वर पे, यस बोलने पे, सही है, अभी तक मैंने उसको सर्वर पे नहीं भेजा है, अब सर्वर पे भेजने का अब टाइम आ चुका है, ठीक है हमारे पास टाइम भी ज़रा ओवर हो गया, अब मैं एक राउट बना देता हूँ इस पर, हैं इतने सब लोग बना चुके हैं, नहीं ज़रा हमने मज़ीद डिटेल्स भी कवर कर ली ना, कुछ चीज़ें हमने नई भी एक्सप्लोर कर ली हैं, देखो असल में जब भी मैं कहता हूँ कि जब तुम घर से पढ़ के आओगे ना जो टॉपिक है, तो यहाँ पे आके हम ज़रा उसके आगे की चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब सब लोग बैठे हुए होते हैं ना ज़रा डिस्कशन होती है, फिर सब लोगों का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, तो ज़रा हेल्दी डिस्कशन होती है, मैं भी बड़ा कुछ सीखता हूँ यहाँ बैठ के, ठीक है अगर आप पहले से घर से पढ़ के आए हो तो, क्योंकि जाहिर है जब आप घर से पढ़ के आए होते हैं तो आप सवालात करते हैं कि यार ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ये चीज़ समझ नहीं आई, तो फिर मैं वो बताता हूँ, समटाइम वो मुझे भी नहीं पता होता, तो फिर मैं भी देखता हूँ है ना, तो मैं भी बड़ा कुछ सीखता हूँ, तो ये एक हेल्दी डिस्कशन होती है अगर आप पहले से पढ़ कर आएँ चीज़ों को ना। अच्छा मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे एक अदद राउट आप बना दो कि यार कन्फर्मेशन यस, सही है, और इसमें इंटेंट लगा दो कन्फर्मेशन डॉट यस जो हमने बनाया हुआ था, सही है, कंडीशन के ज़रिए हिट नहीं होगा ये, इंटेंट के ज़रिए हिट होगा ये, और मैंने कहा कि भाई यस बोलने पर ना ये देखो अभी ये इंटेंट से हिट होने वाला है ना, देखो कलर इसका अलग है, है ब्लू कलर है, अच्छा ये हो गया, अब इस पर मैंने क्या करना है, इस पर मैंने इसको भेज देना है वेबहुक के ऊपर, सही है वेबहुक सेटिंग, कि ये एजेंट से जो है ना, एजेंट से के ऊपर मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये इनेबल वेबहुक, अच्छा इनेबल वेबहुक जैसे ही मैंने किया ना तो इसने पूछा भाई कौन सा वेबहुक, अब इसमें वेबहुक भी क्या है, मल्टीपल है वेबहुक हमारे पास, क्या है इसके अंदर मल्टीपल वेबहुक है, अच्छा अब ये मल्टीपल वेबहुक का जो चक्कर है ना, कि वेबहुक मैं एक्चुअली बनाता कहाँ से हूँ, इसको सेव करता हूँ मैं अभी फ़िलहाल, इसको मैं वेबहुक को ना एक्चुअली यहाँ पे आके बना रहा होता हूँ, ये देख रहे हो इधर, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू वेबहुक, तो मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ, मैं वहीं से भी कर दूँ तो भी हो जाएगा वो, मैंने कहा कन्फर्मेशन डॉट यस पे वापस जाओ, और यहाँ पे मैंने कहा भाई इसको वेबहुक पे भेजना है हमने, वेबहुक पे भेजना है, और मैंने कहा भाई इनेबल वेबहुक, और इस मैंने कहा एक नया वेबहुक क्रिएट करो, एक नया वेबहुक क्रिएट करने पे मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि यार माई सर्वर वेबहुक, ठीक है वेबहुक टाइम आउट 5 seconds, ठीक है नंबर ऑफ सेकंड्स, कि कितनी देर तक जवाब ना आए ना तो आप समझ लेना कि जवाब नहीं आता, सही है, अच्छा टाइप क्या होगा जी, कि जेनेरिक वेब सर्विस है ये एक, ठीक है एक सिंपल सी एक एक समझ लो एक API है, REST API, और यहाँ पे उसका URL मुझे लगाना है, अब यहाँ पे URL लगाने के लिए ना मेरे पास जो एग्जिस्टिंग सर्वर यहाँ पे एक था बना हुआ, उसको मैं क्या कर देता हूँ, मेरे पास एक एग्जिस्टिंग सर्वर ये CRUD वाला जो बना हुआ है ना, MongoDB CRUD Vector सर्च पता नहीं ये बना हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, सही है ये एक सर्वर है मेरा,
नहीं यहाँ से भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको हम, सही है। और मैंने यहाँ पे आके बोल दिया कि यार ऐप डॉट पोस्ट वेबहुक, अरे भाई हट जा, एक नाम है जस्ट, वेबहुक असल में ये होता है कि हम ना किसी चीज़ को हुक कर देते हैं कि ये एक फंक्शन बना हुआ है, जब कोई इसको हिट करेगा कहीं से करेगा, जब कुछ काम होगा तो कहीं से कोई इसको हिट करेगा तो मुझे बताएगा कि यार ये काम हो रहा है। तो ये वेबहुक जस्ट एक मेरा समझ लो एक सर्वर है, जो जब फुलफिलमेंट सारे वो पैरामीटर कलेक्ट कर लेगा ना तो वो यहाँ भेजेगा। अब यहाँ पर मुझे वो सारे पैरामीटर मिलेंगे। अभी आज की डेट में हम क्या करते हैं, जस्ट उस पैरामीटर को यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेते हैं कि जो वो पैरामीटर आ जाए और यहाँ पर प्रिंट हो जाए, फिर उसको डेटाबेस में सेव करवाना, यू नो कि कैसे डेटाबेस में सेव होता है, और उससे फिर रिस्पांस जनरेट करना है कि वापस रिस्पांस भेजना, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने ये स्लैश वेबहुक लगा दिया और स्लैश वेबहुक के ऊपर मैं, अच्छा बॉडी पार्सर लगा हुआ है ना इसके ऊपर, बॉडी पार्सर कहाँ लगा हुआ है, नहीं बॉडी पार्सर तो मुझे लगाना पड़ेगा, अच्छा नहीं ये लगा भाई, ये बॉडी पार्सर लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि यार यहाँ पे कि कॉन्सोल क्या कर दो, डॉट बॉडी, सही है, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसको मैंने कॉन्सोल करवा दिया है यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी ना वो इधर कॉन्सोल पे मुझे शो हो जाएगी। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ। मैंने कहा 05 और CD 7, ठीक है ये 7 वाले के अंदर आ गया मैं। एक्चुअली इसके लिए मैं एक अलग सर्वर बनाऊँगा, इसमें इस पर नहीं करूँगा काम, बट जस्ट अभी मैंने एक API बनानी है ना और कुछ काम नहीं करवा रहा मैं एक्चुअली इसमें। NPM रन डेफ में कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा सर्वर किस पे चल गया, 5001 पे चल गया। अच्छा अब ये 5001 पे जो चल गया है मेरा सर्वर, तो ये तो इंटरनेट के पर तो एक्सेसिबल नहीं है, ये डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक टूल है छोटा सा, दैट इज़ कॉल्ड ngrok, सही है। तो ngrok से हम क्या कर लेते हैं, ngrok स्पेस http स्पेस 5001 एंटर, तो ये मुझे एक ऐसा URL बना के दे देगा जिस पे अगर कोई रिक्वेस्ट हिट करेगा ना तो मेरे लोकल होस्ट पे आ जाती है वो। ठीक है, टेम्प्रोरी चीज़ है ये, कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, टेम्प्रोरी इसको इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। VS कोड से हो जाता है ये, मेरे पास ना ये URL आ गया देखो, डायरेक्ट लोकल होस्ट हिट करेगा ये, जब इस URL पे कोई रिक्वेस्ट करेगा ना, मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं कोई URL हिट करता हूँ इधर से ऐसे करके यूँ, और स्लैश वेबहुक, अच्छा वेबहुक तो अभी मेरी पोस्ट की रिक्वेस्ट है, लेकिन जब मैं हिट करूँगा ना तो रिक्वेस्ट मेरे सर्वर पे पहुँचेगी, ये नॉट फाउंड बोला ना इसने, ये मेरे सर्वर पे पहुँची थी रिक्वेस्ट, नहीं सिर्फ लोकल होस्ट से नहीं हो सकता। देखो अगर मैं ये URL, ये क्या खुला हुआ है, इसको बंद कर दूँ। देखो ये URL जो है ना, अगर मैं तुम्हें दूंगा ये वाला URL, अगर मैं तुम्हें दूंगा तो तुम जब हिट करोगे तो मेरे लोकल होस्ट पे आएगी रिक्वेस्ट, लेकिन अगर मैं तुम्हें लोकल होस्ट वाला दे दूं, मैं लोकल होस्ट 5001, तो जब तुम लोकल होस्ट अपनी कंप्यूटर पे लिखोगे तो मेरे कंप्यूटर पे नहीं आएगी, वो तुम्हारे ही कंप्यूटर में घूमती रहेगी। नहीं वो IP भी सेम नेटवर्क पे, ये ग्लोबल है, ये पूरी दुनिया से, ये पूरी दुनिया से कोई भी हिट करेगा ना तो ये आएगा। ngrok npm से इंस्टॉल होगा, जी जी, ngrok की एक वेबसाइट है चुन्नी मुन्नी सी, वो आप उसको देख लेंगे ना, ngrok लिखूंगा मैं तो ये इनकी वेबसाइट आ गई, सही है। यहाँ पे इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि किस तरह इंस्टॉल होता है, क्या होता है। अच्छा इस पर ये लॉगिन भी करना पड़ता है, इसको सेटअप करना पड़ता है बाकायदा, पहले तो ये था जस्ट इंस्टॉल होता था और चलता था ये, लेकिन अब इन्होंने वो ख़त्म कर दिया है। अब ये बोलते हैं भाई लॉगिन करो, और अंदर एक टोकन होता है इनका, वो टोकन जाके CLI पे सेट करना पड़ता है, वो ngrok लॉगिन और स्पेस डाल के वो टोकन ऐसे डालना पड़ता है, तो फिर ये चलता है वरना नहीं चलता। और फ्री वाले में लिमिटेशंस भी हैं, मतलब एक दफ़ा चलता है तो पता नहीं 6 घंटे में वो खुद ही बंद हो जाता है, 6 घंटे तो हमने चलाना भी नहीं है भाई दबे कहाँ चला गया वो, ये रहा। अच्छा तो यहाँ पे वो URL जो है ना, हम ये वाला लगा देंगे अब लागे, और स्लैश वेबहुक, सही है, और रिक्वेस्ट ये ऑटोमेटिकली पोस्ट की मारता है यहाँ से आई थिंक, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली ये पोस्ट की मारता है। V2 में तो इसी तरह होता था, पोस्ट की मारता था,
अब यहाँ पे ये अच्छा कुछ ऑथेंटिकेशन अगर वगैरह है यहाँ से, कुछ यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह कुछ भेजना है अगर मैंने, तो वो मैं भेज सकता हूँ ताकि मेरी एपीआई कोई थर्ड पार्टी जो है ना यूज़ ना कर ले फ्री में। तो मैं यहाँ से कुछ पासवर्ड वगैरह टाइप की चीज़ें भेज सकता हूँ ना, कि जो मेरे सर्वर पे मुझे पता लगे कि यार ये चीज़ें ये जो एक्चुअली है ना कहाँ से आई है। अच्छा सर्टिफिकेट भी पूरा मैं अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि SSL जो सिक्योर कम्युनिकेशन होती है ना HTTPS वाली, तो उसके लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, तो शायद वो सर्टिफिकेट यहाँ पे मैं अब अपलोड करने का ऑप्शन मेरे पास आ गया है। ठीक है, पहले ये ऑप्शन नहीं था, पहले बाय डिफ़ॉल्ट वो HTTPS की रिक्वेस्ट मारता था। ठीक है, अभी ये रिक्वेस्ट इन्होंने ना कस्टम भी बना दिया। ठीक है, इस तरह की कुछ छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो वेल हमने क्या करना है, हमने इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना फ़िलहाल, हमने फ़िलहाल सेव दबा देना है। अच्छा तो मेरे पास क्या आ गया, इनेबल वेबहुक हो गया, माई वेबहुक के ऊपर मैंने रिक्वेस्ट को भेज दिया। अब माई वेबहुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने मैंने वो एक सर्टेन URL लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे जब इस पेज पे ये पहुँचेगा तो ये रिक्वेस्ट पूरा उठा के फेंकेगा मेरे सर्वर के ऊपर। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे URL लगाया है। अच्छा ये पार्शल रिस्पॉन्स जो है ये क्या चीज़ है, अभी इसको हम इग्नोर करते हैं और इसको इतने को सेव करके मैं क्या करता हूँ, टेस्ट एजेंट करता हूँ। और टेस्ट एजेंट करके मैं इसको बोलता हूँ कि यार माई नेम इज़ सैम। ठीक है, और टू मैंने बोला, और मैंने बोला कि यार VIP एंटर। ठीक है, आर यू श्योर टू बुक रूम फॉर टू पर्सन, मैंने उसको बोला यस। अभी नो मैंने बनाया नहीं है, नो भी बनाऊंगा, यस मैंने सिर्फ बनाया, अभी नो नहीं बना। यस बोलने पे रिक्वेस्ट उठ के सर्वर पे जानी चाहिए और जवाब कोई नहीं आएगा मेरे पास। 5 सेकंड तक वो वेट करेगा, 5 सेकंड बाद उसको ऑटोमेटिकली वो फेल कर देगा, क्योंकि मैंने वहाँ से कोई जवाब भेजा ही नहीं है। एंटर किया मैंने, यस कोई जवाब नहीं आया। सही है, सर्वर पे आके देख लेते हैं कि मेरे पास रिक्वेस्ट पहुंची है किधर की नहीं पहुंची। ये क्या सीन है भाई, रिक्वेस्ट ही नहीं पहुंची। URL मैंने सही लगाया था ना इधर, स्लैश वेबहुक है ना, इसको एक्चुअली मैं फिलहाल यूज़ कर देता हूँ कि पता नहीं वो गेट की मार रहा है पोस्ट की, तो वो यूज़ में दोनों ही हिट हो रहे होते हैं। स्लैश वेबहुक मैं इस तरह से कर देता हूँ फिलहाल, सिंपल कॉन्सोल ही है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो एटलीस्ट प्रिंट होगा ना, एटलीस्ट इतना पार्ट तो प्रिंट होगा ही होगा। हाँ वो एक्चुअली मैंने हिट तो किया था, लेकिन वो पहले ये पोस्ट था ना, स्लैश वेब हुक एंटर। जवाब तो मैंने कोई भेजा ही नहीं है वहाँ से, लेकिन ये रिक्वेस्ट आ गई इधर, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी खाली आई है। अब यहाँ पे क्यों गड़बड़ किया इसने भाई, नहीं यूज़ नहीं, वो पहले भी पोस्ट तो था ना। है अच्छा, ABC मैंने कोई भी टैग लिख दिया, एक्चुअली ये सेव नहीं हुआ। सही कह रहे हो, वो एरर देके वो चुप हो गया था, सेव नहीं हुआ था। वो कह रहा है कुछ ना कुछ जो है ना यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ना कुछ टैग आपको देना पड़ेगा। बस यार 5 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, अब रिक्वेस्ट गई है। सही है, देखो टाइम लगा रहा है ना ये, अभी 5 सेकंड तक वेट करेगा और फेल कर देगा रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट फेल हो गई, कोई जवाब नहीं आया लिहाजा। अच्छा यहाँ पे लेकिन मेरे पास, अब आप नोट करें ये क्या आ गया, पूरा का पूरा ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके ना, ये पूरी एक रिक्वेस्ट मेरे पास यहाँ आ गई है। सही है, इस रिक्वेस्ट को अगर मैं इधर ला के पेस्ट करूँ तो कुछ इस तरह की मेरे पास जो है ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ना कुछ इस तरह की चीज़ आई है। हाँ ये पैरामीटर्स का सारा डेटा आ गया मेरे पास, ये इंटेंट इन्फो आ गया, इंटेंट का नाम क्या था जिससे ये हिट हुआ है ये आ गया, कॉन्फिडेंस क्या था, 1 था, बंदे ने यस एग्जैक्टली यस बोला है बंदे ने, तो वो कॉन्फिडेंस पूरा है उसको। ठीक है, पेज इन्फो आ गया जी, करंट पेज कौन सा था जी, ये वाला पेज था करंट पेज। ठीक है, इस पेज की आईडी इसने एक्चुअली बताई है यहाँ पे। सही है, पेज की आईडी बताइए, क्योंकि हर पेज का एक नाम तो होता है लेकिन साथ साथ एक आईडी भी होती है। और डिस्प्ले नेम क्या था उस करंट पेज का, बुकिंग कंफर्मेशन पेज नाम था उसका।
सेशन इन्फो आ गया, सेशन के सारे पैरामीटर्स आ गए हैं आप, ठीक है। गेस्ट का नेम आ गया, गेस्ट नेम में ऑब्जेक्ट है तो वो ज़रा स्क्रीन पे आपको पता है प्रिंट नहीं होता ऑब्जेक्ट, तो गेस्ट नेम के अंदर वो ऑब्जेक्ट आ गया, नंबर ऑफ गेस्ट आ गया, रूम टाइप आ गया। तो मैंने अब इस पॉइंट पे ही क्या करना है, अच्छा फुलफिलमेंट इन्फो में ये टैग एक आ गया कि भाई ABC जो मैंने वहाँ से लिखा था वही एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे, हाँ आई एम नॉट श्योर कि ये टैग क्या चीज़ है, पहले मैंने नोटिस नहीं किया था, ये अभी इसने मुझे नोटिस किया है कि यार टैग है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स मैंने क्या करवाने हैं यहाँ से, ये सारे के सारे पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे से डेटाबेस में सेव करवाने हैं, नेक्स्ट काम मैंने ये करना है, और यहाँ से मैंने एक जवाब भी रिटर्न करवाना है, यहाँ से मैंने एक जवाब जो रिटर्न करवाना है वो मेरे पास वहाँ पर आया, ठीक है। पहले तो ये होता था ना, देखो अगेन मैं वापस आके तो मैं दिखाता हूँ कि मैं एक राउट में जाता हूँ ना यस में, तो देखो जब ये इंटेंट से तो हिट होगा या कंडीशन से हिट होगा, ये दो चीज़ें ना हिट कराने वाली हैं, ये तीसरी चीज़ जो है ना फुलफिलमेंट, ये जवाब वाली है, ये इंटेंट, ये जो राउट है या तो हिट होगा या तो इंटेंट से या तो कंडीशन से, इन दोनों चीज़ों से हिट होता है ना ये, और तीसरी चीज़ जो है जो फुलफिलमेंट जो है ये कि यार जवाब कैसे देगा ये राउट जो है वो जवाब क्या देगा। तो ये राउट के अंदर क्या चीज़ है मेरे पास, जनरेटर्स हैं, जनरेटर के थ्रू जवाब ले सकता हूँ मैं, जनरेटर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लिया आज हमने। एजेंट रिस्पॉन्स होगा ना वो प्लेन टेक्स्ट होगा, फिक्स होगा, प्लेन टेक्स्ट होगा, तीन चार वेरिएशन के साथ वो होगा। अब तीसरा हमने आज देख लिया वेबहुक, कि वेबहुक से के ज़रिए भी ये जवाब दे सकता है, एक राउट जो है वेबहुक के ज़रिए भी अपने आप को यानी कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो और मैंने यहाँ पे एक सर्वर का नाम वगैरह बता दिया है, लेकिन अभी हमने सर्वर से जवाब नहीं लिया, जस्ट मैंने ये देखा कि पूरा का पूरा पैरामीटर समेत उठ के वहाँ चला गया, उस पैरामीटर को वहाँ पे हमने डेटाबेस में सेव करवाना है और डेटाबेस में सेव करा के मुझे जवाब लेना है, ठीक है। हमारा जो अल्टीमेट गोल है, अगेन मैं रिमाइंड कराता चलूँ अगर कोई भूल गया तो, हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि जिस तरह की ऐप्स मोबाइल ऐप में या वेब एप्लीकेशन में ऑलरेडी बन रही हैं या बनाई जा सकती हैं, हम उसी तरह की ऐप हम इसके अंदर बना रहे होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक अगर मैं सोशल मीडिया ऐप बनाता हूँ एक वेब एप्लीकेशन में या मोबाइल एप्लीकेशन में, एक सोशल ऐप बनाता हूँ मैं, ठीक है, कि जी बंदा आता है, बंदा लॉगिन करता है और बंदा लॉगिन करने के बाद क्या करता है, उसमें पोस्ट करता है और दूसरों की पोस्ट को देखता है। तो इस तरह की ऐप हम कन्वर्जेशनल AI के ज़रिए, कन्वर्जेशनल ऐप भी इस तरह की हम बना सकते हैं, ठीक है। जो जो काम एक मोबाइल एप्लीकेशन में हो सकता है वो सारे काम यहाँ पर भी हो सकते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे उसमें क्या होता है, हमारा जो हमने शुरू में भी एक दफ़ा डिस्कस किया था कि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो एक्चुअली IPO मॉडल पे काम करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो IPO मॉडल पे काम करते हैं। IPO मॉडल क्या चीज़ है, कि इनपुट होगा, उस इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा और फिर उसका कोई ना कोई आउटपुट होगा, तो वो IPO मॉडल इसके अंदर पूरा है। अच्छा अभी नहीं, पहले से ही पूरा था, शुरू में ही जो आइडिया चैटबॉट का वेरी फर्स्ट आइडिया था API.AI का, उसमें भी इनपुट आउटपुट पूरा था और दरमियान में प्रोसेस के लिए वो सर्वर लगा हुआ है हमारे पास कि जी जो भी प्रोसेसिंग होगी वो हम सर्वर पे करा लेंगे। तो अभी तक हमने ये सारा इनपुट वाला पार्ट देख लिया है, अब हम सर्वर के ऊपर देखते हैं उसको प्रोसेस कैसे करना है हमें, ठीक है। प्रोसेस करके उसको डेटा, अब मिसाल के तौर पे जवाब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जवाब वहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई ये ऑर्डर सेव नहीं हो सकता, कोई गड़बड़ है इसमें। वैसे तो हमने वैलिडेशन सारी कर ली है फ्रंट एंड से, ठीक है। अच्छा हमारा ये फ्रंट एंड की वैलिडेशन जो है यानी डायलॉग फ्लो के अंदर जो हम वैलिडेशन लगा रहे हैं ये सिक्योर भी है, क्योंकि ये ओपन सोर्स नहीं है। मतलब जैसे HTML पे तो फ्रंट एंड की वैलिडेशन वैल्यू नहीं होती ना उसकी, इस पे तो ये क्लोज सोर्स है, ये वैलिडेशन सिर्फ मुझे दिख रही है क्या है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये मैं कर सकता हूँ। तो एक्चुअली ये फ्रंट एंड भी हमारा सिक्योर फ्रंट एंड है और बैक एंड भी हमारा सिक्योर बैक एंड है, लेकिन स्टिल हम यहाँ से वैलिडेशन लगा के भेजते हैं बैक एंड पे, लेकिन बैक एंड पे शायद बंदा शायद ये बोले कि यार इस नाम से तो पहले से ही रोम बुक है तो मुझे मना करना पड़ेगा। अभी स्टेटस बनाएंगे ना हम इसमें बुकिंग स्टेटस, तो जब मैं रिक्वेस्ट मारूंगा बैकएंड के ऊपर वेबहुक के जरिए और वहाँ से मेरे पास जवाब आ जाएगा कि यार ये चीज़ अवेलेबल है, हाँ ऐसे जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो वेल पॉइंट मेरा क्या था कि हमने क्या कर लिया, अभी इनपुट वाला सारा काम कर लिया है और अब प्रोसेसिंग और आउटपुट की तरफ हम मूव करेंगे। तो हम एक मोबाइल एप्लीकेशन में जो सारे काम कर सकते हैं, जैसे एक बैंक की एप्लीकेशन है, एक बैंक की एप्लीकेशन में आप जो जो काम करते हैं ना, बैलेंस चेक करते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं, सही है, बिल वगैरह पेमेंट करते हैं, तो ये सारे के सारे काम इससे हो सकते हैं, ये सारे के सारे काम इससे हो सकते हैं,
ठीक है, किसी भी आप फूड की ऐप में जाते हैं, फूड पांडा, या आप राइड बुक करने जाते हैं, तो राइड बुक करने में, अच्छा उसमें तो राइड बुक में ज़रा मैप वगैरह इन्वॉल्व है, तो उसमें शायद ज़रा इतना मुश्किल इतना आसान नहीं होगा, उसमें शायद हमें मैप वगैरह भी डिस्प्ले कराना पड़े कि जी पिन सेलेक्ट करके बंदा उसमें दे रहा हो, लेकिन स्टिल ये पॉसिबल है, स्टिल ये पॉसिबल है कि कन्वर्जेशन में जो जो बात आप बोल सकते हैं ना, वो सारे काम इसके अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, और क्या टास्क हो सकता है? नहीं, कोई ऐसी ऐप बताओ ना जो डेली हम यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पे। नहीं, अलार्म की ऐप तो यूज़ नहीं करते, वो तो सीरी से करा लेते हैं ना, सीरी या गूगल असिस्टेंट से। ऐसी और कौन सी है? एक तो मैसेजिंग ऐप्स हम यूज़ करते हैं ना, व्हाट्सएप वगैरह, वो तो चलो वो है ही, इसी का प्लेटफॉर्म है, उनकी बात नहीं हो रही। और भी जैसे बैंक की ऐप मैं अक्सर यूज़ करनी पड़ती है मुझे, बैलेंस चेक करने के लिए या बिल पेमेंट्स के लिए, इजी पैसा की और बैंक की ऐप यूज़ करनी पड़ती है, तो वो सारे काम इसके अंदर हो सकते हैं। तो जितने मोबाइल के अंदर काम होते हैं ना, वो सारे हमने इसके अंदर कराने हैं। तो आपने अच्छे अच्छे से यूज़ केस को सोचना है। हाँ, जैसे सैलानी की वेबसाइट है, सैलानी की वेबसाइट पर बंदा आता है ना इन्फॉर्मेशन लेने, तो इन्फॉर्मेशन वाला काम तो वो तो उसके लिए डायलॉग फ्लो की भी ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन वाला काम तो सिर्फ ओपन एआई हम लगाएंगे उस पर और वो एफएक्यू चैटबॉट बन जाएगा। बल्कि इसमें भी अभी जब क्रिएट कर रहे थे नया एजेंट, तो ये पूछ रहा था, कह रहा था कि यार नया एजेंट खुद से क्रिएट कर दूँ मैं क्या, ऑटो ऑटो क्रिएशन मार दूँ मैं उसकी, तो वो कह रहा था वेबसाइट का जस्ट आपको यूआरएल बताना होगा और हम खुद जाएंगे उसको क्रॉल करेंगे उस वेबसाइट को, सारा डेटा इकट्ठा करेंगे और एफएक्यू चैटबॉट बना देंगे। पूरा वो फ्लो बनाएंगे आप, डायग्रामेटिक फ्लो बनाएंगे ऑटो से। ऑटो से क्या? जो ऑटो पूछता है ऑटो बॉट बना दूंगा आपको। ऑटो वाला मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि ऑटो तो यार फिर देखो असल में ऑटो जो है ना मेरे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑटो पे जो चीज़ बन रही है ना वो फिर पैसे नहीं है ना उसके, मुझे तो वो चीज़ चाहिए जो किसी और से हो नहीं रही है। मैं वो आसान वाली चीज़ तो मैं, अगर मुझे पता लग जाए ना कोई चीज़ बिल्कुल आसान है, तो फिर मैं नहीं सीखता उसको, फिर मैं छोड़ देता हूँ दूसरों के लिए। मैं कहता हूँ यार बच्चे सीखेंगे इसको, क्योंकि भाई अब जो बात है ना सीधी बात है, पैसे जो उस काम के जो मुश्किल है, आसान काम के कोई पैसे नहीं होते। अभी जैसे मिसाल के तौर पर अभी डायलो फ्लो सी एक्स है ना, ये मुझे खुद भी नहीं आता मैं रोज़ पढ़ता हूँ तो आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पर, सही है ना, और ये मेरे लिए नई चीज़ है। अब मुझे अगर कोई बंदा बोले कि यार जब आपको आता नहीं है तो आप पढ़ा रहे क्यों हैं, जो आता है वो पढ़ा दें, फिर मज़ा कहाँ आएगा? फिर जो आता है वो पढ़ाएंगे तो मज़ा कहाँ से आएगा? और ये मुझे पता भी है कि यार अब आगे चीज़ जो आ रही है वो ये सी एक्स ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, सी एक्स के अब कस्टमर आना शुरू हो गए रेगुलर बेसिस पे, पहले नहीं आते थे, पहले लोग ज़रा भागते थे। अभी इन्होंने पता नहीं कोई मार्केटिंग कंपेन वम्पेन चलाई है, मुझे लग रहा है यूएसए में ना कोई मार्केटिंग कंपेन चलाई है कि बंदे एकदम सी एक्स की हर बंदा बातें कर रहा है। हमें तो यहाँ नहीं, जैसे अब यूट्यूब वगैरह पर चलाई होगी तो रीजन सेलेक्ट करके यूएसए में चलाया होगा, अब हमें तो नहीं यहाँ पर दिखा वो ऐड, लेकिन वो बाकायदा एक ट्रैफिक आना शुरू हो गई है डायलॉग फ्लो सी एक्स की ना मेरे पास, तो और बंदे ज़रा सीरियस हो गए इसको लेके। अच्छा, मैंने ख़ुद भी जब अब चेक किया चला के, तो ज़रा ये स्टेबिलिटी इसके अंदर आ गई है। पहले ये होता था कि करो कुछ, होता कुछ और था, गड़बड़ करता था ये शुरू शुरू में जब था ना, तो गड़बड़ करता था ये। अब लेकिन कोई गड़बड़ नहीं है भाई, अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया ये, अभी एक भी इसने मिस्टेक नहीं की है अभी तक। वो हमने कोई मिस्टेक की है तो बात अलग है। पहले तो ये होता था कि यही चीज़ क्लियर नहीं होती थी कि फ़्लो क्या है और पेज क्या है। आधे बंदे यूट्यूब के ऊपर ना, जो मैंने पहली क्लास में जिक्र किया था, आधे बंदे यूट्यूब में ना फ्लो डुप्लीकेट करा रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूँ पूरा चैटबॉट बन जाएगा, फ़्लो की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, दूसरा फ्लो तो है ही नहीं ना, वो तो मतलब आउट ऑफ बाउंड्री है हमारे फ़िलहाल। हम यानी इस कोर्स के अंदर हम जितना भी डेटा हम कवर करेंगे, जो हम पूरा शुरू से आखिर तक, उसमें सेकेंड फ्लो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, सेकेंड फ्लो की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कभी, जितना बड़ा भी मैं चैटबॉट बना दूँ। सेकंड फ्लो बनाने की ज़रूरत मुझे जब पड़ेगी जब मैंने पार्टीशन करना है, जो मेगा एजेंट वाली एग्जांपल मैंने दी थी उसमें, तो वो तो शुरू में तो कुछ अरसे तक यही क्लियर नहीं था कि ये होगा कैसे। डायलॉग फ्लो वाले ने खुद कुछ बोला नहीं है, उन्होंने बोला यार जैसे कर दो, उन्होंने बोला फ्लो दो कर दो या पेज दो कर दो, हमारे लिए एक ही बात है। हमने जो है वो जो बना लिया था उसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा भाई, लास्ट हमने ये एजेंट इतना बना लिया था, और इसमें हमने क्या कर लिया था कि बुकिंग नहीं, ये वाला नहीं था एक्चुअली, वो ये था ना होटल बुकिंग नाम था उसका। हमने ये वाला काम इतना कर लिया था, बुकिंग कंफर्मेशन पे आके हम क्या करते थे, इसको वेबहुक भेज देते थे। ठीक है, बुकिंग कंफर्मेशन पे आके हम क्या करते थे, इसको वेबबुक पे रवाना करते थे यहाँ से,
और ये मेरे वेबहुक पे मुझे मिल जाता था, और वहाँ से मैंने अब इसको रिस्पॉन्स करना था। जी ऑन कर दो, ये रखा हुआ। सही है जी। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये कर लेता हूँ कि मेरा जो सर्वर था वो वाला, उसको मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ। ये क्या खुला हुआ है, उसको बंद करो। मेरा जो सर्वर था लास्ट जो हम रन कर रहे थे, उसको मैं दोबारा से चला लेता हूँ। और जो है ना, अच्छा ये किसी अभी दूसरे फोल्डर में इसको हम चला रहे हैं, जो सेवन मोंगो डी बी क्रड करके है ये, इसके अंदर अब बना रहे हैं। इसके लिए अलग फोल्डर हम बना लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने क्या करना है, अभी फ़िलहाल हमने जस्ट इसको एक टेक्स्ट रिस्पॉन्स भेज के ना, एक टेक्स्ट रिस्पॉन्स भिजवा के फिर हमने ज़रा थ्योरी पढ़नी है आज चैट बॉट की ना। तो इसको इसी में फ़िलहाल हम चला लेते हैं, एन पी एम रन डेव। ये चल गया जी। अच्छा ये 5001 पे मेरा सर्वर रन हो गया। अच्छा अब मुझे ये 5001 पे मेरा सर्वर तो चल गया, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एन जी रॉक दोबारा चलाना पड़ेगा। 5001, ठीक है, ये मैंने एन जी रॉक दोबारा चला दिया। और अब ऑब्वियसली हाँ, अब देखो कल की क्लास में नहीं देना तुम तो यार, अब लास्ट के 10 मिनट में देखो मैंने इतनी चीज़ें अगर करा दी तो। भाई एक प्रोग्रेसिव मैनर में चलना होता है ना बंदे को। अब ये थोड़ी होगा कि मैं जो नई चीज़ें हैं वो मैं पहले पढ़ा दूँ, एक प्रोग्रेसिव मैनर में ही चलता है ना बंदा। मसला नहीं है, वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो देख लेना तुम, ठीक है ना। अब ये नहीं पता कि लेकिन कब करूँगा तो टाइम मिलेगा तो कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा ये आ गया, नहीं हफ्ता तो वैसे आज आखिरी दिन है, अभी शाम को हफ्ता ख़त्म हो जाएगा हमारा ये वाला। अच्छा ये एक नया यूआरएल आ गया मेरे पास, ठीक है, एक नया यूआरएल आ गया। अब इस नए यूआरएल को ना मैंने वो वेबहुक मेरा, क्योंकि वो तो उसमें जो लगाया था यूआरएल वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हर दफ़ा मुझे नया देता है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा मैनेज में, यहाँ से वेबहुक में जाऊँगा, और ये जो मेरा बना हुआ था ना ये यूआरएल, इसको मैं चेंज करूँगा, ठीक है। अच्छा ये चेंज करने की ज़रूरत मुझे इस वजह से पड़ रही है क्योंकि मैंने ये एनजी रॉक टेम्प्रोरी बनाया था इस वजह से। अगर समहाओ मैं क्या करता हूँ कि एनजी रॉक परमानेंट बना लेता हूँ, ये पेड वर्जन इसका परमानेंट है वो, ठीक है, या मैं अपने जो सर्वर को गूगल ऐप इंजन पर डिप्लॉय करता हूँ, तो गूगल ऐप इंजन जो मुझे यूआरएल देता है वो चेंज नहीं होता। मैं जितनी बार भी उस पर डिप्लॉय करूँ वो यूआरएल सेम रहता है, ठीक है, तो वो यूआरएल चेंज नहीं होता। तो अगर मैं उस पर डिप्लॉय कर दूंगा वंस, तो फिर मुझे उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, जब प्रोडक्शन में चलाऊँगा मैं इस चैटबॉट को, तो जो मेरा ये फुलफिलमेंट का यूआरएल है ये क्या होगा, वो ये वही वाला होगा, सर्वर वाला होगा बकायदा, ठीक है। एन जी रॉक जस्ट डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे होंगे हम। अच्छा ये हो गया जी मेरे पास। अब मैं वापस आ जाता हूँ मेरे ये बिल्ड वाले में, और मैं टेस्ट एजेंट का बटन दबाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार स्टार्ट पेज से चलाता हूँ इसको। मैं कहता हूँ हाय, और मैं कहता हूँ कि जी ये कह रहा है हाय आई एम होटल बुकिंग बॉट। मैंने कहा यार बुक रूम, और मैंने कहा कि भाई माई नेम इज़ मलिक। सही है, हाउ मैनी गेस्ट यू आर। मैंने कहा भाई टू, और मैंने कहा कि यार स्टैंडर्ड, ठीक है, आर यू श्योर। मैंने कहा यस। तो यस बोलते ही मेरे पास क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट यहाँ पे मेरे पास सर्वर पे आ जाएगी, ठीक है। इस जगह पे मुझे कॉन्सोल पे पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा ये वाला कॉन्सोल दिख जाएगा, और इस कॉन्सोल के अंदर जो मेरे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा वो कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, मतलब इस तरह का डेटा आएगा मेरे पास, ठीक है। ये कल हमने एग्जाम्पल कॉपी करके रखी थी यहाँ पे, तो इसमें ये पैरामीटर्स सारे के सारे मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। गेस्ट नेम और नंबर ऑफ गेस्ट और रूम टाइप, ये तीनों चीज़ें मुझे मिल रही हैं, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली अब क्या करना है, मैंने अब ये करना है कि यहाँ से मैंने ना एक रिस्पॉन्स भेजना है। अच्छा रिस्पॉन्स भेजने के लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट निकाला है यहाँ पे, वो मैं कैसे आया हूँ, मैं आया हूँ डायलॉग फ्लो सी एक्स के डॉक्यूमेंट्स में, उसमें आया हूँ मैं गाइड में। गाइड में आने के बाद मैं आया हूँ वेब हुक्स के अंदर, और वेब हुक्स के अंदर यहाँ पे इन्होंने स्टैंडर्ड वेब हुक रिक्वेस्ट के अंदर ना यहाँ पे बताया हुआ है कि जी वेब हुक रिक्वेस्ट किस तरह की आएगी, ये वो आ गया। अच्छा डायलॉग फ्लो सी एक्स तो इसका नाम है, लेकिन इसका असल में ये V3 है, ठीक है, डायलॉग फ्लो का V3 है।
और जो इससे पहले डायलॉग फ्लो ई एस था, इसेंशियल जिसको कहते हैं, वो डायलॉग फ्लो वी टू है एक्चुअली, ठीक है। तो वी थ्री की रिक्वेस्ट हम देख रहे हैं, और इसी के नीचे यहाँ पे वी थ्री का रिस्पॉन्स भी इसने बताया है कि किस तरह का जो है ना वो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में हम आते हैं, रिक्वेस्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जी डिटेक्ट इंटेंट की एक रिस्पॉन्स आईडी यहाँ पे आ रही है स्ट्रिंग में, ठीक है, लैंग्वेज कोड आ रहा है और फिर फुलफिलमेंट इन्फो आ रहा है। तो ये एग्जैक्टली यही चीज़ मुझे यहाँ पे भी दिख जाती है कि ये रिस्पॉन्स आईडी है, इंटेंट इन्फो है और ये पेज इन्फो है। अच्छा, ये कुछ ऊपर नीचे की आई है, ठीक है, फुलफिलमेंट इन्फो ज़रा बाद में आई है और वो पहले आया। मे बी इसको इसने जो है ना यहाँ पे इन्होंने शायद वो करके लिखा हुआ है उसको। वेल, जेसन के अंदर की अगर आगे पीछे हो तो उससे कोई मसला नहीं होता। वेल, मुझे फुलफिलमेंट इन्फो, इंटेंट इन्फो, पेज इन्फो, ये तमाम इन्फो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा, तो ये तो रिक्वेस्ट की बॉडी आ गई। इसमें से मैंने क्या कर लिया, मैंने मिसाल के तौर पे सेशन इन्फो का जो पैरामीटर था, मैंने कहा कि यार आप क्या करो भला, आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सेशन इन्फो डॉट पैरामीटर्स, ठीक है, ये इसमें से सेपरेट कर लो आप, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि जी जो पैराम्स है ना मेरे पास, मैंने कहा कॉन्स्ट पैराम्स इक्वल्स टू, ये मैंने बात लिख दी यहाँ पे, ठीक है, ये पैराम्स को मैंने अलग कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्सोल करवा देता हूँ एक एक पैराम को, नॉट लाइक दिस। पैराम से मेरे पास क्या है, गेस्ट नेम है, गेस्ट नेम करके मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जी पैराम्स डॉट गेस्ट नेम डॉट ओरिजिनल, है ना, इसी तरह ना ओरिजिनल है डॉट इसमें। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है कि हाँ ओरिजिनल, यस। अच्छा, नेम और नंबर ऑफ गेस्ट, सही है, नंबर ऑफ गेस्ट, ये नंबर ऑफ गेस्ट आ गया मेरे पास। तीसरा पैरामीटर मेरे पास आ गया रूम टाइप, ठीक है। तो ये तीनों मैंने पैरामीटर को यहाँ पे सेपरेट कर लिया। अब इन तीनों पैरामीटर को इमेजिन कर लें कि हमने डेटाबेस में मिसाल के तौर पे सेव करवा लेना है, और डेटाबेस में सेव करवाने के बाद अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ से भेजना है रिस्पॉन्स। तो फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, एक सिंपल एक सैम्पल डमी रिस्पॉन्स यहाँ से भेजना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वेबहुक का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। वेबहुक के रिस्पॉन्स के अंदर मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे सबसे पहली चीज़ चाहिए होगी फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे और एक हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड बनाते हैं, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसमें हम कहते हैं कि जी क्या होगा, ये फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स। अच्छा, अब आप नोट करेंगे फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स के अंदर क्या चीज़ होगी ना, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बल्कि यहाँ पे इन्होंने एक टाइप बता दी। इन्होंने कहा यार ये होगा, मतलब फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स के अंदर जो है ना ये कह रहे हैं यार ये होगा, ठीक है, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, और इसकी टाइप यहाँ पे अलग बता दी। तो मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करके मैं नए टैब में ओपन कर लूँगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स फुलफिलमेंट, ये आ गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, इसको मैं ऐसे कॉपी कर लूँगा यहाँ पर, और उसको कॉपी करके मैं कहाँ ले आऊँगा, फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स की जगह पे ले आऊँगा, सही है, ऐसे। और इसका ये ऑब्वियसली ये मैं उड़ा दूँगा क्योंकि ये इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसने बोला कि यार इसमें क्या है, एक मैसेजेस है, फुलफिलमेंट रिस्पॉन्स के अंदर होगा मैसेजेस। अच्छा, मैसेजेस के अंदर क्या होगा जी, अब ये एक ऑब्जेक्ट और है, रिस्पॉन्स मैसेज, और एक बिहेवियर करके है इनम, ये दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इस वाले को देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। अब मैं रिस्पॉन्स मैसेज यहाँ पे इसने देखो एक और वो बता दिया कि यार ये किस तरह का होगा। अच्छा, नीचे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि यार ये लिस्ट ऑफ रिच रिस्पॉन्सेज होगा ये एक्चुअली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ कि यार इसको भी आप क्या करो, नए टैब में ओपन कर लो, ताकि मैं यहाँ से इसकी टाइप देख लूँ।
ठीक है, तो ये जी इसकी टाइप आ गई, रिस्पॉन्स मैसेज की ना ये टाइप आ गई। अब रिस्पॉन्स मैसेज ना कुछ इस तरह का होगा, ये इतना बड़ा सारा होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना इन्होंने बोला है कि यार ये यूनियन टाइप है। यूनियन टाइप का मतलब ये होता है कि यार ये इतना बड़ा सारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देखो ये ऑब्जेक्ट एक ऐसा होगा, इसमें रिस्पॉन्स टाइप होगी सबसे पहले, उसके बाद चैनल होगा, और उसके बाद ये जो नीचे वाले आइटम है ना सारे, इसमें से या तो टेक्स्ट होगा, या तो पेलोड होगा, या तो कन्वर्जेशन सक्सेस होगा, या तो ये होगा, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है, सारे नहीं होंगे। तो हम इस वक्त फ़िलहाल टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं यार ये ऑब्जेक्ट ऐसे पकड़ो और इसमें सिर्फ टेक्स्ट वाली चीज़ मुझे ला दो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि यार ये जो चीज़ है ना रिस्पॉन्स मैसेज, इसकी जगह पे ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ये हो गया। अब ये थोड़ा बनता जा, अच्छा इसका ये ब्रैकेट डबल होगी यहाँ पे, वहाँ से ब्रैकेट हटा दूंगा मैं, ठीक है, ब्रैकेट डबल नहीं होने देना मैंने। अच्छा तो ये मैसेजेस आ गया। अच्छा मैसेजेस आप देखें एक एरे है, तो यहाँ पे एक्चुअली कॉमा लगा के ना ये एक दूसरा भी हो सकता है, ये कॉमा लगा के मैं एक दूसरा भी, दो मैसेज भी एक साथ भी भेज सकता हूँ, सही है, दो मैसेज भी एक साथ मैं भेज सकता हूँ। तो ये मैसेजेस के अंदर ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, ये समझ आ रहा है ना किस तरह से बना रहा हूँ मैं, वो ऑब टाइप में से देख के और टाइप देखता जा रहा हूँ और उसको बनाता जा रहा हूँ। वंस यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा तो फिर मुझे शायद वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और अल्टीमेटली हम इसको इस तरह करेंगे भी नहीं, अल्टीमेटली हम कोशिश करेंगे कि इनकी लाइब्रेरी इस्तेमाल करें। देखो डायलॉग फ्लो V2 जो था ना उसमें भी एक लाइब्रेरी इन्होंने लॉन्च की हुई थी, दैट वॉज कॉल्ड डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट आई थिंक, अभी मुझे नाम भूल रहा हूँ मैं, वेल जो भी लाइब्रेरी थी उनकी, वो बहुत ही वाहियात लाइब्रेरी थी, सही है। तो शुरू शुरू में उसको यूज़ करते थे हम, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मैं उससे बहुत बेजार आ गया, तो उसको मैंने यूज़ करना छोड़ दिया था। फिर मैं डायरेक्ट ये जेसन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे काम करने लग गया था मैं, ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसके अंदर मसले मसाइल थे ना, मतलब मसले मसाइल इस सेंस में थे कि वो सही से डिज़ाइन नहीं हुई हुई थी उसमें। ये टेक्स्ट रिस्पॉन्स की हद तक तो वो सही चलता था, लेकिन साथ में SSML भेजना है मुझे या कुछ इस तरह की चीज़ भेजनी होती वो मर जाता था वहाँ पर, या कोई ऐसी कंडीशनल चीज़ मुझे करनी पड़ जाए तो उसमें फंस जाते थे। तो नतीजा ये हुआ कि कुछ बड़ी ऐप्स के अंदर भी ना मुझे शुरू में मैंने वो लगाया, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना मुझे उसको हटाना पड़ा उसके अंदर से, और हटा के ये जेसन वाले पे आना पड़ा, ठीक है। तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि ये चैटबॉट जब भी वेबहुक पे रिक्वेस्ट जाएगी इसकी, तो इसका जवाब इसको जेसन में ही चाहिए। अब वो जेसन या तो मैं हाथ से बना लूँ या लाइब्रेरी के थ्रू बना के भेज दूँ, मैं लाइब्रेरी के ऊपर बोलूँगा ना कि एजेंट डॉट रिस्पॉन्स और उसमें टेक्स्ट लिखूँगा, तो वो जेसन ही बना के भेजेगा, ठीक है, लेकिन वो वन लाइनर होता है एक्चुअली, तो सिंपल केसेस में तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करें, तो लेकिन स्टिल आपको ये जेसन वाला ना पता होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है अभी इस क्लास के अंदर जो हम चैटबॉट बनाएंगे वो ज़रा सिंपल चैटबॉट होंगे ना, रियल लाइफ के अंदर जो चैटबॉट है बहुत वाहियात किस्म की लोग जो है ना वो रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं, ठीक है। तो सम टाइम आपको ज़रा सोचने में ये एक दो दिन लग जाते हैं कि बोला क्या है इसने, तो उस तरह की सिचुएशन में ना सम टाइम हो सकता है कि वो जो लाइब्रेरीज की है ना वो भी फेल हो जाए, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है लाइब्रेरी लिखने का। तो इस वजह से ये जेसन वाला मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि ये आपको पहले दिन से ये बात क्लियर हो कि लाइब्रेरी इज़ नथिंग बट जस्ट जेसन जनरेटर है वो, आप उसको जो भी लिखते हैं ना डॉट रिस्पॉन्स करके, डॉट टेक्स रिस्पॉन्स, डॉट क्विक रिस्पॉन्स, तो वो उसमें एक्चुअली जेसन पीछे जनरेट करके भेज रहा होता है, तो वो जेसन आप हाथ से भी लिख सकते हैं। वेल आ जाते हैं यार अब हम, और रिस्पॉन्स टाइप में क्या चीज़ है ये। अच्छा रिस्पॉन्स टाइप में, क्योंकि ये नीचे यूनियन है ना, तो जो यहाँ पे नीचे मैं टेक्स्ट भेज रहा हूँ तो मुझे यहाँ रिस्पॉन्स टाइप में लिखना होगा कि ये टेक्स्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैं चलता हूँ ईनम में कि क्या क्या चीज़ ईनम में अवेलेबल है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स टाइप में ईनम है, ये राइट क्लिक किया, ओपन इन न्यू टैब, अब ये ईनम देख लेते हैं कि क्या बोला है। अच्छा ईनम के अंदर जो है ना ये क्या होगा, ये इस तरह की चीज़ होगी कि जी रिस्पॉन्स टाइप अनस्पेसिफाइड एक होगा, ठीक है, और एक एंट्री प्रॉम्प्ट होगा, द रिस्पॉन्स ऑफ एंट्री प्रॉम्प्ट। अच्छा पैरामीटर प्रॉम्प्ट हो सकता है इसमें, फॉर्म फुलफिल प्रॉम्प्ट इन द पेज, और हैंडल रीप्रॉम्प्ट। यार इसमें इसने फुलफिलमेंट वाली तो कोई बात ही नहीं की, ये तो उसने एंट्री प्रॉम्प्ट की बात कर दी। तो हम इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स अनस्पेसिफाइड लगा देते हैं फिलहाल के लिए,
सही है, रिस्पॉन्स अनस्पेसिफाइड लगा देते हैं हम, ठीक है। अच्छा बाय द वे, हम ये ना भी लगाएं तो मतलब शायद इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ जाएगा। अच्छा चैनल जो है वो स्ट्रिंग है, तो चैनल को फ़िलहाल हम हटा देते हैं, क्योंकि चैनल वैनल की कोई हमने सेटिंग फ़िलहाल की नहीं है, क्योंकि उसमें वो चैनल स्पेसिफिक चीज़ भी कुछ एक दो है वो हमने डिस्कस नहीं की अभी तक, तो इसलिए चैनल मैं ये समझ रहा हूँ कि चैनल ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा उसके बाद आ गया हमारे पास ये यूनियन फील्ड जो आ गई टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट के अंदर ये कह रहा है कि यार ये एक टाइप अलग है इसकी। अब इस टाइप को हम चल के देख लेते हैं कि ये टेक्स्ट की जो टाइप है ये क्या है। इसको क्लोज़ करते हैं और मैं वापस पीछे आता हूँ, और ये जो टेक्स्ट की जो टाइप है इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करता हूँ। तो इसने बोला कि यार ये कुछ इस तरह से है टेक्स्ट, ठीक है। आ जाते हैं जी हम, और इस टेक्स्ट को ये ऑब्जेक्ट को हटा के ये लगा देते हैं इसकी जगह, सही है। इसका ये ब्रैकेट उड़ा देते हैं। ठीक है टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, इसमें एरे होगा एक स्ट्रिंग का। एरे के स्ट्रिंग में मैं कह देता हूँ कि यार दिस इज माई सैम्पल रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर, ठीक है। सैम्पल रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर मैंने ये कह दिया इसको। और क्या कह दिया जी, अलाउ इंटरप्ट, अलाउ प्लेबैक इंटरप्शन, सही है। अब ये प्लेबैक इंटरप्शन क्या चीज़ है पढ़ लेते हैं यहाँ पे आके हम। वेदर द प्लेबैक ऑफ दिस मैसेज कैन बी इंटरप्टेड बाय द एंड यूजर स्पीच एंड द क्लाइंट कैन स्टार्ट द नेक्स्ट डायलॉग रिक्वेस्ट। अच्छा ये कह रहा है कि जी अगर आप उसने उसको प्लेबैक करवाया हुआ है किसी जगह पे, तो क्या उस प्लेबैक को इंटरप्ट करके वो नई रिक्वेस्ट भेज सकता है, यानी कि जवाब जितने देर में बोला जा रहा है उतनी देर में ही सामने से कोई नई बात कर दे वो, तो क्या वो ये कर सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको कह देता हूँ कि यार फॉल्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार अभी जो है ना ये क्या करें, सही है बूलियन लिखा हुआ था तो मैंने सिंपल उसको फॉल्स कर दिया, ये कोई ऐसी टाइप नहीं थी जो मैं बता ना सकूँ। अच्छा इसके नीचे भी एक जो दूसरा मैसेज है इसमें भी मैं यही वाली बात लिख देता हूँ पूरी की पूरी आगे ना, क्योंकि ये मैं दो मैसेजेस भेज रहा हूँ, एक्चुअली मैं दो मैसेजेस भेज रहा हूँ। मैं कहता हूँ दिस इज़ माई सेकेंड सैम्पल रिस्पॉन्स, तो दो मैसेजेस मैं एक साथ भेज रहा हूँ, सही है। अच्छा उसके बाद है जी मेगा बिहेवियर, तो मेगा बिहेवियर भी हम इसको चलो बल्कि मेगा बिहेवियर को देख लेते हैं ये क्या चीज़ है, लेकिन आई थिंक ये भी ऑप्शनल है। ये आ गया जी मेगा बिहेवियर, अच्छा जी मेगा बिहेवियर क्या हो सकता है जी, नॉट स्पेसिफाइड हो सकता है और या अपेंड हो सकता है। मैसेजेस विल अपेंड टू द लिस्ट ऑफ मैसेजेस वेटिंग टू बी सेंड टू द यूज़र, मैसेजेस विल रिप्लेस द लिस्ट ऑफ मैसेजेस वेटिंग टू सेंड टू द यूज़र। अच्छा मैं इसको अनस्पेसिफाइड कर देता हूँ। अच्छा ये मेगा का चक्कर क्या है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि डायलॉग फ्लो V2 के अंदर ना मेगा एजेंट्स होते थे, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड कोई चीज़ लग रही है, बट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये बात लिखी है कि ये यूज़र को जो मैसेजेस भेजे जा चुके हैं और वो क्यू में लगे हुए हैं कि अभी ये भेजे जाएंगे यूज़र को मैसेज, तो उसमें क्या होगा वो उसका बिहेवियर है ये कि यार वो सारे मैसेज हटा के ये वाला भेज दो या क्या कर दो, ठीक है। तो इसमें अनस्पेसिफाइड रख देता हूँ मैं, जिसमें वो कह रहा है कि यार अपेंड हो जाएगा, ठीक है, यूज़र को जो भी मैसेज भेजा जाना है वो अपेंड हो जाएगा, यानी उसी के आगे लग जाएगा ये जाके, ठीक है जी। तो इसको अपेंड कर देते हैं। अच्छा अब इसमें से इन्होंने यहाँ पे ये बात मेंशन नहीं की है किसी भी जगह पे कि इसमें से कौन सा वाला पैरामीटर रिक्वायर्ड है और कौन सा वाला पैरामीटर रिक्वायर्ड नहीं है, इन्होंने ये बात कहीं पे भी मेंशन नहीं की है, हालांकि इनको करनी चाहिए थी यहाँ पे। सही है जी, तो ये हमने एक सैम्पल सा रिस्पॉन्स सिंपल सा चुनना मुन्ना सा तैयार कर लिया है। अब इसको ज़रा भेजते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचता है ये, ठीक है। तो अब हम अपने यहाँ पे से आगे जैसे ही बोलेंगे ना डायलॉग फ्लो के अंदर कि भाई आर यू श्योर, मैं येस बोलूँगा इसको जैसे ही, तो सही है ये दो रिस्पॉन्सेज मेरे पास सर्वर से आ गए, ठीक है। मैंने इसको येस पे रोका हुआ था ना, अब मैं येस सर्वर पे चेक करूँगा यहाँ पे, अगर आके मैं
बड़ा स्मूथली चल गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना स्मूथली चल जाएगा ये। सही है, तो ये तीनों पैरामीटर्स यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो गए, और जो है ना ये पूरा ऑब्जेक्ट बॉडी का जो पूरा, अच्छा बॉडी यार बहुत कचरा कर रहा है, इसको ज़रा हटा देते हैं। ये बॉडी का जो कॉन्सोल है ना, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने तो सामान तो अपना बाहर कर लिया ना जो चाहिए था मुझे, तो वो मैंने निकाल लिया, ये सब हटा देता हूँ मैं। तो बस ये पैरामीटर्स मैंने अलग किए हैं, ये तीन पैरामीटर्स यहाँ पे हुए हैं। बॉडी का मैंने सैंपल यहाँ ले लिया है, ठीक है, कॉन्स्ट करके, तो मुझे बॉडी में क्या आता है किस जगह आता है वो देखना होगा, तो मैं यहाँ से देख लूँगा, ठीक है। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट में भी हमने देख लिया है वो, जस्ट ये एक सिंपल सा रिस्पॉन्स है मेरे पास। अच्छा, इस रिस्पॉन्स के अंदर जाहिर है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर कोई भी बात लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं गेस्ट नेम लगा सकता हूँ ना, ठीक है, गेस्ट नेम को मैं लगा सकता हूँ। गेस्ट नेम लगाने के लिए मैं ज़रा एक वेरिएबल बनाऊँगा, कॉन्स्ट गेस्ट नेम, सही है, गेस्ट नेम मैंने बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ नीचे भी अब मुझे शायद पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है, मैंने कॉन्स्ट गेस्ट नेम यहाँ पे बना दिया, बल्कि तीनों का ही बना देते हैं, नंबर ऑफ गेस्ट का भी बना देते हैं ताकि कचरा ज़रा कम हो। ठीक है जी, और रूम टाइप भी एक बना देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, इस काम को करने का जो तरीका ES6 के अंदर है वो क्या तरीका है, कौन बताएगा? इसको काम करने का डी स्ट्रक्चर है, ठीक है, डी स्ट्रक्चर, लेकिन इस वाले में फंस जाएगा ये, इस वाले में फंस जाएगा। दो को तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये जो दो, ये वाला जो दोनों काम किया है मैंने, इसको मैं कैसे करूँगा, क्योंकि यहाँ पे भी नाम सेम है, यहाँ पे भी नाम सेम है, तो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा, ये लगाऊँगा, ठीक है, इसमें लगाऊँगा कॉमा, रूम टाइप, ठीक है, इक्वल्स टू पैराम्स, दैट्स इट, ये मेरा काम हो गया, सही है, ज़रा कोड क्लीन हो गया आपका। अच्छा, अगर मैं इसमें गेस्ट नेम भी लगा दूँ ना, तो ये गेस्ट नेम को भी पकड़ देगा, लेकिन गेस्ट नेम के ऊपर ना मुझे डॉट ओरिजिनल कॉल करना पड़ेगा हर दफ़ा। हाँ हाँ, ये गेस्ट नेम के ऊपर डॉट ओरिजिनल कॉल करना पड़ेगा हर दफ़ा, डबल ऑफ डबल कर दूँ इसको ऐसे यूँ, अंडू किया डॉट कॉलन ओरिजिनल, अच्छा कर्ली ब्रैकेट, अच्छा ये मुझे पता नहीं था, ये तुमने मुझे बताया, तो चलो चला के देखते हैं इसको। सही है, इसको चला के देखते हैं। नहीं, ये ओरिजिनल के नाम से, असल में एक वेरिएबल ओरिजिनल के नाम से बन गया, ये हुआ। अच्छा, गेस्ट नेम में मुझे मिलेगा ये, तुम क्या, अच्छा नहीं, डबल डबल डीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, लेकिन ये बना ओरिजिनल के नाम से है, वो मसला ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, देखते हैं लेकिन चला के क्या रिपोर्ट है। ठीक है, अब ये पता लग जाएगा ना कि भाई ये गेस्ट नेम में ही आ रहा है या ओरिजिनल में आ रहा है। तो अच्छा, तो मैं अपने, वेल मैं बता रहा ये था कि मैं अपने रिस्पॉन्स के अंदर क्या कर सकता हूँ, इन इन चीज़ों को मैं ऐड कर सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मिसाल के तौर पे कि यार डियर, सही है, डियर गेस्ट नेम, सही है, योर बुकिंग फॉर 2 पर्सन, योर बुकिंग ऑफ VIP रूम, ठीक है, योर बुकिंग ऑफ VIP रूम फॉर 2 पर्सन, सही है, डियर मलिक, योर बुकिंग फॉर VIP रूम फॉर 2 पर्सन इज कन्फर्म्ड, ठीक है। और इसमें क्या बोलते हैं कि वी एक्सपेक्ट यू टू स्टे, पता नहीं क्या बोलते हैं, बड़ा मुश्किल सा कुछ बोलते हैं ये, वेल वो बाद में लिखेंगे हम, अभी इसको इतने को ही चलाते हैं, ठीक है। तो पहला मैसेज ये हो गया, और दूसरे मैसेज के अंदर मैं ये बात लिख सकता हूँ जो मैं दूसरी बात कह रहा था ना, कि
वी विश यू गुड स्टे, पता नहीं इस तरह की कोई बात वो बोलते हैं ना, ठीक है, चाबी पकड़ाते हुए ऐसे वो मुंह टेढ़ा करके। अच्छा अब आते हैं ज़रा और इसको चला के देखते हैं, ये तीनों चीज़ें तो मुझे मिल जाएंगी, बस गेस्ट नेम देखते हैं गेस्ट नेम में क्या मिल रहा है। ओरिजिनल मिलेगा, अच्छा चलो इसको चलाएं तो सही, मैं इसको दोबारा से हाई बोलता हूँ, सही है। अच्छा क्योंकि सारे पैरामीटर पहले से ये मिले हुए हैं मुझे और वो मैंने क्लियर नहीं करवाए हैं, तो मैं अब जैसे ही बोलूँगा ना बुक रूम तो वो ठक करके दोबारा सारे को अंदर कर देगा। मुझे एक्चुअली करवाना क्या था, कन्फर्मेशन डॉट येस में वेबहुक भेजने के बाद इसको वापस होम पे भिजवाना था और सारे पैरामीटर क्लियर करवाने, तो वो मैंने करवाए नहीं है, तो अब मैं जैसे ही बोलूँगा ना कि यार बुक रूम, तो ठीक है ये डायरेक्ट इसने पूछ लिया कि भाई आर यू श्योर, सही है, भूला नहीं है ये कुछ भी अभी तक, तो मैं इसको कह देता हूँ जस्ट यस, यस कह देता हूँ ताकि ये दोबारा मेरे पास वेबहुक पे पहुँच जाए रिक्वेस्ट। ठीक है यार मिल गया, डियर मलिक, अबे नहीं आर यू श्योर पे अटका हुआ है अभी तक, ये क्या हुआ है यहाँ पर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, ओरिजिनल, अबे क्यों भाई, चलो ये ओरिजिनल हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये आया इसी लाइन पे था किसी और लाइन पे आ गया था, 56 पे आया, आया तो इसी लाइन पे था, आया तो इसी लाइन पे था ये। चलो हम गेस्ट नेम के साथ ना यहाँ पे हाथ से ओरिजिनल लगा देते हैं, ठीक है, ओरिजिनल की स्पेलिंग गलत है मेरी भाई। सही है, इसको मैं दोबारा बोलता हूँ बुक रूम और मैं बोलता हूँ इसको यस, अरे फिर ब्रेक हो गया, ये क्या सीन था, चेनिंग ऑपरेटर मतलब, नहीं वो एरर इसी का दे रहा है, हाँ अच्छा नहीं क्वेश्चन मार्क तो मुझे जब लगाना होगा ना जब वो, अच्छा ये मैंने नीचे ओरिजिनल को यहाँ प्रिंट करवाया हुआ है ना, ये ओरिजिनल अब एग्जिस्ट नहीं करता, इसको मैंने प्रिंट करवाया हुआ है 59 पे, हाँ ये इसको हटाना पड़ेगा ना मुझे एक्चुअली अब, ठीक है तो ये उसने सही तो एरर दिया है, सही एरर दिया है इसने, गेस्ट नेम में लेकिन अनडिफाइंड मिला है मेरे पास, ये क्या सीन है यार, अरे गेस्ट नेम का मैंने एन कैपिटल किया हुआ है ना, गेस्ट नेम में वो ऑब्जेक्ट में जो आता है उसमें एन, हाँ चलो अभी इतने को चलाते हैं, एक एक करके हम करते हैं फिर, हिट एंड ट्राई चल रहा है हमारा अभी इस वक्त, सही है। डियर मलिक, अबे आर यू श्योर पे क्यों अटक गया ये दोबारा, फिर कोड ब्रेक हो गया मेरा, अब क्या मसला हो गया इसमें, ओह अच्छा नीचे भी मैंने कैपिटल किया हुआ है इसको, गेस्ट नेम इज़ नॉट, नहीं ऊपर ये प्रिंट सही हो गया क्या, हाँ ऊपर तो प्रिंट सही हो गया, ये ऊपर तो प्रिंट सही हो गया, तो इसका मतलब है वो, हाँ हमारा काम तो सही हो गया अभी, अच्छा डॉट ओरिजिनल इस तरह है, अच्छा तो मुझे यहाँ पे मज़ीद डी स्ट्रक्चर करने पे वो मिलेगा तो ओरिजिनल में ही आई थिंक, तो उसको शायद करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ओरिजिनल को हाथ से लिख लेंगे यहाँ पे। अच्छा तो ये मेरा काम जो है ना बेहतरीन हो गया, सेट हो गया, एक दफ़ा इसको और चला के हम फाइनल देख लेते हैं और उसके बाद मैं कह देता हूँ कि यार सही है ये आ गया भाई, ये दोनों मैसेजेस मेरे सर्वर से यहाँ पे आ गए, ठीक है तो ये मैंने एक सिंपल जो हमारा टेक्स्ट था ना वो सर्वर से मंगवा लिया। अच्छा तो इस पॉइंट पे ना हमारा जो हेलो वर्ल्ड था वो कंप्लीट हो गया, सही है, इस हमारा जो डायलॉग फ्लो CX का जो हेलो वर्ल्ड था ना वो इस पॉइंट पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा इस हेलो वर्ल्ड को बनाते हुए हमने क्या क्या कुछ देखा है,
हमने यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है ना स्टार्ट पेज के ऊपर राउट्स को देखा कि यार राउट्स क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। और हमने तीन राउट्स बना लिए थे एक्चुअली, जबकि हमने कंप्लीट सिर्फ एक ही को किया है अभी फ़िलहाल, बाकी दोनों को हमने कंप्लीट नहीं किया है। तो हमने ये देखा कि इस पेज पे खड़े होकर अगर मैं हाय हेलो बोलता हूँ तो ये वेलकम इंटेंट पे हिट होता है, बुक रूम बोलता हूँ तो इस पे चला जाता है, ठीक है। लेकिन मेरा इस पेज पे होना ज़रूरी है, या कंप्लेन बोलता हूँ तो ये कंप्लेन पे, या बुकिंग स्टेटस बोलता हूँ तो बुकिंग स्टेटस पे चला जाता है, ठीक है। अभी अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको रीसेट कर दूँ और मैं इसको यहाँ पे अभी इस वक्त मैं स्टार्ट पेज से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं हाय बोलता हूँ तो ये हाय वाला जवाब आता है। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि यार बुकिंग स्टेटस, अच्छा बुकिंग स्टेटस में इस बार वन वर्ड लिख रहा हूँ, लेकिन इस तरह लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं उसको जुमले में भी बोलूँ ना कि यार आई वॉन्ट टू नो माई बुकिंग स्टेटस, तरह की कोई बात करूँ, तो असल में तो NLU इस चीज़ के लिए बना, ये वन वर्ड तो बगैर NLU के भी चल जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको रूम स्टेटस को बोला तो ये फ़ौरन कहाँ पर मूव कर जाता है, बुकिंग स्टेटस के ऊपर ये फ़ौरन मूव कर जाता है, सही है। लेकिन अब इसके अंदर आगे कुछ हुआ हुआ नहीं है, इसमें वो मैंने दूसरा पेज पे उसको राउट नहीं करवाया हुआ, तो इसलिए कुछ हो नहीं रहा अभी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको लेकिन बात समझ आ गई है किस तरह से होगा, और हम इंशाल्लाह अब इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि यार एक एक राउट के अंदर जो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं डिस्कस की हैं इस पूरे फ्लो के अंदर, बहुत सारी चीज़ें दरमियान में हमने स्किप की हैं अभी ना, जो हेलो वर्ल्ड में हमने नहीं देखनी थी। अच्छा उसके बाद हमने क्या देख लिया, उसके बाद हमने देखा कि अच्छा यार एक किसी राउट पे जाता है जब ये, तो उस राउट पे जाने की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे हम उस राउट पे इसको अगला पेज जो मिलता है उस पेज के ऊपर हम कुछ ना कुछ पैरामीटर्स ले रहे होते हैं, ठीक है। एग्जिट होते हुए क्या बात बोले वो, और एंट्री फुलफिलमेंट एंट्री होते हुए क्या बात बोले, फिर ये तीन पैरामीटर तीनों रिक्वायर्ड हमने कर लिए। इसके अलावा हमने एंटिटीज़ अपनी बना के देख ली, ठीक है, कस्टम एंटिटी। अच्छा और ये पैरामीटर पूरे फिल करवा के हमने क्या कर दिया, एक राउट लगा दिया यहाँ पे, कि जैसे ये सारे पैरामीटर मिल जाएं तो एक दूसरे राउट पे चले जाओ। दूसरे राउट पे हमने कन्फर्मेशन कर ली, कन्फर्मेशन ना भी करते डायरेक्ट हम वेबहुक पे भेज देते, लेकिन कन्फर्मेशन कर लेना मुनासिब है, ठीक है। अच्छा बाय द वे ये कन्फर्मेशन करना भी जो V2 के अंदर ना एक सर का दर्द था, एक अजाब था उसके अंदर, इसके लिए कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ता था, बड़ा मसला था। ये ज़रा स्टेट मशीन वाला काम अच्छा हो गया, वरना मतलब उसमें कन्फर्मेशन आमतौर पर हम कोशिश करते थे कि यार बस जहाँ पे बहुत ज़रूरी है ना वहीं पे लगाते थे कन्फर्मेशन, वरना नहीं लगाते थे, वरना डायरेक्ट जाने देते थे, ठीक है। जहाँ पे मतलब छोटी मोटी चीज़ में कन्फर्मेशन नहीं करते थे। हालांकि चैट बॉट के जो डिज़ाइन बाई डिज़ाइन ना, चैट बॉट में क्या होना चाहिए था कि हर जगह कन्फर्मेशन होनी चाहिए, कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना तो कन्फर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। ख़ास तौर पर उस तरह के जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट्स हैं, एक से ज़्यादा इनपुट शामिल है। मिसाल के तौर पे अगर तो बंदा बोलता है ना कि व्हाट्स द वेदर इन कराची, तो एक ही इनपुट है इसमें, तो इसमें हम शायद कन्फर्मेशन ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन जहाँ पे दो इनपुट्स आ जाएं तो वहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन लगाना ही लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया कि जी इससे एक दूसरे राउट पर भेजा, ठीक है। एक इस राउट पर क्या होता है, इस राउट पर ये किसी दूसरे पेज पर नहीं जाता, बल्कि यहाँ से ये डायरेक्ट सर्वर पर जाता है और सर्वर से ये जवाब लेकर आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया। अच्छा इसके लास्ट में मुझे उसको क्या करवाना है, इस पेज को राउट करवाना है वापस होम के ऊपर, और ना सिर्फ राउट करवाना है बल्कि राउट करवाने से पहले मुझे इसके पैरामीटर्स को भी सारे को ज़ीरो करना है, सही है। तो पैरामीटर्स सारे ज़ीरो करके मैं वहाँ पे पहुँचा दूँगा इसको। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड कंप्लीट हो गया। अच्छा अब मैं आपको जो है ना एक बुक दे देता हूँ,